ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनाम उपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मनस्पत आनः शृण्वन्नूतिभिः सीदसादनम् महागणपतये नमः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्ते। तो आज जो है ये स्ट्रीम मैंने रखी है फॉल्स नैरेटिव्स इन बॉलीवुड मूवीज। तो बॉलीवुड में जो झूठी कहानियां दिखाई जाती हैं उसके ऊपर मैंने प्राची अधिकारी जी को बुलाया है आज की स्ट्रीम में। हाँ, मैं आप लोगों से काफी नाराज हूँ क्योंकि कल सैम स्टेलोन के साथ जो मेरी डिबेट थी वहां पर मैंने आप लोगों का साथ देख लिया। केवल दो लोग थे जो चैट कमेंट में जो मुझे दिखे, जो बैठ के लिख रहे थे कमेंट्स, बाकी सारे मुसलमान थे और वो मुझको और पूजा परवीन जी को गालियां दे रहे थे और बार बार स्पैम कर रहे थे वहां पर। उनके पास कोई मॉडरेटर नहीं था और मेरा समर्थन करने के लिए वहां पर लोग नहीं थे और इसलिए मुझे जो है वो बहुत मतलब कोई वो नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला लोगों का। और उसका मैं पर समझ गई थी, मैं जनरली एग्रेसिव नहीं होती हूँ और बहुत काम रहती हूँ क्योंकि ये मेरी एक बड़ी विशेषता है जिस वजह से मुझे यहाँ पर पुलिस में 911 ऑपरेटर का भी जॉब मिला था एक टाइम। तो क्योंकि मैं हर अवस्था में बहुत कूल रहती हूँ, बहुत ज़्यादा कूल रहती हूँ, लेकिन चूंकि मुझे उसका वो समझ में आ गया था कि वो एक जिज्ञासु और वो सीकर नहीं है, वो असली प्रश्नों के उत्तर नहीं जानना चाहता था, केवल वो मजाक बनाने के ध्येय से जो है खाली हम एक साथ 20 मिनट तक बोलकर भगवानों को गालियां देकर, और जिसका कि वो रेफरेंस भी शो नहीं कर रहा था और ना ही प्राइवेट चैट में देना चाहता था, और क्योंकि वो कोई किताब से नहीं पढ़ रहा था, उसने मनगढ़ंत चीजें बनाई बताई थी। तो एक आध मैंने निकाल के जो है उसी वक्त रेफरेंस दिखा दिया था कि उसका कोई वो ये नहीं था कि वो बड़ा हिंदू धर्म में कोई वो करने चाहता हो, उसका रियल मीनिंग जानना चाहता हो, ऐसे कहीं से भी नजर नहीं आ रहा था। और मुझे समझ में आ गया था ये केवल क्लिप निकालने के लिए एक साथ 20 मिनट तक बोलना चाहता है, तो इसीलिए मैं उसको बोलने नहीं देना चाहती थी। और उसकी इस चीज को भ्रष्ट करने के लिए जो है वो मैंने उसके ऊपर बोलना शुरू कर दिया और मैं नहीं चाहती थी कि वो क्लिप निकाल पाए, तो मैंने इसीलिए जो है मैंने इतना बोला ताकि उसकी क्लिप खराब हो जाए, क्योंकि मुझे उसका उसका इंटेंशन समझ में आ गया था। इसलिए तो इसलिए मैंने उसकी चाल जो है वो करने के लिए। इसके बाद मुझे काल जी ने बताया कि इस्लाम में तो दो विमेन का मतलब विमेन का दिमाग आधा ही होता है, तो अगर आधा दिमाग है तो जैसे वो आते ही कह रहा था कि भाई टू अगेंस्ट वन, यानी कि दो लोग हैं और मैं अकेला हूँ। तो अगर इस्लाम में औरतों का दिमाग आधा बोलते हैं तो इसका मतलब तो फिर बराबरी हो गया। तो पता नहीं उसने अपने वहां पर अब जो यासिर यजीदी कोई नाम है ऐसा कोई है, उसके साथ एक थंबनेल बनाया उसमें मेरे को और पूजा परवीन का था कि पिक्स लगाकर कि टू अगेंस्ट वन ऐसे करके उसने वहां पर यजीदी के साथ वो कराया। तो
तो इसी से हमें पता चलता है कि वो कितना इमेच्योर और दौड़ा दौड़ा यजीदी के पास पहुंचा, क्योंकि उसे क्योंकि वो लूज कर गया कल का डिबेट, तो अब वो रोना रोने के लिए यजीदी के पास गया है, यासिर यजीदी क्या नाम है उसका मुझे ठीक से पता नहीं है, यासिर करके कुछ है, तो वजीदी वजी को कुछ ऐसे ही है, तो वो वहां पर गया रोना रोने कि 2-1, तो वहां पर वो कर रहा है। और अगर आप देखना चाहते हो कि उसका थंबनेल, तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, मुझे एक मिनट दीजिए, मैं खोल के आपको दिखा भी दूंगी कि सॉरी मैंने क्या चीज खोल दी, एक मिनट। हाँ तो ये देखिए, ये यहाँ पर एक करने वाला है 84 मिनट्स के अंदर एक शो जिसमें वो ये करेगा, ये देखिए 2-1 पोस्ट डिबेट। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये रोना गाने करने वहां गया है, और ये अपने आप को जो सैम स्टेलोन है ये अपने आप को बड़ा दिखाता है कि इसके पुरखे अपना अरबी वेशभूषा दिखाकर ये दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा अरबी हूँ। दरअसल में ये हैदराबादी, हैदराबाद में रहने वाला मुसलमान है, और ये अपने अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए अपना जो है वो इनके साथ वो दिखाता है, अरबियों के साथ की वेशभूषा पहनकर अपने आप को बड़ा अरबी दिखाने की कोशिश करता है। और 2-1 लिख रहा है, जबकि इसके ही इस्लाम में लिखा है कि औरत का दिमाग आधा होता है, तो उस हिसाब से तो जो है वो बराबर ही हुआ। और पूजा जो थी वो तो खाली टाइमर टाइमिंग करने के लिए उन्हें रखा गया था, क्योंकि पूजा जी को सनातन के बारे में नहीं पता, इसलिए वो मेरा और उसका डिबेट कराना चाहती थी, और वो खाली टाइमिंग के लिए थी, तो वो कोई डिबेट का हिस्सा नहीं थी। पर इसने सोचा कि पूजा जी जो है वो बड़ी सॉफ्ट स्पोकन है, तो इसने सोचा कि ये उनको दबोच लेगा और बातों में, तो इसलिए ये मेरे साथ डिबेट नहीं करना चाहता था। जैसे ही ये आया, वैसे ही इसने, अगर आप देखोगे वीडियो, तो जैसे ही ये आया इसने मेरे को देखा तो ये नहीं चाहता था कि मैं डिबेट में हूं, ये चाहता था मैं चली जाऊं डिबेट से, इसका नहीं दिल हुआ कि मैं डिबेट में हूं। और बहुत इसने कोशिश करी, 10-15 मिनट वेस्ट करने के बाद पूजा जी ने इसको बहुत मुश्किलों से जो है समझाया कि भाई ये नहीं नहीं, तो फिर ये चाहने लगा कि केवल सनातन पर ही मैं अपना मुंह खोलूं, और मुझे तो इस्लाम के बारे में भी काफी अच्छी जानकारी है और सनातन के बारे में भी मैं जानकारी कर रही हूँ, तो अभी तक जो है वो कोई सनातन के जो किताबें हैं उनके बारे में इतना नहीं जानता है जितना वो लोग सोचते हैं कि मैं जानती हूँ। और मैं भी कोई 100% अभी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं तो किताबें पढ़ती हूँ और उनको रिसर्च करती हूँ। और कई लोग मुझे मेल लिख के, एक बंदे ने बोला कि भाई आप बोल देना कि पुराण हम नहीं मानते हैं, एक्चुअली मैं तो हम मानते केवल भगवद गीता और वेद ही हैं, और वेद उपनिषद भगवद गीता, पर ये लोग पुराणों में से जो पौराणिक कहानियां हैं और उसमें जो काल्पनिक कहानियां उदाहरण स्वरूप दिए हैं उनको कोट कर करके और आधी कचरी बात बताते हैं, और उसमें भी इन लोगों ने इंग्लिश में किताबें उसकी विकृति रूप छाप दी हैं जिनमें की पार्शल वो। और मैंने तो कल देखा कि इसने संस्कृत का श्लोक बनाया हुआ है किसी ने इंग्लिश में, और उसमें गलत लिखा है, मैंने एक्चुअल किताब खोल के देखी तो दूसरा श्लोक लिखा हुआ था। तो ये लोग इस तरह का भी मिथ्या वो करते हैं, तो जो हमारी रियल बुक्स हैं उनमें इन्होंने जो है वो इस तरह की वो करी है। ये लोग पैशाचिक प्रवृत्ति के ठीक कहे गए हैं। तो मैंने जब भविष्य पुराण में पढ़ा तो कि मलेच्छ जाति का महमद था, उसने एक पैशाचिक धर्म वहां पर मजहब की स्थापना की, तो मैंने सोचा कि ये इसमें इतना मतलब एक्सट्रीम में लिखा है कि पैशाची मजहब की स्थापना की और ये कैसे लिखा है। तो अब मेरे को समझ में आया कि ये लोग काफी समय से, हमारे जो पुरखे थे सनातनी वो बहुत समय से जानते थे ये बात कि ये लोग पैशाची प्रवृत्ति के हैं और ये कभी चेंज नहीं होंगे। लेकिन ओवर टाइम चूंकि हमने ये इंफॉर्मेशन अपने बच्चों को नहीं सिखाई, क्योंकि हम नफरत नहीं सिखाते थे, तो हमारी ये इंफॉर्मेशन लूज हो गई। और हमें अगर पहले से पता होता कि ये मलेच्छ हैं और इनकी प्रवृत्ति ये है और ये इस तरह की धोखाधड़ी मक्कारी करते हैं,
और इसमें खुद ही लिखा है इसमें कि मकरह, और इसमें अरब का इसने ट्रांसलेशन जो किया है कि इसका मतलब है स्कीमिंग और नकी कनिंग, लेकिन मकरह का मतलब मकार से ही है, मकार मतलब धूर्त, ये लोग धूर्त हैं। और इनके आप कार्य करने से ही समझ जाएंगे कि जो असली सीकर होता है, अगर मान लो मुझे कुछ कुरान का नहीं पता है, किसी चीज का नहीं पता है, तो मैं उसके बारे में उससे बंदे से पूछूंगी, अब इसको क्या प्रॉब्लम थी वन टू वन जाने में, मैंने कहा एक रेफरेंस है आप दो सनातन का, फिर मैं उसको किताब खोल के पढ़ूंगी। तो ये उस पर तैयार नहीं था, उसका कारण ये था कि इसको ज्ञान अर्जन नहीं करना था, वो केवल एक क्लिप निकालना चाहता था जो कि वो अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दे, क्योंकि ये थंबनेल पर जितेंद्रानंद स्वामी के आंसू बनाकर इसने एक थंबनेल लगाया। ऐसी एक और मैंने लड़की का देखा जो कि सनातनी थी, तिलकधारी थी, बड़ी सॉफ्ट स्पोकन, इसने सनातन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा, जब आप इसके चैनल पे जाना तो देखना कि इसने एक क्लिप डाला हुआ है वहां पर, वो जो सनातनी लड़की है तिलकधारी, उसने इसके क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया है, तब भी ये ना उसमें इसने थंबनेल पे लिखा है कि देखो मैंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, मतलब कि उस बिचारी ने तो सही जवाब भी दे दिया, तब भी इसके अंदर इतनी धूर्तता है कि इसने दूसरे को एक्नॉलेज नहीं किया। यानी कि ये लोग इतने गिरे हुए निकृष्ट हैं कि केवल इनका मजाक उड़ाने का उद्देश्य है, इनको कोई ज्ञान अर्जन नहीं करना, ना इनको रियल में कुछ पूछना है, और अगर कोई उत्तर दे भी देता है तो ये इसको शो करते हैं कि इसने लूज कर दिया। तो उसको उस लड़की ने बिचारी ने बहुत अच्छा रेफरेंस भी दिया, लेकिन इस आदमी ने उसके थंबनेल पे यही लिखा है कि भाई मैं जीता और देखो मैंने इसको कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो खैर मैं तो बता रही हूँ कि इनकी प्रवृत्ति हमारे भविष्य पुराण में सही दी थी कि मलेच्छ जाति का पैशाचिक इसने मजहब शुरू किया मोहम्मद ने, और ये जो इंफॉर्मेशन है ओवर द ईयर्स हमारे जो हमारे वंश में ये भूल गया और इस वजह से हमें ये हुआ। तो वो तो है ही आर्या जी कि मैं पुराणों को साइड में रखकर डिबेट करूं, पर ये लोग तो जो उदाहरण देते हैं ये लोग हमारी नहीं सुनना चाहते, ये लोग तो बोलते ही चले जाते हैं। एनीवेज प्राची जी आ गई हैं, प्राची जी को कौन नहीं जानता, ये तो बहुत प्राची जी आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, अब आपकी तस्वीर दिखी, नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पे आने का, आपको देखने के लिए यहाँ पे बहुत लोग बैठे हैं और आपको आपको तो सबको ही जानते हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा सा और उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं फिर से बताइए प्लीज। मैं बिल्कुल अपने बारे में बताऊंगी, फिर मुझे आपसे एक शिकायत है, मुझे वो भी करनी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी कोई भी चीज शुरुआत हो तो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रहे, इसलिए मैं अपने कुछ बात मुझ तक आई थी तो मैं वो भी क्लियर कर लूंगी, तो मैं चाहती हूँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रहे। देखिए मैं एक दक्षिण भारतीय अभिनेत्री हूँ और 22 से अधिक मूवीज में काम करा है, तमिल तेलुगु में, और मीडियम बजट मूवीज में काम करा, क्योंकि जो अच्छे बजट की मूवीज मिली उसमें फिर कुछ ऐसी शर्तें थी जो इतना भी शौक नहीं था, एक्टिंग का शौक था बट इतना भी शौक नहीं था कि मतलब कि सब कुछ समझौता करके काम करे, और ये तो सभी जानते हैं कि आई हैव बीन ऑफर्ड बाय प्रभु देवा ऑल्सो, तो बस ऐसा था कि नहीं कर सकते थे, कुछ ऐसी कंडीशन थी, पैसा था, सब कुछ था, नहीं कर सकते थे। तो बाकी तो वुमेन ओरिएंटेड मूवीज ज्यादा पकड़ी मैंने, क्योंकि एक्टिंग ठीक ठाक कर लेती हूँ, बट स्कोप यहाँ जीरो इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको उन जो मिडिल बजट मूवी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके हिसाब से हंसना है, बोलना है, आप अपने हिसाब से एक्सप्रेशंस भी नहीं कर सकते। इससे अच्छा तो मेरे लाइकी या नॉर्मल इंस्टाग्राम में एक्सप्रेशंस होते हैं जो जिस सिनेमा में, क्योंकि कठपुतली की तरह काम करना होता है। हाँ नहीं, वो जैसे क्या होता है कि हंसना है अब, या फिर जैसे लाइट स्माइल है, आप इतना हंसेंगे तो वो कैमरे में लाउड आता है लेकिन और ज्यादा लगता है, अब मैं ही करके हंसूंगी तो वो इतना गंदा लगेगा, तो कहते नहीं नहीं हमें यही चाहिए। मैडम कह रहा हूँ मास ऑडियंस, मैडम मास ऑडियंस, कहते हैं मास ऑडियंस मतलब जो गांव की ऑडियंस है उसको मास ऑडियंस बोलते, कहते वो यही लाइक करते हैं, और क्योंकि पिक्चर में कुछ ऐसा मैंने करा नहीं गलत, तो कहेंगे मैडम थोड़ा सा यूं करके ऐसे कर दीजिए, तो वो क्या होगा कि पोस्टर में गलत फहमी है तो ऑडियंस आएंगे, यू नो लाइक ये चीज होगी। तो बस यही इसी तरह से सिनेमा में शुरुआत भी
शुरुआत तो मेरी स्टार्टिंग जो है वो टी सीरीज से हुई एक्चुअली, भोजपुरी एल्बम वीर कुंवर की धरती, और उसमें भी पैसे नहीं मिले, भाग गए, क्योंकि मैडम आपका ना थोड़ा सा सीधा काम है तो। और वैसे भी वो कह रहे हैं कि इस बच्ची को क्या जरूरत है, क्योंकि आई स्टार्टेड माय करियर व्हेन आई वाज 16, तो वो कह रहे हैं उल्टा तो उसको पैसा देना चाहिए, क्योंकि मैडम आपको पता नहीं है, तो मतलब वो ले चुका है पैसे लेकिन मुझ तक नहीं आए। तो मैं बोलती थी चलो चलो ठीक है, थैंक यू, मेरे को कैमरे में आ गई ना, मेरे पापा मुझे देखेंगे तो अब पता चल जाएगा मैं नालायक नहीं हूँ। तो दिस इज व्हाट यू नो, एक छोटा बच्चा है उससे जैसे मैनिपुलेट करे, बस लड़की को इतना पता है कि नोबडी कैन यू नो डू एनीथिंग रॉन्ग विद मी, बस इतना है, बस इतना था। और बाकी पहले आप शिकायत बताइए फिर आगे चलेंगे। मैंने आपका एक कॉमेंट पढ़ा था, वो मुझे किसी ने भेजा और ये कहा गया कि पीपल ऑब्जेक्ट कि व्हाई यू आर शेयरिंग द स्क्रीन विद सेंट। मैंने बोला मैं तो खुद, आपको शायद पता नहीं है, मैं हिंदू महासभा की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और मुझे मालूम नहीं था ये बात। एक्चुअली में क्या है ना, एक्चुअली में क्या है कि कुछ यहाँ पर जो चैनल लगाते हैं जैसे उस्मा जी वगैरह हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि अभी जो चैनल लगाते हैं वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप हो, उनका एम व्यूअरशिप पे है। और कुछ लोग तो अर्निंग पर भी रखते हैं कि यूट्यूब से अर्निंग हो, तो वो लोग ये क्या करते हैं कि स्वामी जी जो है हमारे सबसे ज्यादा इंडिया में जो साधु हैं उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा जुल्म है। एक तो उनको जो है अखबार वाले क्या करते हैं कि कोई भी मर्डर होता है तो उसमें गेरुआ वस्त्र में जो है, अब ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें होगा फैज मोहम्मद या कोई होगा, हाँ नहीं अली अली अकबर ऐसे भी थे, मैंने पढ़ा है। हाँ, और ऊपर से दिखा देते हैं कि मतलब साधु है या ये ऐसा, मतलब कि कोई व्यक्ति अगर न्यूज ना पढ़ रहा हो, खाली हेडलाइन देख रहा हो और थोड़ा सा उसमें इंफॉर्मेशन हो और गेरुआ वस्त्र देखेगा तो वो सोचता है अरे ये तो इंडिया का साधु है। और इसके अलावा क्राइम पेट्रोल वगैरह बहुत सारी सीरीज जो धारावाहिक आते हैं उसमें भी साधुओं को खूब बदनाम करते हैं ये लोग। तो साधु हमारे सबसे वल्नरेबल और सबसे ज्यादा नहीं, बट आपको एक चीज बता दूं, मेरे साथ ऐसा इल्जाम अगर कोई लगाएगा ना उसको मैं अंदर से पकड़ के लेकर आऊंगी, क्योंकि मुझ पे कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर झूठ भी नहीं बोल सकता। एक बार किसी कैमरामैन ने झूठ बोला कि मैडम गारू का कॉम्प्रोमाइज हुआ है, मैं एक चेक कलर की मिनी में थी और मेरे को किसी ने बता दिया था, रात का 2 बज रहा था और वो सर जो है मुझे अपनी बेटी मानते हैं एंड मैं उसको देखने में हूं, तो उनको ये था कि इसको अवॉइड करो ये मार देगी इसको। तो मुझे लास्ट में क्या हुआ, जब 2:30 बज गया तो मैंने वो क्रेन नीचे आई तो बोला गुड मैडम गुड, मुझे उससे तो वैसे ही मतलब खार थी कि इसने मेरे बारे में अनशन बोला है। मैंने उसे नीचे ऐसे क्रेन से यूं करा और 2 घूंसे मारे और मैंने कहा तेरी औकात नहीं है मुझे कॉम्प्रोमाइज कराने की, कोई ऐसा हुआ नहीं है इस दुनिया में जो मुझे खरीदे, तू तेरा पैसा तेरा है ही क्या भिखारी, नहीं तो मुझे अगर कॉम्प्रोमाइज करना होता तो मैं ये छोटे बजट में काम करती 18-20 लाख रुपए वहां लेकर बैठी होती कहीं पर, तू मेरे बारे में ऐसा बोला क्यों? तो बोला नहीं सॉरी मैडम। मैंने कहा रुक अभी तू पुलिस स्टेशन जाएगा। तो 4 दिन बंद रहा, 4 डंडे खाए और मैं जाके जो छोटी थी तो बोली मुझे कमिश्नर अंकल थे, मैं बोली अगर आपने इसको और नहीं मारा तो मैं यहीं पर मर जाऊंगी। तो मुझे इतना गुस्सा आया उसके ऊपर, हाउ डेयर ही स्पोक बैड थिंग अबाउट मी, वो मेरे को उस चीज से बड़ा हैरानी थी। और दूसरी चीज डासना जो है मेरे लिए सेकंड, प्रीति जी डासना जो है मेरे लिए सेकंड होम है और यति बाबा जो है मेरे गुरु पिता है। मैं आपको बता दूं मेरा थोड़ा, मैं संघ को कहना चाहती हूं प्राची जी, इट वाज नॉट डायरेक्टेड एट यू, इट वाज ओनली डायरेक्टेड एट स्वामी जी। बात यह है कि स्वामी जी के साथ किसी को भी पैनल पे लेना ही नहीं चाहिए, ये स्वामी जी के मतलब हम किसी व्यक्ति को जैसे आप अगर देश के नहीं नहीं देखिए मेरा इमेज मेरा देखिए मेरा मेरा प्रीति जी मैं एक मिनट एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे आप किसी मेन व्यक्ति को बुलाएं पैनल पे, जैसे मान लो मैं जस्टिन ट्रूडो को बुलाऊं और साथ में यहाँ पर और भी कई सारे लोगों को बुला लूं पैनल पे, कोई भी इररिस्पेक्टिव ऑफ ABCD कोई भी हो, मान लो अमिताभ बच्चन भी हो या कोई भी हो, तो इट आई वुड स्टिल से द सेम थिंग। क्योंकि बात यह है कि हम सब लोग ना उनके ऊपर ये एक बहुत वल्नरेबल लोग हैं जो साधु हैं, वही हमारे हिंदुओं के अब आजकल लास्ट वो रह गए हैं।
और चाहे अमिताभ बच्चन के मन में साधुओं के लिए कितना भी प्रेम क्यों ना हो, पर जो साधु है उस समय उसको हम साधु जितना जो है वो रिस्पेक्ट दें और केवल उनको एज अ गेस्ट जब बुलाएं तो बहुत सारे लोगों को इंक्लूड ना करें। मेरा तात्पर्य केवल ये था और मैंने मैं आपका समझ गई, लेकिन आप थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड समझिए। नहीं नहीं मैं भले ही समाजवादी पर देखिए आप कितना भी मतलब नहीं 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 मैं दासना की बेटी, मैं दासना की एक तरह से बेटी हूँ, क्योंकि मेरे को यति बाबा जो है वो अपनी बेटी जैसे मानते हैं और मैं उनको गुरु पिता मानती हूँ। दूसरा मैं धर्म संसद की ब्रांड एम्बेसडर हूँ, आई एम द ओनली एक्ट्रेस जिसके साथ ये चीज है। मैं फिल्म छोड़ सकती हूँ, अगर कोई धार्मिक प्रोग्राम है मुझे इतना पैसा भी मिलेगा ना, मैं फिल्म छोड़ सकती हूँ। मुझे ये सब नहीं पता था प्राची जी, मैंने तो एक जनरल कमेंट केवल स्वामी जी के लिए वजह से किया था, आपके लिए आपको मद्देनजर रख के नहीं किया था मैंने केवल। नहीं, कोई ऐसी बात ऐसी नहीं, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी मनमुट्ठी कोई ऐसी बात नहीं है, बात नहीं कही थी मैंने तो, खाली एक ये कहा था कि भाई स्वामी जी को एक पूरा पैनल चाहिए, बस इस तरह से मैं चाहती थी कि उनको रिस्पेक्ट मिले, मतलब उनको जो है बहुत सारे लोगों को जोड़ लेने से जो है वो चाहे कोई भी हो, बिग शॉट हो, चाहे अनिल अंबानी भी क्यों ना हो, मैं तो मतलब एक बात कह रही हूँ कि स्वामी जी को जो है मेन देना चाहिए था, बस ये था मेरा, और कोई वो नहीं है। नहीं नहीं देखिए पहली बात ये कि मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं है, जो मेरे दिल जो सबको पता होता है कि सबको पता हो। हम अपने टॉपिक में चलिए, हम अपने टॉपिक में वापस आते, क्योंकि माई थिंग इज वेरी क्लियर है ना, अब तो आपके दिमाग में मेरे लिए कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली मेरा दिमाग थोड़ा मेरा दिमाग इधर को जा रहा था, बिकॉज माई मेड डॉटर शी इज प्लेइंग हियर, सो आई वॉज जस्ट कीप ऑन लुकिंग एट हर, शी वॉज लाउड एंड कॉफी, आई वॉज लाइक डोंट डू दैट थिंग, या वी कैन कंटिन्यू नाउ, या सो ऐसी मेरी शुरुआत ऐसी। आप कितने सालों से हैं और आपने क्या फॉल्स नैरेटिव्स होते हुए देखे हैं? मैं बिल्कुल उसी चीज में आ रही हूँ, देखिए ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट और सारी चीजें करते हुए मैंने एक चीज पाई कि कोई भी बड़ा काम या अच्छा काम, वो चाहे आप कितने अच्छे दिखते हो रियल लाइफ में, आप विदाउट मेकअप भी बहुत अच्छे दिखते हो, वो आपको ह्यूमिलेट कैसे करते हैं पता है? थोड़े एग्जाम्पल मैं लड़कियों को देती हूँ ताकि वो मिसगाइड ना हो। पोस्टर में एक लड़की होगी बिल्कुल नॉर्मल, जिसको आधा घंटा बिठाकर नाक को पतला करना पड़ेगा और जिसको मतलब एक टैबू बनाया हुआ है कि तुम्हारी नाक ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी आंख ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी ये, जबकि आई फील प्राची जी मेरा मतलब ये, आई अंडरस्टैंड मैं आपका टॉपिक नहीं आया। अमिताभ बच्चन को दे दिया 786 का बिल्ला, उसमें दीवार में उसमें आ रही हूँ, उसमें मैं आ रही हूँ, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, आई गॉट इट। तो ये क्या करते हैं, इनकी एक स्ट्रैटेजी है, मैं वो बता रही हूँ, उसी चीज को आ रही हूँ। ये उसको दिखाएंगे लड़की को, बैठे हैं ओके, कमरा बंद हो गया, तो दिल भी लाइक कि ये लड़की है ना, अरे इसको देखो कितना काम मिल रहा है, अभी इसको फ्लैट लिया है, अभी इसने घर लिया है, अभी इसने ये लिया है, ये तो सर की पर्सनल है। सर कौन है? कोई इब्राहिम होंगे, ठीक है, सर कौन है? कोई इब्राहिम होंगे, और सर जो है लाइफ बना देते हैं। अब वो क्या सर के साथ क्लोज होने पर वो सर उसको दावत खाने में ले जाएंगे, दस्तक खान पिछवाएंगे, तो लड़की क्या है धीरे धीरे ऐसे वो मुस्लिम एंगल में सेट हो जाएगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो इंडस्ट्री में चलती है, और इसी तरह से जो लड़कियों का जो शोषण होता है वो इसी तरह से हमारे पास शोषण भी लड़कियों का इसी तरह से होता है। और रही बात आप जो अगर इससे आप बोलना चाह रहे हैं कि इस्लाम इंडस्ट्री ये सब, ये बहुत कॉमन सी बात है, यहाँ पर ड्रग्स बेचने वाला, यहाँ पर लड़की सप्लाई करने वाला, यहाँ पर लड़कियों का जब करियर ना चल रहा हो, कहीं हर लड़की मेरे तरह नहीं होती कि घर से ठीक है पापा के सामने रोद हो गए तो पापा ने कुछ भेज दिया, या यू नो लाइक कि तुम नाक मत कटवाना, अच्छे घरों की लड़कियां फिल्मों में नहीं जाती। तो मुझे भी लगता है कि एक चीज तो समझ में आती है, अगर आप वाकई में सेंस, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो और आपने अपनी एजुकेशन जारी नहीं रखी है, तो ये लोग आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और हाँ आपका धर्मांतरण भी हो जाएगा। आप बिग बॉस का एग्जांपल ले लीजिए, बिग बॉस में दीपिका शुहेब कक्कड़ आती हैं, दीपिका कक्कड़ बनके, शादी उसकी पहले ही हो चुकी होती है, लेकिन वहां पर वो एक नैरेटिव दिखाती है कि नहीं
वो तो श्वेब से प्यार करती है और उसके डायलॉग्स देखिए, कभी रियल जिंदगी में ऐसे कोई डायलॉग करता है? दिन भर किचन में खाना बनाती है, अरे तुम किचन में खाना बनाने आई हो बिग बॉस में, मुझे पता था वो जीत जाएगी। कोई एक्टिविटी नहीं, कोई उसका स्पोर्ट बॉडी नहीं, बिग बॉस हो या कोई अन्य शो हो, रियलिटी शो, वो होना चाहिए आपकी बॉडी फिटनेस पे। अगर आप बॉडी आपकी फिट नहीं है तो आप अपनी ही बॉडी में, अगर आप प्लस साइज मॉडल भी हैं तो आप उसी बॉडी पे कैसे फिट हैं ये बताइए आप, क्या आप में खूबी है? खाना बनाना ये तो कोई हमारी मम्मियां भी ला सकते हैं, दादी को भी ले आओ वहां पर, वो भी बिग बॉस जीत जाएंगी फिर। लेकिन क्योंकि शुएब आता है, गले लगता है, ये नैरेटिव सेट करके उसे जिताया जाता है। फिर आप गौहर खान को देखिए, चड्डी जैसे कपड़े पहनती है, सारे कपड़े पहनती हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद बहुत सब कुछ पहनती हूँ, आप देखिए, आप देखिए खुद देखिए, आप आज जो मैं बोल रही हूँ लोग धीरे धीरे समझेंगे। एक लड़की जासमीन बसी है, मेको ना ये ना ओ ना ऐसे करके बात करती है, शी वॉज 30, शी वॉज नॉट सम 16 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड। ओके, चाइल्डिशनेस इज गुड, आई हैव ऑल्सो यू नो मल्टीपल पर्सनैलिटीज, आई डू एक्ट लाइक चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स, बट ये जो वहां पर तुम कर रहे हो, वहां ये सब दिखाने हो, तुम में कोई गुण नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम वहां पर क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा बॉयफ्रेंड वो एली है, वो एली गॉनी, और उसको तुम वहां पर देख रहे हो, इसलिए उसके साथ तुमको वहां रखा गया। तो दिस इज वॉट वो इंप्रेस करते दूसरी लड़कियों को, क्योंकि देखो उसका बॉयफ्रेंड, एक लड़की आई कुछ मराठी लड़की थी, उसका घर तोड़ दिया ना, उस लड़की की इंगेजमेंट थी, 10 साल से अफेयर था, शादी होने वाली थी और बिग बॉस गई। लोग मुझसे बोलते अगर तेरे को जाने का मौका मिले, मैंने कहा या तो सिंगल जाऊंगी, अगर किसी एंगेजमेंट है तब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, वो घर ही तोड़ देगी किसी का, वो ऐसा दिमाग में डालते हैं उस माहौल में कि एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड तो होना चाहिए, यू नो मुसलमान हूं तो मेरा करियर अच्छा चलेगा, मेरा सब कुछ बढ़िया चलेगा, दैट इज व्हाट उनके वो छोटी लड़की के दिमाग में भी डालते हैं कि यू नो दे आर बेटर देन अस, यहाँ पर अगर मुस्लिम हो तो तुम्हें काम मिलेगा और मुस्लिम नहीं हो तो काम नहीं मिलेगा। और अगर साउथ की इंडस्ट्री आप ले तो वहां पर नाम बदल के, जैसे एक कोई खाजा नाम का व्यक्ति था, वो काम कर रहा था, वो हनुमान का किरदार करता था, और मुझे 10 साल बाद पता मालूम चला कि ये खाजा, ये बलवंत जिसको हम बोलते हैं खाजा है। तो दिस इज व्हाट, यहाँ पर कम से कम साउथ में डर है, लेकिन वहां पर लोग हमारे इंडस्ट्री में जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में कई लोग तो ऐसे हैं, जैसे ये आपने नाम सुना होगा सूरज पांचोली का बाप जो है, देखो मैं नाम लेके बोलती हूँ क्यों, इसकी जरीना वहाब से शादी हुई है, मैंने सुना था कि कंगना को उसने कहा कि यू नो लाइक मेरे पति से तुम खुश करो, ये करो वो करो, कोई औरत कैसे सहेगी ये, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई महिला अपने पति के लिए ये बोल रही है कि तुम, दूसरी औरत को बोल रही है कि तुम जाओ उसे एंटरटेन करो। और ये मैंने देखा है, एक साउथ में भी एक लेडी थी, वो कॉम्प्रोमाइज करवाती थी लड़कियों को, और शायद उनका आया भी था टीवी में आज से 4-5 साल पहले कि भाई मेरे हस्बैंड से, फिर मेरे हस्बैंड को जाके तुम खुश करो, और दूसरी चीज ये जब पकड़ी गई तो बोलती है मुझे अपनी शादी बचानी थी। ये कौन सी शादी होती है जो ये लोग बचाते हैं, ये किस शादी में और क्या बचा होता है जो बचाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट। बॉस में ना ये लव जिहाद वाला भी आया था कि कोई कश्मीरी लड़की थी तो उसको मुस्लिम के साथ पेयर कर रहे थे, पेयर कपल्स बना रहे थे, तो जो हिंदू लड़कियां हैं उनको मुसलमान, हिमांशु खुराना, उसमें लड़का छोटा था। अब एक बात बताइए, 12 साल पहले हिमांशी आती है, आज वो बोलती है कि हम 26, अब मुझे बताइए 15, हाँ हिमांशी 16 ईयर्स से इंडस्ट्री में, ठीक है, और ग्रेजुएशन कुछ करके आई है, उस समय जब आई होगी 20 की होगी, ठीक है, तो आज बताइए वो कितने की होगी। तो ये झूठ बोलना, एक तो झूठ बोलते हैं, ऊपर से वो जो लड़का था, क्योंकि वो सैफ अली खान जैसा पतला दुबला था, उसकी एज उसमें 32 लिखी हुई थी विकिपीडिया में, ठीक है, और वो भी उन्होंने कमी लिखी होगी। ये अपनी हिंदू हीरोइनों के साथ क्या करते हैं, जो इनके लेवल की, मतलब इनके हिसाब से नहीं होती है, उनका ये गड़बड़ करेंगे, उनका ये 1-2 साल ज्यादा लिख कर आएंगे। लेकिन जैसे जैसे रश्मि देसाई आई, वो 85 दिखाया था उसने, और जब एक बार गई 91, मैंने बोला वारे दीदी तुम तो बस कमाल हो, कुछ दिनों में कहीं 2000 बॉर्न ना हो जाओ, ऐसी एक वो थी जो एक और रश्मि देसाई तो हिंदू है, हाँ, तो बॉयफ्रेंड मुस्लिम था उस वक्त मुस्लिम था, और वो भी सड़क छाप मुस्लिम। अरे मैं कह रही हूँ कम से कम ये कितना बड़ा है एज में, पर ये हमेशा आएंगे हीरो के रोल में,
मतलब ये इतने बड़े बड़े हैं सारे जो स्टार्स, एंड दे लुक लाइक एंड दे लुक सो, मतलब ये मतलब इंडस्ट्री के लायक नहीं रहे, वो यंग लड़के नहीं रहे, लेकिन ये जब आएंगे तो नकली अपने बाल लगा के कुछ करके और यंग बनके और छोटी लड़कियों के साथ ऑपोजिट में आने की कोशिश करते हैं, ये चीज मुझे बड़ी गलत लगती है। अगर आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, एक्टिंग बड़े लोग भी कर सकते हैं, तो अपने बराबर के लोगों के साथ करो ना, छोटी छोटी लड़कियों के साथ बुढ़े बुढ़े लोग कर रहे हैं। देखिए देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, स्क्रीन एज होती है, अगर मैं 30 की हूं और मैं स्क्रीन में 16 साल की लड़की प्ले कर सकती हूँ तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे अंतरा माली थी, अंतरा माली जब 30 की थी तो उन्होंने 16 का रोल प्ले करा और उन्होंने रोल के साथ जस्टिस करा, लेकिन ऐसा कितनी बार होता है, लेकिन ऐसा कितनी बार होता है। एक्टर मैं ये बोलती हूँ कि हाँ, अगर आप 50 के हो, 60 के हो और आपका वो लुक है, तो आप 30s की एक्ट्रेस को लो, आप बिल्कुल ही 16 साल की लेना चाह रहे हो, आपको शर्म भी नहीं आ रही है, स्क्रीन में आप उनके बाप ही लग रहे हो, या तो फिर आप ऐसे हो कि आप ड्रग प्रग ना फूको, आप ड्रग फूकते हो तो साफ नजर आता है। और ये देखिए, ये जो मीडिया है, मैं देखिए क्या करती है, वो देखिए आर्यन खान आ रहे क्लीन चिट दे दी, अरे उसका कोई भी उठा के देख लो, उसका कोई भी आप नॉर्मल सा पार्टी से निकलता हुआ देख लो, पतली सी सिगरेट पकड़ी हुई है, मारुवाना की सिगरेट है, हशीश की सिगरेट है, हाथ में ग्लास पकड़े, आप उनसे पूछिए जब वो 16 साल का था तब से वो पी रहा है, और ये अनन्या पांडे वगैरह ये झूमते हुए आ रहे हैं, पर उनको क्लीन चिट मिल जाती है। तो जब उससे किसी ने टीवी डिबेट में पूछा कि आप क्या, सिस्टम तो इनका है ना। अब देखो वो लड़की जो जिहाद में फंसा ली थी, वो बेचारी डाइवोर्सी थी, जो पूजा परवीन जी के चैनल पे आई थी, तो वो पुलिस थाने गई जब उसने मुसलमान लड़के से शादी कर ली थी और उसने मेरे पास गई, बहुत फिजिकल टॉर्चर, वहां गई हाँ, तो फिर उसने पुलिस वाली जो थी वो मुसलमान थी, तो उसने उसका केस ही रजिस्टर नहीं किया और लिखा कि भाई तूने जो है तुम ही लोग जो है वो मुसलमानों को बदनाम करते हो, तो उसने अपना पुलिस वाला धर्म ना निभाकर और उसको भगा दिया। मतलब ये देखो, देखिए जब मेरे से पूछा गया टीवी डिबेट में कि प्राची जी आप क्या निष्कर्ष निकालती हैं, आज मुझे 3 बजे एक न्यूज चैनल है उसने बुलाया था, मैं नहीं गई आज क्योंकि मुझे अपना थोड़ा सा अब मैंने सीख लिया है कि आई नीड टू हैव माई ओन टाइम ऑल्सो, इनके क्योंकि इनका क्या है, ये किसी को बोल दे, मुझे जैसे बोलेंगे कि ये साधु आ रहा है, एक बार ओम बाबा थे, हालांकि मैं उनसे उतना ज्यादा सॉरी दैट्स माय डॉग, तो मैं उनसे इतना ज्यादा मुखातिब नहीं थी, उनसे इतना ज्यादा मैं परिचित नहीं थी, बट वो मुझे जानते थे, और मैंने कई बार सुना लोगों को बोलते हुए कि आएंगे तो उनको पीटना है, और मुझे बोले कि मैम आप थप्पड़ मारेंगी, एक चैनल वाले ने, मैंने कहा देखिए ये पाप मैं नहीं करूंगी, वो अगर गलत है तो आप उन्हें मत बुलाइए, मैं इस तरह की बातें नहीं करूंगी, ठीक है। तो ये एक नैरेटिव सेट करते हैं कि अब तुम वहां बैठो उसकी तारीफ करो। मुझसे जब पूछा गया कि प्राची जी आप ये आर्यन के बारे में, आप ये सुशांत के बारे में क्या सोचती है, तो मैंने कहा नहीं मिलेगा न्याय, आप लोग फालतू में यहाँ वेट कर रहे हैं। मैंने बोला सिस्टम जिसका खरीदा हुआ गुलाम हो, जहां प्रशासन पंगु हो जाए, वहां पर इस तरह का न्याय आपने सोचना भी, आप एक होता है ना कांच के रेत से घर बनाने समान है, तो मैंने बोला आप ये जो सोच रहे, तो बोले आप इतनी नेगेटिव हो रही है। मैंने कहा प्लीज मैं यथार्थ में जीती हूँ, मैं फालतू की चीजों में नहीं जीती हूँ, मतलब उद्धव ठाकरे का नाम आ रहा है, हाँ उसके लड़के का नाम आ रहा है, तुम उसके जो देवेंद्र फडणवीस की नहीं सुन रहे, जब कोई ऐसी बातें करता ना कि मैंने लव जिहाद से मेरे ही केसेस को बताएंगे कि हमने उनको बचाया, तो गुजरात में बैठ के कोई औरत महिला कह रही है, वो अपना नाम किसी पार्टी से जोड़ती है लेकिन पार्टी से उसका कुछ लेना देना नहीं है, खरीदे हुए लाइक्स खरीदा हुआ सब कुछ, वो एक नैरेटिव सेट कर रखा कि मैं बहुत बड़ी हूँ, और लोग भी उसका इंटरव्यू मतलब लेते हैं लेकिन नॉट टीवी वाले नहीं लेते, यूट्यूबर्स वगैरह, तो वो मेरे केस को बता रही थी, मुझे हंसी आई, मैं कहा अरे पागल औरत अनपढ़ों वाली बात करे, मेकअप करना सीख लिया लेकिन अनपढ़ों वाली बात, और इसीलिए मेरे से चिड़ता मैं मुंह फटू। मैंने बोला जो देवेंद्र फडणवीस की नहीं सुन रहे, जो राणे को जेल में भिजवाने को तैयार हो रहे हैं, वो तुम्हारी सुनेंगे, तुम्हारे बाप क्या है, ये इस देश के मालिक हैं, यथार्थ में जो सच्चाई बोलो, नहीं मिलेगा सुशांत को न्याय, सीधी सी बात, उसके घर में विधायक हैं, उसके पापा डीएसपी वीएसपी रिटायर्ड हैं, मतलब उन तक को, और जहां पर एसडीएम डीएम या कमिश्नर जो भी जाता है आईपीएस ऑफिसर, उसको क्वारंटाइन के नाम पे एक होम अरेस्ट जैसा कर लिया जाता है, हाउस अरेस्ट, उस देश में तुम जहाँ न्याय व्यवस्था पैसों में खरीदी जाती हो, जहाँ पावर बोलती हो, वहां पर बात करते हो तुम न्याय दिलाने की, तो ये तो देश के हाल, फार्म हाउस है उस पर भी तो था डेड बॉडीज के होने की, देखिए देखिए
बहुत कुछ होता है फार्मा हाउसेस पे यहाँ पर, और ये लोग सब जो है ना छुपा देते हैं, मीडिया को पे कर देते हैं। ये हमने सुना है कि आपके लिए कि हमने सुना है कि 14 साल 10 साल 14 साल जिन जो बच्चे थोड़े से प्यूबर्टी में आ जाते हैं, लड़का और लड़की शाम को चाहिए किसी को, किसी को आगे चाहिए किसी को पीछे चाहिए, तो इस तरह के जो शौकीन जिनके बच्चे हो जाएं। और हाँ एक चीज और, बाला साहेब ठाकरे को मैं याद करती हूँ तो उनको नमन करती हूँ। बाला साहेब ठाकरे जो है, सानिया कठवा, सानिया ओके ओके, ये मैंने केस रिपोर्ट करा था, मैं बताऊंगी आपको टेक पारा, मैं बताऊंगी वो केस, ये शायद मेरे भी व्यू वो है सब्सक्राइबर है, मुझे हाँ, नहीं पता, मैं बताऊंगी उसको, बताऊंगी कटवे का आइडिया, मैं बताऊंगी उसको, बताऊंगी केस मैंने रिपोर्ट करा था, एक मिनट में नोट कर लेती इसको, सानिया ओके वो अभी मैं बताऊंगी उसको मैं, हाँ ये तो ये सुनने में आया कि उनको छोटे बच्चों का शौक है आगे और पीछे इस तरह का, और जब उनका नाम इन्वॉल्व हो जाता है तो आप सोचते हैं कि अनुरव गोस्वामी जैसा कोई भी पत्रकार जो धड़ल्ले से कुछ भी बोल लेता है। अर्णव इज आई थिंक 7th मार्च एंड आई एम 16th मार्च, तो नंबर भी सेम है 7-7। मैं एक दिन देख रही थी इसका जोडियक साइन, मैंने तो मुझे पता था कि वो बोलेगा कभी ना कभी, उसकी राष्ट्रभक्ति जागेगी, वो जागा अभी, और लेकिन क्या हुआ, उतना ही काम कर सकते हो जितना आपको सिस्टम अलाउ करे, पकड़ के गिरफ्तार करके अंदर डाल लिया। जब वो इतने बड़े चैनल के मालिक को डाल दे रहे हैं जिसके रोज का खर्चा करोड़ों में हो, जिसको बाहर जाके काम करने की जरूरत नहीं है, उस आदमी को आप पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, तो आप बताइए बाकियों की क्या हैसियत है, वो किसी की नहीं सुन रहे हैं। तो इस देश में जब ड्रग माफिया, इस देश के सिस्टम को ड्रग माफिया चलाता था अन्य लेफ्टिस्ट सरकारों के उसमें, और आज भी जो उनको सपोर्ट मिलता है, चाहे खालिस्तानी मूवमेंट हो चाहे कुछ हो, इस देश की न्याय व्यवस्था को पंगु करने वाला जो सिस्टम है, बाहर से भर भर के पैसा आता है, और इस देश की युवा पीढ़ी को किस तरह से ड्रग्स के कारोबार प्लस ड्रग्स का आदि बनाना, वो कैसे करते हैं। लड़कियों को आपने थोड़ा सा पिलाया, यहाँ कोबरा पार्टीज होती है, जब यहाँ पर रेव होती है तो यहाँ कोबरा पार्टीज होती है। कोबरा पार्टीज में क्या होता है, कोबरा का जहर कटवाते हैं अपने आप को, उसके जहर से सुट्टा फूंकते हैं, ये होता है यहाँ पर, ये मतलब कोबरा के जहर से। सुनिए पहले सिगरेट बहुत कम हो गई, अभी कुछ और नशा चाहिए, फिर ये चरस, फिर गांजा, फिर थोड़ा उसमें स्प्रे मारेंगे स्मैक का, फिर थोड़ा और चाहिए, मजे नहीं आ रहे, फिर थोड़ा उसके साथ शराब पीना सीखेंगे, फिर ये हार्ड नहीं है, फिर नीट पीना सीखेंगे, फिर धीरे धीरे अभी क्या करें, अब तो बहुत यार मजा नहीं आता, देयर इज नो केक, हाउ टू गेट यू नो मोर केक देन दिस, तो ठीक है अभी एक सांप का कर लेते हैं, वो सांप का दाल डाल के फूंकना। एक लड़का तो मर भी गया था, मैं जानती हूँ उसको, वो हैदराबाद वगैरह का किधर का था, वो उसके फादर डिफेंस में थे, और उस लड़के ने ऐसी रेप पार्टीज में जाना शुरू करा। अब क्या होता है ना, जितनी चादर है उतना आप औकात में रहिए, लेकिन क्या है ऐसा नहीं होता, लोग दूसरे की गाड़ी, दूसरे का बड़ा घर, दूसरे का ये, दूसरे का, अरे वो दूसरे का है, अंबानी अपने लिए रिच है, मैं मेरे लिए हूँ, अंबानी को मैं रिच तब मानू जो मेरे नाम पर सारा जायदाद लिख दे, तब तो मैं मानू अंबानी रिच है, व्हाई डू आई केयर वो कितना रिच है क्या है, ठीक है वो लोगों को काम देता है, लेकिन वो देखिए ये जो सलमान शाहरुख, ये लोग खूब पैसा डोनेट करते हैं पर इंडिया में कभी नहीं करते हैं, ये लोग हमेशा पाकिस्तान में या कहीं और इस्लामी देशों में वहां डोनेशन करते हैं, कभी यहाँ के हॉस्पिटल्स और यहाँ के उसमें नहीं करते। देखिए एक आपको याद होगा कि एक आपदा आई थी उत्तराखंड में, मैं नाम भूल रही हूँ उस जगह का, बद्रीनाथ केदारनाथ, हालांकि मैं उत्तराखंड की हूँ, तो वहां पर एक आपदा आई थी, तो वहां पर इसने एक रुपया नहीं दान करा, उसी समय फ्लड आई पाकिस्तान में, 5 करोड़ रुपया दिया था इसने, और इसको बनाने वाला हिंदू है, हिंदू के नाम से राज, राहुल, प्रेम, इस तरह के नाम रखता है, ठीक है। और ये लोग, मैं बताती हूँ ये जो आज महाराष्ट्र का शासन पंगू क्यों है, उसका भी एक वजह है, शासन सत्ता हमेशा नहीं रहती, पद प्रतिष्ठा हमेशा नहीं रहती, वो मान बना के आपको रखना होता है, लेकिन इन्होंने बाला साहेब ठाकरे की जितनी भी वो थी उसको तिलांजलि दे दी और ये आगे बढ़ गए, क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल देने जा रही थी वो मिस हो गया क्योंकि बीच में क्वेश्चन पड़ गया था। बाला साहेब ठाकरे से ये लोग बेइंतहा नफरत करते हैं, ठीक है, उस
अब उनका बदला जो उनके कार्यकाल में हुआ है, जो उनका कार्यकाल मतलब जिस समय वो एक तरह से शासन को बैकअप करते थे बिना पार्टी में हुए, लोग उनके आगे नतमस्तक होते थे, शायद वो अनाउंस कर देते कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उनको हिंदू बना भी देते, इस देश के हिंदू बना भी देते जो इस देश को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते थे, वो कभी कांग्रेस के आगे झुक नहीं सकते थे और ना उन्होंने झुकने की ठानी थी। उन्होंने कहा था अगर ऐसा करना होगा तो मैं इसको विलीन कर दूंगा, खत्म कर दूंगा पार्टी, इस चीज को। शिवसेना जिस आधार पे है उस आधार पे शिवसेना आज है ही नहीं, और ये एक ऐसी दानवीय सेना के रूप में आ रही है नजर, जो कि लेफ्टिस्ट और मुस्लिम का गढ़ बन गया है। अब हुआ यह है कि बाला साहेब ठाकरे से जितना जहर था इनको वो निकालना था, किससे? बेटे से निकाल नहीं सकते थे, बेटे की परवरिश हो चुकी थी, अब वो सूत से निकालते ना सूत। तो अब ये लड़का जो है ये पढ़ता था इन लोगों के साथ, ये क्लासमेट रहा है कई स्टार किड्स के साथ, ये क्लासमेट रहा है। करण जौहर की नजर इस पे थी, करण जौहर ने कहा चलो ठीक है मैं तो ये हुई हूं, अब इसको भी थोड़ा सा इसमें लाता हूं। तो इसको शौक लगा दिया गया आगे और पीछे का बच्चों के साथ। आपको याद होगा सुशांत के साथ भी एक छोटी लड़की थी, वो गायब है, वो दिखती नहीं कभी, ठीक है। आरोप ये भी आता है कि वो लड़की मार दी गई, वो लड़की के साथ क्या हुआ, सुशांत उसको बहुत लाइक करता था, बहुत उसको बच्ची को अपने साथ रखता था, बहन मानता था उसको, लेकिन ये सब हुआ। तो इनके कुकर्म जो है आज जो है इनसे बदला लिया जा रहा है, इनके लड़के को पूरा अपनी तरफ मिला के पार्टीज, आपने देखा दिशा पाटनी उसके साथ जा रही है पार्टी में, उसकी एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का लड़का उस पर ये सब आरोप लग जाता है। फिर वो मीटिंग करते हैं, भाई लोग कहते हैं इसके बीजेपी के साथ मीटिंग कर रहे, इसके साथ भाई वो पार्टी है, राष्ट्र और राज्य चलाने के लिए उनको गठबंधन करने भी पड़ेंगे, कभी कभी खून के घूंट भी पीने पड़ेंगे, राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन ये जनता तो देखे, जनता तो देखे कि ये कर क्या रहे हैं। ये बदला निकाला गया है, ये जो छोटा लड़का है ना, जिस छोटा मतलब वो एज में तो ठीक है बड़ा है, लेकिन वो उनका जो लड़का है आदित्य ठाकरे, उसके से उसका उसके जो बाला साहेब ठाकरे उसके दादाजी हैं, उसका बदला निकाला गया इनसे, उसको इस राह में लाके। अब वो रात को ये भी फूके, वो रात को ये भी फूके, बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग इन बच्चों को भ्रष्ट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों हिंदुओं के बच्चों को भ्रष्ट कर रहे हैं, चरसा गांजा बनाने वाला बना रहे हैं। और देखिए ना, मेरे को उस बात से बड़ी चिढ़ मचती है कि मूवीज में जो ब्राह्मण है ना उनको दिखाते हैं धूर्त, और साधुओं को दिखाते हैं बलि चढ़ाने वाला और रेपिस्ट और बलि करने वाला, और इनका टिपिकल वो है। और बनियों को दिखाते हैं कंजूस है, और क्षत्रियों को दिखाते हैं रेप करने वाला, और इस तरह से जो है ये डिफरेंसेस जो हमारे डिफरेंट वर्णाश्रम जो थे उनके बीच में डिफरेंसेस पैदा करके डिवाइड एंड रूल वाला गेम खेलते हैं ये लोग। और देखिए इतना ज्यादा ब्राह्मणों के प्रति नफरत पैदा कर दी है, और साधुओं को बहुत ही गंदी लाइट में दिखाते हैं, जबकि साधु बेचारे मैं कईयों से मिली हूँ, वो बेचारे जो है वो लव में उनको रिजेक्शन मिली तो वो साधु बन गए। अगर अगर यहाँ यही चीज एक मुसलमान के साथ हुई होती तो 10-15 लड़कियों का तो वो बलात्कार करके आ जाता, और फिर बाद में जो है अपनी नमाज पढ़ के और अल्लाह से जो है गुनाहों का क्षमा मांग लेता। तो यहाँ इनकी किताबों में यही है कि कितना भी करते रहो, मैंने तो खुद मौलानाओं को देखा कि बच्चियों का रेप करते हैं, इसके बाद एक बार गुनाह की माफी मांग लो तो फिर अल्लाह गुनाह माफ कर देता है, पर यहाँ कर्म मतलब बुरे कर्म करते जाओ और माफी मांग लो। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है अल्लाह बड़ा पाक है, अल्लाह गुनाह माफ करने वाला है, अल्लाह मेरा रब लालमीन वो तो 7 आसमानों पे बैठा है शराब दे रहा है, समझे ना। तो ऐसा है, वो इसके बारे में बात भी करते हैं तो ऐसा लगता है कोई मुजरे में बैठे हुए बात करे, अल्लाह ऐसे करके बात करते हैं। और मतलब ये कि ये मेरे को बहुत ही घृणा आती है कि ये लोग साधुओं को बैड लाइट में हमेशा दिखाते हैं। मैंने कितने सारे क्राइम पेट्रोल ही देखना छोड़ दिया, सारे एपिसोड्स में ये दिखाएंगे कि कैसे उसने क्राइम पेट्रोल में एक स्टोरी थी जिसमें था मुस्लिम, लेकिन उसको असली में उस केस को मैं जानती थी उसे मुस्लिम था लेकिन उसको हिंदू दिखाया गया, मुझे इतना गुस्सा आया उस चीज, उस दिन से मैंने देखना छोड़ दिया, मेरा फेवरेट था वो। एसिड वाली फेंकने वाली जो पिक्चर थी उसमें भी फेंकने वाला एसिड मुसलमान था, पर उसमें मुझे उस लक्ष्मी अग्रवाल से इतना भी अब ना संपत्ति नहीं है, क्योंकि उस औरत ने क्या करा, अगर वो चाहती वो महिला क्या करती, वो ऑब्जेक्ट करती, कहते नहीं जो मेरा दोषी है उसका नाम शर्मा क्यों कर रहे हो, उसको शर्मा दिखा दी। अब कितनी जनता को आप जाके बताओगे भैया शर्मा नहीं था, शुएब था, क्या था, जो भी था, आप उसको साहिल रखते, उसका नाम कुछ रखते,
बच्चों को तो पता नहीं है, जो टीनेजर है हिंदू के, वो उनको तो पता ही नहीं है, वो तो हमसे लड़ने लगते हैं, अगर उनको कुछ शिक्षा दो तो कहते हैं सेकुलरिज्म का भाषण हमें देने लगते हैं। तो देखिए ऐसा है, मूवीज में जो है देखिए अभी देखिए पहले जी, एक अभी आपके दर्शक ने शानिया शानिया थी सानिया थी नहीं एस एच था उसका नाम शानिया शानिया एक कांड हुआ है आपको पता है। एक एक्ट्रेस थी कन्नड़ा की, उसका बताती हूँ। वो लड़की, उसका अफेयर हुआ, उसके भाई ने मना करा, उसके भाई ने कहा तू ऐसा मत कर, ये अनपढ़ है, गंवार है, मत कर तू इसके साथ, तेरा तू किसी और से कर, इससे मत कर, और ऐसा कर कि तेरा आगे के ताल्लुकात सही रहे और शादी हो सके। अब इसका जो बॉयफ्रेंड था वो था एम, उसने इसको क्या भड़काया क्या करा, तो इन्होंने तय करा कि भाई को आज खत्म करना है। तो माँ बाप गए कहीं बाहर, इसने घर में बुलाया उसको, उस भाई के को इसने ड्रिंक में कुछ पिलाया, क्या करा इसने, पीछे से मारा, उसकी गर्दन काटी, उसके टुकड़े करने में मदद करी। उसके बाद ये चले गई शूटिंग पे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, माँ बाप आए होंगे एक दो दिन बाद, तो वो बड़ा घबरा गए, लेकिन उनको शक था कुछ ऐसी चीजें, पुलिस ने तुरंत उस लड़के को गिरफ्तार करा, वो कहीं और था, और अलग अलग गए हैं ऐसी दिशा में यूं। और उसके बाद क्या है कि उनका प्रोग्राम ये था जब कुछ मामला शांत हो जाएगा तो शादी हो जाएगी, बढ़िया रहेगा, ये था। उसके बाद ये हुआ कि पुलिस ने दोनों को पकड़ा, तो बोलते कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं और इसलिए ये गलती हुई। लड़की को तब पकड़ा गया जब लड़के ने कहा कि भाई एक प्लानिंग उसकी है। अब देखिए, अगर वो प्यार करता सच में, अगर प्लानिंग होती भी तो भी नहीं बोलता मैं चलो जेल चला गया, वो सबसे पहले फंसाते हैं। इवन इवन आप लोग बाहर रहते हो पाकिस्तानी आपसे दोस्ती करेगा बहुत अच्छी, लेकिन वो क्या करेगा जब फंसने का टाइम होगा ना, वो आपको ऐसा हैंड देगा, मैं क्या बताऊं। ये मुस्लिम की आदत है, उनके साथ भी बलात्कार करते हैं। इनके यहाँ कुरान में ये भी लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था कि जो मरी हुई महिला थी उसके साथ भी ये हुआ है, मैं जानती हूँ, मेरे सामने केस है, ये नेक्रोफिलिया भी है जी। हाँ देखिए क्या होता है, मैं टर्म जैसे पुरानी मूवी थी 1989 में जो फिल्म भ्रष्टाचार थी, जिसमें कि अनुपम खेर था और मिथुन था और रेखा और रजा मुराद वगैरह थे, तो उसमें अनुपम खेर का नाम पुरुषोत्तम था और वो एक साधु बना था, और वो सेक्स जो है वो अंडर एज गर्ल्स को सेक्स करने के लिए बोलता था कि हम लोग भोग लगाते हैं, ये डायलॉग मारा था उसने। तो इन लोगों ने ये सारे डायलॉग लिखने वाले, मूवीज बनाने वाले, ये सारा इस्लामीकरण हो गया है बॉलीवुड का, ये लोग धीरे धीरे सॉफ्ट चीजें मन में डालते जा रहे हैं। तो जो बच्चे हैं, मैंने यहाँ तक कि छोटे बच्चों की किताबों में, जो बहुत छोटे बच्चे हैं ना, 3 साल के 4 साल के जो स्कूल में जाना शुरू करे हैं, तो जो वाक्य लिखना सीखते हैं कि माँ फल देती है या माँ फल्ला, तरबूज काट, मोहन आया, मतलब छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं, आई का यूज सिखाते हैं मात्रा का, तो वहां पर भी लिखा था कि राम गंदा था और अब्दुल अच्छा था, ऐसे वाक्य लिखे हुए हैं उसमें, छोटी बच्चों की किताबों में, बहुत छोटी बच्चों की, मतलब मैं तो उस तक लेवल तक ये पहुंच गए हैं। ये देखो जरा, देखिए ये तो वही जो भ्रष्टाचार उसमें थी, उसमें धर्मदास जो था वो थ्रेटन करता है मारने के लिए और रिश्वत देता है, तो इसी तरह वो भगवाधारी था, और उसी तरह से एक पंडित ठाकुर बनिया माफिया रहमत चाचा जो थे वो बड़े अच्छे थे, गंगा की सौगंध में जो है वो बनाई थी पिक्चर, इसके बाद वो पाकिस्तान चला गया, और इसी तरह ये सोल्जर्स को बुरी उससे दिखाते हैं। जो फिल्म यारियां थी 2014 में आई थी भूषण कुमार की, उसमें जो मरता हुआ सैनिक है वो कहता है भारत माता को रिमेम्बर करता है, फिर भारत माता आती है और वो हो जाती है, उसके कपड़े उतर जाते हैं, और जो बेटा है वो उसकी एक्सपोज बॉडी को देखकर, जो उसकी निर्वस्त्र शरीर को देखकर वो बड़ा हॉर्नी फील करने लगता है, और माता जो है वो गाने लगती है शीला की जवानी अपने बेटे के लिए, और जो सोल्जर है वो कहता है कि ये जो है वो भारत नहीं चाहते, ये केवल लस्ट चाहते हैं। देखिए आपने, वाह, और
फिर ये भी दिखाते हैं कि हिंदू जो गॉड है वो कभी समय पे हेल्प नहीं करता, इसलिए वो उससे चुराते हैं अपनी भोग यातना को वो करने के लिए। अल्लाह वारियां सॉन्ग फिल्म आई थी यारियां की 2014 में, उसमें ये सब दिखाया गया है। तो ये सब मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से इन लोगों ने इस माहौल को बिगाड़ दिया है। हमारे जो सैनिक हैं उनका वो मनोबल वहाँ कश्मीर में तो करते ही है उन पर पत्थरबाजी, और यहाँ पर भी जो मूवीज आई थी जिसमें उसने दिखाया कि वो चला गया, जब वो चले जाते हैं वॉर पे तो पीछे से उनकी वाइफ जो है वो कर रही होती है सेक्स, मतलब एडल्ट्री कर रही होती है। ये नहीं दिखाया था, अभी एक मूवी आई थी बाद में इस पर केस हुआ था, क्या हुआ था? देखिए जब तक जब तक इस देश की जनता अभी और जागरूक होना जरूरी है, जब तक इस देश की जनता और जागरूक नहीं होगी उनको इस समझ में नहीं आएगा कि आपने देखा होगा ठाकुर हमेशा रहेगा रेपिस्ट। आई कम फ्रॉम अ राजपूत फैमिली, मेरे घर में तो कोई नहीं है, मेरे घर में ब्राह्मण से भी शादी है। हाँ नहीं, वो राजपूत होगा, जबकि मेरे घर में लोग आते थे कि अधिकार, मतलब मेरे फादर से कहेंगे, जब मेरे फादर यंग हुआ करते थे तो बोलेंगे अधिकारी जी देखिए वो मुसलमान मेरी औरत को भगा के ले जा रहे हैं, इवन नेपाली तो मेरे पापा जाके लपड़ लपड़ मारते थे, जबकि मेरे पापा समाजवादी थे। ये इन लोगों का जो सोच है ना कि बनिया जो है हमेशा बेईमानी कर रहा है, जबकि बनिए जो होते हैं वो ही ईमानदारी से काम करते हैं बिजनेस में, वो कंजूस होंगे लेकिन उनकी बेटियों की शादी में और प्लस धार्मिक प्रोग्राम में वो अंटशंट पैसा नहीं खर्च करते, धार्मिक प्रोग्राम में और शादियों में अपनी बेटियों की सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। बनिए जितना धर्म के काम करते हैं मारवाड़ी उतना कोई नहीं करता, जो पंडितों को दान देते हैं अच्छा करते हैं। और हमारे पंडित जो है रही एक नैरेटिव, हमारे ब्राह्मणों को ये दिखाते कि हमारे ब्राह्मण खराब होते हैं, मेरे घर में ब्राह्मणों से भी शादी है, मैं बताती हूँ आपको। पंडित बोला करते थे हमें बचपन में कि बेटा ये जो है नाई को देना, हिंदू नाई को। अब नाई कहाँ है, हम जाते थे पापा कार रोकते थे, हमें बोलते थे सामने नाई है, उसे गुड़ की बेली यानी कि गुड़ का केक, एक गुड़ का केक देकर आओ, तेल देकर आओ, उसे इतना चावल और इतना राई वो देकर आओ, दाल देकर आओ और कपड़ा देकर आओ, पैसे देकर आओ। अगर मेरे जैसे अगर मान लीजिए 150 लोग उसे देकर आते हैं तो उसको तो घर अच्छे से चल रहा है, आज हिंदू नाई हमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक चीज बनाई गई है कि ये काम छोटा है ये काम बड़ा है, ये चीज बना दी गई कि इसमें दुकान पर मुसलमान हिंदू देवी देवताओं की फोटोएं बेच रहा है मुसलमान, मतलब कि ये लोग कुछ भी जो करके वो करेंगे। मैं यहाँ कनाडा में हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट में गई तो वहां पर जो है वो बड़ी मूर्तियां लगी हुई थी बहुत सारी, मैंने सोचा बड़ा हिंदुओं का वो है गणेश जी की, और बड़ी सारी ब्रॉन्ज की ना मूर्तियां लगी हुई थी। तो मैं और ऊपर जो है वो छोटा भीम वो चैनल भी उस पर चल रहा था बड़े से LCD पे, तो मैंने वहां पर देखा कि ये लोग जो है एक बुर्का वाली वो जो मतलब हिजाब वाली लड़की टहल रही थी, वो होस्टेस होगी उस रेस्टोरेंट की। तो मैंने उससे पूछा तो वो मैंने उल्टा क्वेश्चन बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ ये हलाल मीट ही है ना, तो वो कहता है हाँ हम सब कुछ हलाल रखते हैं। तो मैंने कहा आपको अपनी वेबसाइट पर लिखना चाहिए अगर आप हलाल मीट सेल करते हैं, तो ये तो दूसरों को हिंदुओं को धोखा देने वाली बात है। तो वो बड़े से अंकल जी थे मुझसे कहते हैं तो क्या हिंदू हलाल नहीं खाते, मतलब कि मेरे मन में आया कितना मतलब क्यों खाएं क्यों खाएं, बड़ा हो गया चलो चलो मैं तो वेजिटेरियन बन गई, उसका मतलब उसे जी जी पता कि इसको हलाल नहीं खाते, मतलब ये दिखाने की कोशिश कर रहा था। देखिए मैं जिस उत्तराखंड से आती हूँ एक चीज बड़ी अच्छी है, मैं तो खैर अब प्योर वेजिटेरियन हूँ, लेकिन वहां पर मैं जब गई एक बार तो मतलब मेरा जो सिटी है हल्द्वानी उत्तराखंड में, मैं गई, मेरा असिस्टेंट था मेरे साथ, और तब वो असिस्टेंट मेरा एक मुस्लिम हुआ करता था असिस्टेंट, ही वाज अ गे वैसे से बात करता था, इसलिए हम लोग उसके साथ सुरक्षित थे। लेकिन वो एक प्लानिंग के तहत मेरे साथ था कि मुझे कन्वर्ट करना है, हालांकि बाद में मैंने उसे भगवत गीता पढ़ा दी, वो बात अलग है, और सीधे बाहर का रास्ता दिखाया क्योंकि मेरा अलग ही थोड़ी परवरिश अलग ही है ना, स्ट्रॉन्ग टॉम बॉयज टाइप, तो मुझे तो नहीं कर पाए यार मुझे क्या करें। उसके बाद क्या मेरे साथ जब आया तो वहां कह रहा है उसको, तो वहां हम लोग जैसे बच्चों की तरह जाते हैं क्योंकि हमारी सिटी है, तो थोड़ा घर से पैदल चलते मैंने चल चल वहां चलते हैं, तो बोला मैडम ऐसे कैसे जा रहे, मैंने कहा पागल ये वो थोड़ी ना कि मतलब यहाँ कोई एक्ट्रेस वैक्ट्रेस थोड़ी हूँ, यहाँ तो नॉर्मल जाएंगे। तो शाम को तो ऐसे थोड़ा सा चले गए पैदल वॉक करते हुए शॉर्ट्स टी शर्ट्स में ऐसी, तो वहां कह रहा है उसको कि भाई ये हलाल है,
भाई अलग हमलाल नहीं खाते, ये झटका है। अच्छा अच्छा मैडम आप तो खाते नहीं। मैंने कहा मैं वेजिटेरियन ले रही हूँ, मोमोज वेजिटेरियन ले रही हूँ, पैक कर रहे हैं भैया तेरे को ले। हाँ फिर वही ले लो। मतलब उसने इतनी जोर से उसको जवाब दिया। मैंने कहा अंकल आपका नाम क्या है, बोले उमेश सिंह। मैंने कहा थैंक यू अंकल, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया इसको। मैंने कहा समझा यहाँ झटका मिलता है, तो कह रहा कमाल है अरे इधर वो आवाज तो नहीं आ पता रही। है, मैंने अगर आपने उसने सही बोल दिया, पर वरना कुछ लोग तो झूठ बोल देंगे। अगर ये बोलो ना झटका है क्या, तो वो क्या कहा हाँ झटका है, ये लोग तो झूठ बोल के नहीं नहीं निकल आ कौन गए। बेच और रहा, ये नहीं नहीं लोग कौन बेच, खाने में नहीं छुपते हम भी हैं, कौन ये लोग खाने में कौन छुपते बेच रहा है भी ये हैं। डिपेंड करता है। आपको पता है कि मोहम्मद की सुन्नत है गाली देना, चीजों में थूकना, पेशाब झूठ मिलाना, बोल, ये सब, तो ये सब लोग करते झूठ हैं, सुन्नत को झूठ फॉलो करते हैं। बोलना, झूठ बोलना ये हाँ भी झूठ सुन्नत बोलना, है बचाने और के लिए। गालियां देखो इनके जो बॉलीवुड मूवीज में, अब गालियां अनुराग कश्यप जो भी मूवीज बनाता है उसमें गालियां भर भर के, गैंग्स ऑफ वसीपुर देख लो, कोई भी देख लो, इसकी अनुराग कश्यप की मूवीज में खूब गालियां देते हैं ये लोग, एच वाली गालियां देते हैं, बहुत उसी तरह से बोलते हैं। और मैंने अभी एक मूवी देखी थी थार करके, और उसमें जो है वो दिखाया है हर्षवर्धन कपूर जो है और अनिल कपूर का दिखाया है, और गालियां गंदी गंदी दे रहे हैं उसमें, वो जो वुमेन है उस वो भी गाली दे रही है। मतलब कि ऐसी तो कोई वुमेन मैंने देखी नहीं इंडिया में जो गाली दे दे के बात करे। मतलब कि ये तो देखिए बहुत ही सारे में ये गाली का जनरेशन वो जो हो गई है फैला रहे हैं, ना, ये फैशन फैला रहे हैं गाली का, ताकि जो जो टीनेजर लड़के हैं वो गालियां देना शुरू कर दें। देखिए ये जो जनरेशन हो गई ना, जब मैं यहाँ आई थी इंडस्ट्री में तो मैंने कभी ऐसी गाली नहीं दी थी। मैं साला बोलने में भी मुझे थोड़ा सा डर लगता था कि पापा बुरा मान जाएंगे। लेकिन ये माहौल ऐसा होता है कि यहाँ पर अगर आप बहुत सीधे बन के हैं तो आपकी कोई नहीं सुनता। अगर आप बोलेंगे ए डॉग के बच्चे को हिंदी में बोलेंगे ए डॉग, मतलब तू इधर आ, तो वो फटाफट आएगा बजाय इसके। और अगर आप नहीं देंगे तो कहेंगे मैडम आपकी तबीयत खराब है क्या थोड़ा आज, क्यों थोड़ा आपने गाली नहीं दी है। दैट इज व्हाट दे मेक यू यूज्ड टू। वो आपको बार बार पूछेंगे मैडम आपकी तबीयत सही है क्या, आज आपने गाली दी है। और लेकिन रियल लाइफ में कौन ऐसी गालियां देता है कि सॉरी ये वो, ऐसे कौन बोलता है। जैसे ये तो ऐसा करते हैं धंधे वाली होती है ना, जैसे बिल्कुल धंधे वाली जो होती है सेकंड ग्रेड की, इनकी वो लैंग्वेज होती है। कौन औरत अपने पति से ऐसे बात करती है, कौन महिला ऐसे बात करती है। ठीक है अगर रिलेशनशिप खराब होता है तो परिवार को बैठाया जाता है, ये औरत का इससे चक्कर है, ये औरत का इससे है, ये औरत का इससे। मैं इतनी मॉडर्न हूँ, मैं तो नहीं सोचती कि मेरी शादी होगी मैं अपने पति को यहाँ से धोखा दे रही हूँ, चार आदमी मैंने बैठा रखे होंगे मैं फिर इससे उसको बेबी बेबी कर रही हूँ। ऐसा कौन करता है, मतलब एक आदमी को धोखा देने के लिए मैं अपने शरीर में एड्स कर लूँ। ये तो ऐसे है कि एक आदमी को एड्स हुआ, मुस्लिम को, इसने क्या करा, ये रोक रोक के लड़कियों को पटाता था, क्लब जाता था वहां से लड़कियों को उठाता था, जो यंग लड़कियां होती थी उनको लालच देता था, घर लाता था और उनके साथ सेक्स करता था और उनको बोलता था नो नो आई लव विदाउट सी कॉन्डम्स, पता है यहाँ और पर ये भी करता था उनको। इसमें क्रिमिनल ऑफेंस है, इस तरह से करना हाँ तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अच्छा नहीं, यहाँ पर कुछ पर लोग भारत में तो सब कुछ चलता है। माइनॉरिटी, आपको पता है ना, भारत में, आपको पता है आप माइनॉरिटी हैं, आपको पता है ना अच्छा आप अच्छा माइनॉरिटी, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने थार मूवी देखी अभी, वो जो अनिल कपूर और हर्षवर्धन कपूर की आई है, यहाँ नहीं पर मैंने नहीं किस लोग देखी, ने मैंने इनकी मूवी ये देख, मैंने इनकी मूवी की देखना मूवी कब से है। बंद कर दिया है। मैं मैं आपको एक अपनी बात मूवी देख, मैं बताऊं, अपनी मूवी देख लूं वही बहुत है। ये लोग ना, ये लोग एक फॉल्स नैरेटिव चलाते हैं, जैसे कि इन्होंने वो मनीषा कोयराला की पिक्चर आई थी जिसमें वो जूही चावला थी, कि भाई कश्मीर वाले केस में, तो ये मुसलमान कह रहे हैं कि अगर आपको दुख हुआ तो हम जो बच गए तो हम कौन सा सुख में रह रहे हैं, मतलब ये इनका आंसर है। और वो जो एक में वो मनीषा कोयराला वो बनी थी फिदायीन, बनी थी मन पिक्चर में या पता नहीं कौन सी में, तो वहां वो कहती है कि हम जो ये फिदायीन बनते हैं ना, जो खुद को सुसाइड बॉम्बर बनते हैं, वो इसलिए बनते हैं हाँ क्योंकि उनके संग कुछ बुरा हुआ होता है, तो इसका वो मतलब इसको वो सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इस वजह से वो ये बने हैं फिदायीन। तो भाई जिसने तुम्हारी फैमिली के खिलाफ करा होगा प्राची, तो आप उससे बदला लोगे या सारे इनोसेंट लोगों में जिनमें कि बच्चे शामिल हैं ऐसे मॉल को जाके उड़ा दोगे? तो ये गलत नैरेटिव जला के लोगों को, काफिरों को मारना चाहते हैं। और यही चीज थार में दिखाई, और थार में जो वो लड़की है वो पाकिस्तान से बंदा आता है, और वो यहाँ पर ड्रग्स में इनका कोई किसी इंडियन के साथ वो होता है, पैक्ट होता है, तो वो बंदे जो हैं वो अपने आप को अलग कर लेते हैं बिजनेस से, तो वो उनसे बदला लेने आता है। और जो उसमें वुमन दिखाई है वो बिंदी लगाया है, यानी कि वो हिंदू है,
और वो दिखाया कि वो पाकिस्तानी वो है और वो उनको इतनी क्रूरता से मारता, उनकी खाल करना, उनको खूब खूब टॉर्चर करना, ये भी इनका एक सुन्नत है। अगर आपने देखा होगा कि मोहम्मद जो है ना वो केवल मारता नहीं था, वो बहुत क्रूरता से गर्म कीले आंख में डालना। अभी हमारा जो सौरभ कालिया जो पकड़ा गया था ना, वो गिर गया था, उसके सर काट दिया था, सारे जिंदा रहते हुए सारी आंतें निकालना, उसकी आंखें निकालना, उसको इतना ज्यादा टॉर्चर करना, तो ये चीज उन्होंने, ये भी एक सुन्नत है। तो आपने उस पिक्चर में उस आदमी ने जो पाकिस्तानी था उसने खूब उसके संग खूब बुरा बुरा किया और उसकी आंखें निकाल ली, उसका उनके खूब मतलब टॉर्चर करके उनका शरीर जिंदा जला दिया। तो ये देखो कि इतना भयंकर टॉर्चर और इस तरह का नैरेटिव पे बनाइए कि देखो एंड में जो अनिल कपूर है वो अपना कोट उसके ऊपर उड़ा देता है, उस बंदे के ऊपर जो पाकिस्तानी सीरियल किलर है उसके ऊपर। तो मतलब दिखा रहे हैं कि वो बड़ा अच्छा है भाई, उसके कोई वुमन का के साथ रेप हुआ था तो उसने यहाँ पर सबके साथ वो कर रहा, इतना ज्यादा टॉर्चर किया उनको, ये किया है। ये देखो जरा इसकी, देखिए देखिए, जैसे मैं किसी के घर गई, मुझे एक आंटी ने जबरदस्ती अपने घर बुलाया, जबरदस्ती इन द सेंस आओ 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 इस टाइप का, बेटा आप आते नहीं, आप आते नहीं, आते नहीं। मेरे साथ क्या करा गया, उन्हें पता है कि मैं कैसी हूँ, मैं क्या बोलती हूँ, और ये लोग मेरे नंबर पे ब्लॉक रहते हैं। उसके बावजूद भी वो दो बार आई, खटखटाया गेट, क्योंकि बड़ा गेट रहता है, उसको मेरे असिस्टेंट को बोली कि क्या ऐसा पड़ोस के साथ करते हैं क्या, हम लोग नए नए आए हैं। तो उसने बोला नहीं नहीं वो नहीं मिलते, वो उनका वो नहीं है, उनका आराम का टाइम है, वो अभी कुछ काम नहीं कर रहे तो मिलना ना। बोलते नहीं नहीं कल छूट है, आज 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 आराम कर रहे हैं, वो आते नहीं मैडम। नहीं नहीं एक बार तो मिलना ना। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं एक मिनट पूछता हूँ। तो मेरे पास आया, मैंने कहा क्या है, तो बोलता कि मैंने बोला उसको बोल मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो बोलता है कि मैडम, मैंने कहा तीन, अच्छा ठीक है 3 बजे मैं उसको चाय पीने आई है, चाय पीने। मैंने कहा नहीं यहाँ बुला ले, यहाँ पिला देना। कह रहा मैडम यहाँ मत बुलाओ, यहाँ मत बुलाओ, फिर एक एक चीज ऐसे ऐसे गौर से देखते हैं कुछ चीजें, मतलब फिर वो बुराइयां निकालते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चल तू चलेगा, बोलता हाँ मैं, बिल्कुल बगल में ऐसे क्रॉस करके था, वहां पर हम गए। वो औरत ने मुझे बड़े से लेके छोटे सारे जितने मर्द थे वो जितने बुलाए हुए थे सबसे मिला दिया। और मैं गजब की बात देखिए, मेरे बाप को भी मेरी कमर का साइज पता नहीं होगा। वो औरत दुबई से मेरे लिए जीन्स लाई है, वो औरत मेरे लिए दुबई से नाइट सूट लेकर आई है, वो मुझे हार दिखा रही है। वो क्या करते हैं कि जो जैसा स्टैंडर्ड है उसे पता है मुझे सोना पसंद है, वो सोना के मेरे को हार दिखा रही है, चीजें दिखा रही है। फिर तो आपको पतली चूड़ियां अच्छी लगती है, मैंने कहा मैं पहनती नहीं हूँ, बट मेरे को जब मैं कभी ट्रेडिशनल पहनूंगी तो मुझे गोल्ड ही अच्छा लगता है, चाहे कोई कहे ऑटो वाला जेवर है कुछ है, लेकिन मैं गोल्ड बहुत खरीदती हूँ। तो फिर मैंने, मुझे याद आया कि चोरी ना करवा दे, मैंने कहा नहीं नहीं पर यहाँ नहीं रखती, बाहर रखती हूँ। तो दिस इज वॉट आई मीन, ये सारे लोग ऐसे ही हैं। तब मुझे, मैंने घर आके सोचा, मैं जब घर आ रही हूँ, मैंने कहा, मैंने से झूठ बोला, झूठ क्या इन द सेंस वो सच भी था एक्चुअली। मैंने कहा देखिए हमें शॉपिंग पे जाना है और मुझे अपने सैलेड की शॉपिंग करनी खुद अच्छी लगती है, तो यहाँ पर मिलता नहीं है सामान ज्यादा, हम लोग को मेन सिटी में जाना पड़ेगा। यदि क्या खाते हो, मैंने कहा थोड़ा लेटस वगैरह चाहिए ना, इसलिए ब्रोकली लेटस चाहिए। अरे इधर आना नहीं, अब किसी का नाम लिया उसने, मैं नाम नहीं ले सकती, इधर आना नहीं, वो है ना, देखो देखो इतना बैग में सामान दे रही है मुझे। मैंने कहा हाई, उसके बाद मैंने घर आके सोचा, मैंने कहा जरा मुझे चाय पिलाओ, सुबह बैठी मैं, मैंने कहा इतने बुरे नहीं होते शायद। मैंने फोन करके दिल्ली में 2-4 लोगों को बुलाया, मैंने कहा मुझे, मैं गन्नू मेरे हाथ में था, मेरे हाथ में गन्नू रहता है, ही ऑलवेज कंट्रोल मी, ही इज माय अल्टीमेट मैन। तो मैंने, जिसने आपको वो बैग दिया वो मुस्लिम थी, पूरा वो सब सुनिए मेरे साथ क्या हुआ। अब मैंने ये हो गई 3-4 साल बाद को, अब मैं बोलूं हे भगवान प्राची तू कितनी गंदी है, तू हमेशा यार तेरे पापा समाजवादी, इतने सारे लोग तेरे घर में आने वाले पर हमेशा डिस्टेंस मेंटेन तो करती थी, इतनी फ्रेंड्स, किसी के पेट्रोल पंप है, किसी के ये है पिक्चर हॉल है। मैं तो जब बचपन में ईदी लेने जाती थी तो मेरा तो कल्चर ये था ना कि थोड़ा सा मतलब पापा मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बॉयज की तरफ पली हूँ, तो पापा कहेंगे अच्छा ला हरा कोट पहनाएंगे मुझे यहाँ से लड़कों की तरह, बिल्कुल कलमे कटी हुई है, तो मैं जाऊंगी उनके घरों में, तो कहेगी एक लड़की थी निखत, वो बोलेगी मेरी दादी मुझे स्कर्ट नहीं पहनने दे रही है। मैं कहा तू लड़की है तुझे पहनने देना चाहिए, मैं अपने को लड़का समझते थे, उसको मैंने स्कर्ट पहनने के लिए कन्विंस करवाया उसकी दादी को, फिर वो बोलती इतनी लंबी है, मैंने बोला ठीक है
जब स्कूल आएगी तो हम इसको ऊपर फोल्ड कर देंगे, सेंट पॉल्स में पढ़ते थे हम, तो इतना सोचिए ऐसा मेरा रहा। लेकिन मैं उस दिन इतना कंफ्यूज हो गई, मेरे साथ सॉफ्ट जिहाद हो रहा था एक्चुअली कि तुम ऐसा सोचती हो, हम ऐसे नहीं, मेरे से कितने प्यार से बात करते, पता है क्या प्राची जी, मैं भी ऐसी हूँ, जब मैं मिलूंगी ना सामने से, क्योंकि मुझे पता है मेरे हिंदू तो भाग जाएंगे, जब मैं मिलूंगी तो मैं भी ऐसी करूंगी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, रहमतुल्लाहि बरकातहू, खैर यार, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, मैं करती थी ऐसा, ऐसा मत करना, जब भी करें तो आप अपना ही कहो, आप कहो, देखिए 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 एक एक आप ये नहीं कहते श्री राम तो हम क्यों कहें इनका असलम, मैं भी आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं समझे, आप नहीं समझे जो उनका अल्तकिया, आप अगर पूरे उन्हीं के एरिया में हो, मेरे पीछे इन्होंने जानबूझ के दो लड़के रखे हैं, मेरे विला के पीछे दो लड़के रखे, यहाँ पर वो अफोर्ड कैसे कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये इतने बड़े बड़े मतलब इतने बड़े बड़े विला भी कैसे, मुंबई में हो, मैं आपको बता नहीं, यहाँ पर मैं रिवील नहीं कर सकती ना, अच्छा यहाँ पर रिवील नहीं कर सकती ऑन एयर, यहाँ पर रिवील नहीं कर सकती, तो मतलब लेकिन आप सोचिए उन्होंने मेरे लिए क्या कर रखा इंतजाम, उन्होंने दो लड़कों को यहाँ पर बुला रखा है, वो लड़कों का हमेशा घर बंद रहता है, और मेरा डॉग गायब कर दिया गया क्योंकि मैंने लाउड स्पीकर की कंप्लेन करी, और जिसे कंप्लेन करी वो मुस्लिम था, हाँ, और वो आया उस, नहीं वो आया उससे कम करवाया, उसको तकलीफ नहीं थी, लेकिन एक एक पूर्व एक्ट्रेस रही है साउथ इंडियन मूवीज में, वो आंटी ने एक खबर फैला दी कि ये जो है नमाज की कंप्लेन हुई है, तो मुझे बोलती है, मैंने जब उनको फोन करा तो बोलती है क्या बेटा मेरा नंबर ब्लॉक करके बैठी हो, क्या तुमने ये करा, तो मैंने मैंने बोला आंटी मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि, मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है कि मस्जिद के अंदर कर रहे हैं, बस मैंने बोला थोड़ा जो 8-8 लाउड स्पीकर मेरे घर के आगे लगा रखे कानों में मेरे को डिस्टर्ब होता है, आपको पता है मैं लेट नाइट सोती हूँ और मुझे प्रॉपर नींद चाहिए, नहीं तो मेरी फेस खराब हो जाएगा, तो बोलती है नहीं तुम अल्लाह से तौबा कर लो, मैंने उससे डॉग के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत 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 मतलब मेरे लिए वो बच्चा जैसा था, मेरे डॉग्स जो है मेरे लिए बच्चे जैसे हैं, तो मैंने कहा चलो अल्तकिया नंबर टू, मैंने कहा आंटी चलो मैंने तौबा कर लिया अब बताओ, वैसे तो मैंने कहा नहीं है लेकिन चलो मैंने तौबा कर लिया अब बताओ, मैंने कहा मैं 5,000 रुपए दे देती हूँ मेरे डॉग के लिए, स्ट्रीट का कुत्ता है, मैंने कहा आंटी देसी कुत्ता है लेकिन है वो मेरा खुद ही, वो है मेरा खुद, वो मतलब मैंने उसे पाल लिया तो स्ट्रीट कैसे, स्ट्रीट तो होता है स्ट्रीट मतलब गली का कुत्ता, ये देसी आप बोल सकते हो, तो बोली अरे दूसरा ले आओ ना बेटा, मैंने बोला आंटी आपका बच्चा खो जाएगा तो आप दूसरा ले आएंगी, कह रही तुमसे अच्छा कोई पालेगा, मैंने बोला मेरे से अच्छा अगर आपके बच्चे को भी कोई अच्छा पाले तो, कह रही ये कौन सी बात है, मैंने कहा तो आंटी आप भी फालतू की बातें कर रही हो, एट लास्ट मेरी ये हालत थी, मैंने कहा चलो मैं 1,00,000 दे दूंगी आप दे दो मुझे, इससे ज्यादा क्या दूं, मैंने बोला मैं 1,00,000 देने को तैयार हूँ, मेरा डॉग दो, तो बोलती कल सुबह तक देखते हैं मिल जाएगा, बट मेरे से क्या गलती होगी, मेरे से गलती हो डिविएट हो जाते हो आप टॉपिक से डिविएट हो, नहीं नहीं टॉपिक से डिविएट नहीं, ये मैं इन्हीं की, मैं इन्हीं की बात, ये लोग यही करते हैं, फेसबुक पर एक मैंने देखा ब्रेस्ट कटे हुए की तस्वीर थी तो मैंने उसका शिकायत रखी, तो उन्होंने कहा ये हमारे कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में नहीं है, जबकि जो मेरी पोस्ट जो एक्चुअल में इंडिया में क्राइम हुए उसके उसकी मैंने पोस्ट फॉरवर्ड की तो उन्होंने मेरा अकाउंट जो है 1 महीने के लिए सस्पेंड किया, यस Same happened with me. यहाँ पर भी सब सिस्टम में ये लोग बैठे हुए हैं और इसलिए ये सब करते हैं। I will tell you one thing. मैं एक लड़के ने कहा था जिहाद आइए जिहाद करें इनको बता दे, तो मैंने उसको रिपोर्ट करा तो मुझे आया ये कम्युनिटी ये हमारा जो वो है गाइडलाइंस है इसके अगेंस्ट नहीं है, और हमने एक लड़का था जो हमारे साथ काम कर रहा था उसने मेरे ही दूसरे उसमें हिंदू श्रेणी वाले में फैन पेज में उसने एक वो डाला बाबरी मस्जिद वाला, ये था कि आज के दिन ढांचा गिराया गया, ये अगेंस्ट है कम्युनिटी से, मतलब ये कम्युनिटी उसके गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, हम लोग हैरान हो गए कि जिहाद करना टेररिज्म करना, और सीरिया मौसूल में जो भी लड़कियां जाती हैं उनसे पूछा जाए कहां से रिक्रूटमेंट हुआ है, तो बोलती है मैं इस बंदे से, और रिक्रूटमेंट मेरा ट्विटर के थ्रू हुआ है, ट्विटर और फेसबुक, तो ट्विटर और फेसबुक यहाँ पर एक्चुअली में एजेंडा चलाते हैं रिक्रूटमेंट ऑनलाइन एजेंसी का जिहाद के लिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही है ये, वो उस समय जैसा ये हुआ है जो बोल रहे ना कि भैला फुसला के चाय पिलाई ये करा, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जो आपको बात बताने वाली थी ये थी कि उस दिन मुझे तक लग गया कि यार ये तो इतने बुरे नहीं है, मैं ऐसा सोच रही हूँ,
आप यकीन मानो, लेकिन मैंने गाइडेंस के लिए फोन करा, मैंने बोला गन्नू प्लीज मुझे गाइड कर, गाइड कर। मैंने एक दो लोगों को दिल्ली में फोन करा, बोले बेटा तेरे साथ हो रहा है सॉफ्ट जिहाद, अच्छी अच्छी बातें करूंगा तेरे को, तेरे स्टैंडर्ड में ट्रीट करोगे। मैंने कहा अरे मेरी गाड़ी खराब हो रही है, अरे अरे कोई बात नहीं आपके लिए गाड़ी आ जाएगी, अरे उस्मान भाई को बोलो अपनी ऑडी भेज दे। मतलब आप सोचो कि वो कुछ भी हद तक जाने को तैयार होते, जो जैसा स्टैंडर्ड है या आपके लिए वो ऑफर भिजवाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री में एक लड़का था, मुझे खुद आ रहे थे बड़े सारे जो जॉब ऑफर्स, मुसलमान मेरे को बहुत बहुत छोटे छोटे कामों के लिए बहुत बहुत मनी ऑफर के वो कर रहे थे, मैं तो डिलीट कर देती हूँ उनको। तो प्राची जी आपसे बताते बात करते ही चले जाओ, आपके पास इतना कुछ है इन्फॉर्मेशन कि लगता है सुनते ही चले जाओ। और मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप आती आती रहिए हमारे चैनल पे। मैं कुछ बिल्कुल आप लोगों से कहूंगी प्लीज प्राची जी से आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक चैनल है राष्ट्र धर्म, मेरा पुराना वैदिक अब मेरे पास नहीं है, प्लीज मेरा राष्ट्र धर्म भी ज्वाइन करिएगा। और अगर प्रीति जी आप लिख सके तो प्लीज उसको लिख दीजिए, आर ए लिख दूंगी, प्राइवेट चैट है ना ये राइट में आप देखोगे प्राइवेट चैट, उसको आप नीचे डाल दो, लिख दो मतलब टाइप अच्छा, कर दो तो मैं वहां पर डाल दूंगी अभी। तो आप सब लोग जो है वो प्राची मैडम का एक चैनल है राष्ट्र धर्म करके, उसको भी आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जो है वो जॉम्बी रनर ने कई बार पूछ किया है कि क्या आपको कोई लेस्बियन के बारे में पता है बॉलीवुड में, और क्या आपका कोई एक्सपीरियंस इसमें रहा है। लेकिन देखिए ये चीज तो हमने एक मिनट से ऊपर कैसे करेंगे, नहीं नहीं मैं कर दूंगी ना ये चीज, मैं कर दूंगी, आप इसको सेंड कर दो ना मतलब एरो से, और फिर मैं इसको हाँ मैं कर दूंगी एट राष्ट्र धर्म ये है। अच्छा मैं कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ। तो ये है इनका, ये है इनका चैनल एट राष्ट्र धर्म। तो ये आप सब लोग जो है वो इसको सब्सक्राइब कर लें। और प्राची जी के लिए जो क्वेश्चन आया है वो ये है कि क्या आपका कोई किसी लेस्बियंस को आप जानती हैं बॉलीवुड में, और अगर हैं तो कोई एक्सपीरियंस आपका रहा है इस बारे में। ये एक्चुअली फैशन ट्रेडमार्क बन गया है लड़कों के साथ भी। क्या एक लड़का था गौरव, बहुत सुंदर लड़का था, मॉडल, अच्छी खासी बॉडी थी, उसको बार बार ये बोला गया कि तुम लड़की लिखते हो, लड़की लिखते हो, तुम्हें काम नहीं मिल रहा क्योंकि तुम लड़की लिखते हो। उस लड़के ने लिटरली अपना सेक्स ट्रांसप्लांट जो भी करते हैं, उसके बाद वो ना अब घर का है ना घाट का है, लेकिन हाँ पैसा खूब है। क्यों, अब वो रात की रानी बना फिरता है। थैंक यू सो मच। तो आप सोचिए उस लड़की की, आप देखना गौरव करके डालना, गौरव से गौरवी कैसे बना, आप देखिएगा। क्यों मेरी कोई ये जो टीवी वाले हैं मेरी आवाज दबाने की कोशिश करते हैं क्योंकि मैं इनके नैरेटिव को सेट नहीं बैठती, लेकिन सच्चाई ये है कि जितनी गंदगी है सोशल मीडिया इज कंट्रोल बाय, बिल्कुल बिल्कुल सोशल मीडिया तो बिल्कुल मैं कहती हूँ एक आतंकवाद का, ऑनलाइन आतंकवाद का, और हिंदू विरोधी और भगवानों को गाली देने वाला, और एक फैक्ट चेकर बना दिया। वो कौन फैक्ट चेक करेगा, जो सुन्नत का है वो, कोई उस्मान होगा, कोई जावेद होगा, वो जाके फैक्ट चेक करेगा, नहीं नहीं ये न्यूज तो बहुत ये गलत है, जो तुमने करी वो गलत, जो राहुल गांधी करेंगे वो सही। दिस इज व्हाट देयर एजेंडा इज बिल्कुल ही। और लड़कियों को ऑफर आते हैं कि अच्छा एक काम करते हैं, वुमेन ओरिएंटेड क्या मूवी बनानी, लेस्बियन मूवी बना लो। एकता के बारे में भी बातें कही जाती हैं कि वो इस टाइप की है, हमने सुना है, अब इतने लोग बोलते हैं तो कुछ तो होगा ही। और ये एक चीज है, ये स्टाइल स्टेटमेंट है, स्टाइल स्टेटमेंट की चलो एक बॉयफ्रेंड लड़का लड़का, और जैसे शाहरुख कहता है कि मैं दोनों हूँ, हेट्रोसेक्सुअल हूँ, क्या हूँ बोलता है। अब आप देखिए उसको, वो दुबई वगैरह जाता था पहले, उसके होठों में कितना चेंज आया है, आप उसके बॉडी में देखिए वो कैसा लगने लग गया, आपको हंसी आएगी। लेकिन अब ये देखिए शबाना की लेस्बियन वाली फायर, तब तो ये सब होता भी नहीं था इंडिया में, ये लोग जानबूझ के मतलब चाहते हैं सारे लोग बिगड़ जाएं, ये चाहते हैं कि सारी लड़कियां जो है अपना जिस्म बेचें। और कोकिंग ये पहले क्या करते हैं उन एक्ट्रेसेस को, जो बिचारी जो सुंदर तो है लेकिन जिनका करियर नहीं चलता, वो लोग को ये ड्रग्स पिलाने की आदत डालते हैं। और वो ड्रग्स है इतनी छोटी छोटी थी, 1 ounce की 17,000 की, पहले 5,000 की थी, अब 17,000 की हो गई। तो वो ड्रग्स दे दे के क्या है, लड़कियां क्या करती हैं, तू कुछ भी कर ले मेरे साथ, मुझे होना है प्लीज। तो चार चार लड़के उनके साथ सो रहे हैं। अब वो जो बाकी जो पीछे बैठा हुआ है, जो उसको ड्रग्स देने वाला है, वो उससे धंधा करवा रहा है।
लड़की को पता नहीं मेरा बाप है भाई है, वो कहती है बस तू कर ले। ऐसी लड़कियां मिली है चंडीगढ़ में, इनको पता है कि चंडीगढ़ वगैरह से भी जो पंजाब है वहां से आर्मी में जाते हैं, उत्तराखंड से आर्मी में जाते हैं, वहां रोजगार से ज्यादा इन चीजों में रोजगार है। ये ना जाए तो इसलिए पाकिस्तान से सप्लाई होता है। और बिना देखो बिना ड्रग्स बिना पैसों की खरीदी नहीं जा सकती। ये कहा जाता है बहुत बड़े खान है वो स्मैक और कोकीन के सप्लायर हैं। उनकी पत्नी को जब पता चला कि किसी अन्य महिला जिनकी आज विदेशी से शादी हो गई उसके साथ इन्होंने लंदन में निकाह पड़ा है, और सब जब बात सार्वजनिक हो गई तो कहा गया भैया तुम्हारा तो हिंदू मुस्लिम कपल माना जाता है, अगर तुम्हारे बीच में तलाक हुआ तो ये रेड चिल्ली भी जाएगा, और सबसे बड़ी बात है ज्यादा शेयर तुम्हारी पत्नी के पास है, और दूसरा तुम्हारी स्टार इमेज बिल्कुल टूट जाएगी, लड़कियां जो तुम्हें देखकर आती हैं शादी करती हैं मुसलमानों से वो हो जाएगा। उसने कहा वो दूसरे वाली तो हिंदू है, उसने कहा नहीं 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 फिर तुम्हारा ये आ जाएगा तुम चीटिंग करते हो। इसलिए उस निकाह को बर्खास्त करा गया। उस लड़की ने फिर विदेश में जाके अपना करियर बनाया, शादी करी, और वो लड़की भी स्मार्ट थी, वो भी निकल गई, उसे भी पता था कि ऐसे तो पीछा छोड़ेगा, अब तो पीछा छोड़ ही देगा। अब उस पत्नी आवाज ना उठाए इसलिए उसको वो आदि बना दिया है, वो भी ऐसी रहती है। जब आप देखोगे ना इन लोगों को दुनिया में बॉम्ब फूट रहा है, ये क्या एलएसडी डाल के मुंह में संवेदनशील बस। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन आया बी पॉलिटिकल नागेंद्र जी, ये मेरे एडमिन भी हैं और आज का थंबनेल भी इन्होंने जो है वो आपके लिए बनाया था। ये बहुत उत्सुक थे कि आप आ रही हैं हमारे चैनल में बहुत ज्यादा, और इनका भी अपना एक चैनल, और ये तो मेरे से कब से कह रहे हैं कि प्राची जी को प्लीज मेरे चैनल पे लेकर आओ किसी तरह। इनका क्वेश्चन है ज़ू बियर कोई द वायर का जिस पर चाइल्ड हैरियंट का केस चल रहा था, मुझे नहीं मालूम इस बारे में कि क्या मतलब है इसका। मुझे भी सच में देखो गला काटने की धमकी है, और फेसबुक में मुझे मैसेज आया था साली किधर है बता तू, मैं नोएडा से है, मैं नोएडा से, फिर तुझे तूने कश्मीर फाइल्स देखी है उसमें जैसे आदि से काटता है, तेरा तेरे साथ करेगा भी, चार को कराएगा भी और तेरे को काटेगा भी, पहले तेरे से दो बच्चे निकालेगा, इतनी गंदी बातें। और मुझसे कहा जाता है कि अरे सुंदर होने से क्या होता है, पहले हमारे साथ कर ले, चार पांच बच्चे पैदा करके तेरे को देंगे, तेरी तरह तेरी शक्ल अच्छी है पर तेरा जो मुंह है वो गंदा है, तेरी सोच में जहर है, तू जहर फैलाती है, इतना जहर है कैसे तुझ में, ये बोलते हैं मतलब। तो ये है इनका मेरे लिए। राखी सावंत दुबई में सही वो सही बोल रहे हैं। राखी सावंत की आप शक्ल देखो, वो सर्जरी करा कर आके और एक दिन मोनोकोनी कुछ होता है ना वो जो बुरखा टाइप का छोटा है वो पहन के जा रही है, प्रमोट कर रही है इतनी। देखिए एक नॉर्मल महिला अगर प्लस साइज होगी थोड़ी मोटी होगी चल जाएगा एक नॉर्मल महिला, लेकिन एक एक्ट्रेस इतनी मोटी होगी वो नहीं चलेगा जो इस तरह के डांस कर रही है। मैं ये मानती हूँ कि बॉलीवुड में एक चीज बड़ी गलत है, एक नैरेटिव सेट करा हुआ है कि पतली लड़की होगी ये होगा, भाई जैसा रोल है, जैसे आपने ब्रिजिट जोन्स की डायरी देखी होगी, ब्रिजिट जोन्स डायरी, जो करेक्टर है वो मोटा भी हो सकता है वो पतला भी हो सकता है, एक्टर इज एन एक्टर, कोई बुढ़े का किरदार है वो। अब मुझे एक 60 साल की औरत या 50 साल की औरत का किरदार निभाना है, आपने से कहीं पढ़ा तो मैं उसी टाइप का दिखूं उसी, और या फिर हॉट औरत है उसका, अभी गांव की औरत होगी तो 50 साल में बुढ़ी दिखेगी, एक शहर की औरत है तो 50 साल में यंग दिखेगी, तो मैं अगर वो अपने से काफी बड़ा किरदार करना चाहती हूँ तो फिर मैं वैसी ही बनूंगी, अगर मैं अपनी उम्र का करना चाहती हूँ तो मुझे वैसा ही दिखना पड़ेगा, और मैं अगर 16 साल का करना चाहती हूँ मुझे वैसे ही दिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ नैरेटिव सेट है और इस तरह से यहाँ पर कंफ्यूज करा जाता है कि थोड़ा सा भी अगर तुम्हारे तुम मार्ग से अगर भटक गए तो तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। लड़कियों की कमाई होगी नहीं, उन्हें ड्रग्स में डाल दिया जाएगा या फिर कमाई करेंगे, जैसे दीपिका के पास काफी कमाई आ रही है लेकिन साइड से उसी का बड़ा डायरेक्टर कोकीन सप्लायर होगा, वहां रेप की पार्टियां चलेंगी, वही पैसा वो खरीदेंगे जी, इस तरह की बातें होती है यहाँ पर। तो आपके पीछे अजान हो रही है ऐसा लोग कह रहे हैं, अजान की आवाज आ रही है। हाँ हाँ वो एक्चुअली आटा लाउड स्पीकर से बुलाता है ना, वो अल्लाह आता नहीं है तो क्या करे, आटा लाउड स्पीकर से भी अल्लाह नहीं सुनता, आटा लाउड स्पीकर से भी नहीं सुनता।
ये एक वो है कि जब ये जिहाद करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे, तो ये लाउड स्पीकर से बोलेंगे तो सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे शाहीन बाग पर जो इन्होंने अनाउंसमेंट करा था, अपनी मस्जिद से किया था, तो सारे आके वहां हो गए थे एकत्रित, तो इस वजह से। तो हमें तो एक्चुअली हाँ क्या जी आप बोलिए, क्योंकि आपने जो पहले बोला ना उसमें खरखर आवाज थी, इसलिए सुनाई नहीं दिया मुझे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मैं ये क्या कह रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि ये मस्जिद का यूज जो है वो अल्लाह की नमाज के लिए नहीं करते, वो एक्चुअली इसकी है कि ये लोग अनाउंस करें और सारे जो जिहादी हैं वो एकत्रित हो जाएं, सारे मुसलमानों को कॉल करने के लिए इस्तेमाल हो। देखिए अब मैं आप पे इस पे थोड़ा और जोर बढ़ा के बोलती हूँ। मस्जिद एक्चुअली एक हेडक्वार्टर है, आप ये लोग हिंदू लोग समझ जाइए, मस्जिद एक हेडक्वार्टर है, मस्जिद एक हेडक्वार्टर है और मजार जो है मिनी क्वार्टर है। तो वो जहाँ पर हथियार छुपा के रखे जाएं, यहाँ पर इन्होंने रोहियाओं को रख रखा है। सुबह 5:30 बजे मैंने देखा 10 साल से 15 साल के लड़के अंदर जा रहे थे नमाज पढ़ने। हमारे हिंदू लड़के कितने जाते हैं मंदिर, कितने माँ बाप लेके जाते हैं। मैं बोलती हूँ अपनी फ्रेंड्स को कि यार चाहे जैसे किसी के 4-4 साल के बच्चे हैं, मैं बोलती हूँ यार तुम लोग क्लब्स में जा रहे हो, कम से कम यार इनको तुम कुछ तो सिखाओ, तुम इनको क्लब्स लेके जा रहे हो क्या फायदा है। तो बोलती है तू दादी अम्मा मत बन, तू अपना काम कर। तो ये आजकल हो गया है, कहते तू एक काम करना, तू जब करेगी तो बुड्ढों की तरह घर में बैठे रहना। मैं कहा भैया मैं तो 5 साल 10 साल इनके मतलब दूंगी, तो बोलती है मैंने बोला नहीं तो लाऊंगी नहीं। तो ये इनकी जो सोच है ना, इन्होंने हमारी हिंदू लड़कियों की सोच अलग कर दी है। और यही हिंदू लड़की जो स्कर्ट पहनने वाली है, जो ब्रालेट पहनने वाली है, जो ब्रालेट पहन के घूमती है, यही लड़की वहां पर जाके पूरा कवर होके खाना बनाने में, आप देखना किसी भी हिंदू लड़की की जब मुसलमान से शादी होती है तो वो दिन भर खाना बनाने में रहती है, दिन भर खाना बनाने में। आपको पता है ये बात, यही इनका है। ये तो हमारे भी हैं, लाउड स्पीकर इज यूज फॉर डोमिनेशन। नहीं नहीं वो अलग चीज है, वहां पर लोग छुपे होते हैं। जब दिल्ली दंगे हुए थे तो ये वहीं छुपे हुए थे, जितनी मस्जिदें थी वहां पर सारे मुसलमान थे बाहर के आए हुए, और उन मुसलमानों को छुपाया हुआ था। और जो ये छोटी छोटी मजारे बनाते हैं ना, वो क्या होता है चौकियां होती हैं, आप देखना वो चौकियां कहाँ पर होंगी, जहाँ पुलिस स्टेशन है। तो तुरंत जैसे दंगा हुआ वहां अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद तुरंत वहां से हथियार निकालेंगे, मारना पीटना शुरू। उनको आपने सेफ प्लेस दी है, जहां जा चाहे उनका वक्फ बोर्ड आ जाएगा, जहां चाहे उनकी मौजूदगी रहेगी। कि द वायर वेबसाइट न्यू पोर्टल जिसमें जुबैर ट्विटर में फैक्ट चेकर के नाम पर झूठे बोलते हैं, नाम झूठा बोलते हैं। हाँ वो तो है, प्राची जी मुझे मालूम नहीं था आपको इतने सारे विषयों पर इतना सारा कुछ बातें पता हैं, और आपके पास बहुत सारे अनुभव हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। तो मैं सोचती थी खाली आप मूवीज के बारे में ही हैं, पर आपको तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस और ये सब मस्जिदों के ये वो, तो मैं देखिए लाना चाहूंगी। देखिए एक्चुअली क्या है राष्ट्रवादी युवा वाहिनी है, उसकी मैं राष्ट्र प्रवक्ता भी हूँ और संगठनों से जुड़ी हुई हूँ। इसीलिए तो काम अपना बर्बाद करा है, क्योंकि इस और मेरा ज्यादा रुझान है, सामाजिक मुद्दों पे मेरा बहुत रुझान है। ये तो फिल्में तो मैंने शौक के लिए करी, अभी भी अच्छे अच्छे ऑफर आते हैं, बढ़िया ऑफर आते हैं। इतना साउथ की इंडस्ट्री में इतना टिकना छोटी बात नहीं होती, कि आपको भले ही आप उतने बड़े नहीं होगे लेकिन उनकी नजर में जब तक आप 16 साल की हो तब तक ही काम होगा, 20 साल तक आपका काम बंद हो जाएगा 20 साल के जब आप होंगे। लेकिन मेरे पास काम अच्छा होता रहा, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बॉलीवुड में 28 साल की एक्ट्रेस है वो युवा है, तो हम क्यों नहीं युवा है भाई। ये आलिया भट्ट है वो बच्ची है, मतलब तू कैसे बच्ची है भाई, हम उम्र है तो कैसे बच्ची है। तो ये बच्चे बच्चे कुछ नहीं है, ये इनके बच्चे हैं तो बच्चे हैं, दूसरों के बच्चे बड़े हैं, तो ये इनका प्रॉब्लम है, दैट इज व्हाट। देखो आर्यन जब गिरफ्तार हुआ तो ये कहते हैं कि वो तो बच्चा है 21 साल का, और जब बात आती है आयशा, नहीं 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 26 साल का था वो, उसकी उम्र कम बताई गई, 26 साल का था, FIR में लिखा हुआ है। आयशा तो मैच्योर थी और यहाँ पर उसका जो FIR में है 26 साल का था वो। अब जब आयशा की बात आती है तो उसको मैच्योर बोलते हैं, 6 साल की आयशा को बोलते हैं मैच्योर है,
और जो आर्यन है वो बच्चा है। देखिए आर्यन की जो पुलिस एफआईआर थी उसमें वो 26 साल का है, 26 साल का, क्योंकि वो चूसा हुआ आम जैसा है, पतला है और ड्रग्स लेता है तो स्किनी है, स्किनी है तो यंग ही लगेगा। जैसे इनका वो था एक, कौन था जो लड़का आया था बिग बॉस में जिसका हिमांशी खुराना से आसिम, जब सिद्धार्थ शुक्ला को मार दिया गया, सिद्धार्थ शुक्ला को इंजेक्शन जो होता है ना शुगर का, टुक कर कैसे कर दो, आधे घंटे में हार्ट अटैक आ जाता है। आजकल एक नया नए ढंग से मारा जा रहा है बॉलीवुड में, आप एक वो शुगर का इंजेक्शन जो होता है उसको लगा दीजिए किसी भी बंदे को जिसमें नंबर्स होते हैं, ऐसे लगा दीजिए, आप खाली पिंच करके मार भी देंगे तो आधे घंटे में आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। एक नया आज, और ये देखिए सिद्धार्थ की जैसा एक कर्नाटक में था वो भी अच्छा अच्छा काम करता था, उसे भी ऐसे ही निपटाया गया। अब तो आपको किसी सुंदर लड़के को इंडस्ट्री से हटाना है और आपको पता है वो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से है, तो अब आप आने वाले वक्त में वो किसी मुसलमान खान के बेटे के लिए खतरा बन सकता है, तो भैया उसे हार्ट अटैक से कोई गोली ऐसी ईजाद करो। और इनके सारे डॉक्टर इनके रहेंगे, साइकोलॉजिस्ट रहेंगे इनके, और हर जगह महेश दादाजी का नाम आएगा, महेश भट्ट दादाजी का नाम आएगा। तो मेरे पास तो पिटारा है, जो भी पूछूंगी मैं जवाब दे दूंगी, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे कुछ। श्याम स्टेलोन के साथ डिबेट देखी थी कल आपने मेरी, पूजा जी के चैनल पे? नहीं, आप तो व्यस्त रहते हैं तो मैं सोच नहीं सकती कि आपने देखी होगी। तो यहाँ पर कोई लिख रहा था कि भाई उसने तो सच बोला है, अगर उसमें इतना ही सच्चाई थी तो वन बाय वन रेफरेंस चल सकता था, रेफरेंस लिख के ला सकता था उसका। फालतू लोग है भाई ये, फिर भी यहाँ पर इनके पास कोई तर्क नहीं है, इनके पास कोई तर्क नहीं है, ये बेफजूल की बातें करते हैं। ये नागेंद्र जी का चैनल है जो पॉलिटिकल बातों पे करते हैं, और वो चाहते हैं कि आपको जो है वो आपकी परमिशन चाहते हैं कि मैं आपका कांटेक्ट जो है वो इनको दे दूं, या आपके बड़े मैं आपसे बात करूंगी इसके बाद मैं आपसे बात करूंगी जी। तो अभी किसी बिल्कुल बिल्कुल आपके साथ भी करेंगे, आप पॉलिटिकल मुद्दे पे करेंगे, मुझे बहुत पसंद आते हैं पॉलिटिकल मुद्दे क्योंकि सियासी परिवार से हूँ। कांग्रेस के वक्त में मेरे फूफा जी जो हैं वो राज्य मंत्री रहे हैं और मेरे पापा समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो अभी भी वो लोग बहुत फॉलो करते हैं इन चीजों को। लेकिन वो जो समाजवाद था वो समाजवाद रोड के चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति का था, इस तरह का नहीं था। वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वगैरह को आदर्श मानते हैं, और मेरी उम्र की तो लड़कियां आजकल जानती भी नहीं है कि राम मनोहर लोहिया कौन थे, चौधरी चरण सिंह कौन थे, या फिर अजीत सिंह का परिवार। तो हमको तो पता है ना, क्योंकि इनके परिवारों के कई बच्चे हमारे वहाँ पढ़ के भी गए हैं और अच्छे मतलब ताल्लुकात रहे हैं, तो मेरे को ये सारी चीजों में बहुत इंटरेस्ट आता है। क्योंकि बचपन में जब मैं अपने आप को लड़का समझती थी तो अपनी बहनों को बोलती थी, वो काफी बड़ी थी जब मैं पैदा हुई, तो कुछ मेरी बहनें जो थी कॉलेज में थी तो उनको शर्म आती थी कि ये क्यों पैदा हुई है, बुढ़ापे की औलाद क्यों है। तो वो मैं बोलती थी कि तुम अंदर चलो, ठाकुरों की लड़कियां बाहर नहीं बैठती, अंदर चलो घर के अंदर। तो नेताओं के साथ बैठ के मैं बातें सुनती थी पापा की। तो मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी तो ये आए थे चंद्रशेखर अंकल, चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उस वक्त वो एक्स हो चुके थे, तब वो प्रधानमंत्री नहीं थे। तो मैं उनकी गोदी में बैठी तो मैंने बोला आपकी शक्ल मेरे पापा से मिलती है, मेरे पापा उनसे छोटे हैं, मेरे पापा बुजुर्ग हैं लेकिन उनसे छोटे हैं काफी। तो मैंने देखा कि पापा ज्यादा उनके साथ फोटो नहीं खिंचा रहे, तो ये लोग फोटो वोटो नहीं खिंचाते थे एक साथ इतनी फोटो इनका, इन लोगों का जो आज के नेता होते ना, भाई साहब मैं ये हमारे घर में मैंने नहीं देखा। जॉर्ज फर्नांडिस अंकल और ये लोग जो है, वो तो कहते थे कि इस लड़की को मेरे वहां भेजो, बेटा मेरा एड्रेस क्या है, मैं बोलती थी 4 कृष्णा मेनन मार्ग दिल्ली, तो वो कहते थे मेरा फाटक मेरे को टूटा हुआ है, मैंने क्यों तोड़ा, कह रहे इंदिरा गांधी ने मेरे को ऐसे रटाया हुआ था, इंदिरा गांधी ने आप पे इल्जाम लगाया था, तो उनपे कुछ ऐसे इल्जाम लगे थे ना कुछ चीजें, तो उन्होंने अपना फाटक मतलब ये जो गेट था तोड़ दिया था। तो मुझे इतनी चीजें पता रहती हैं, इंसाइक्लोपीडिया बन जाता है दिमाग में काफी, क्योंकि है अब पढ़ने का भी शौक है। MBA हूँ, कोई इलिटरेट अभिनेत्री तो हूँ नहीं। ये क्वेश्चन नहीं है सॉरी, ये राज लोधी जी कह रहे हैं महेश भट्ट ने 26/11 जो मुंबई में अटैक हुआ था टेरर अटैक, उसमें जो टेररिस्ट है डेविड हेडली उसको अपने घर में रुकवाया था। महेश भट्ट ने रुकवाया था उसको अपने घर। एक्चुअली क्या है, राहुल भट्ट इसका बेटा, आप कहेंगे इसको कितनी बातें पता रहती हैं,
राहुल आपको तो बहुत बातें पता है। सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, मैं सबसे माफी मांगती हूँ, आपसे बात करके इतना मजा आएगा। सॉरी गाइज, मैं सबसे माफी भी मांगती हूँ, क्योंकि देखिए मेरी तीन पर्सनालिटी है, एक 4 साल की बच्चे वाली जो अपने पापा के सामने आज भी पैर पटकती है, और अगर मेरी जिद पूरी नहीं हो तो मैं लेट जाती हूँ जमीन पे, और दूसरा जो है जब प्रॉपर्टी और पॉलिटिक्स और इस तरह की बातें आती है तो 70+ मेरा दिमाग चलता है। मैं 50 साल के आदमी को भी समझा देती हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। कोई आदमी बड़ी गाड़ी खरीदने आएगा, मैं उसे प्लॉट खरीदवा दूंगी, तो मैं कहूंगी अचल संपत्ति खरीदो, अचल संपत्ति खरीदो, दाम बढ़ते हैं, कार खरीदोगी हाँ, वो कंगी बेच दोगी। क्या क्या गिर? गंजे को क्या, ये कहावत है, गंजे को कंगी बेच देना, मतलब मेरा ये है कि मैं चलाकी नहीं करती किसी के साथ, क्योंकि देखिए दोस्ती में संबंधों में चलाकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवर स्मार्ट बंदा जो होता है ना, शाणा कौवा जो कहते हैं, आगे आपको पता ही होगा, तो ज्यादा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, बस जो है अच्छी राय। अब कोई साला 15-20 लाख की कार खरीदना चाह रहा है, उसके पास वो शो ऑफ के लिए कर रहा है, घर नहीं है उसके पास, मैं तो बोलूंगी ना उसको, यार तू मेरा अच्छा दोस्त है, प्लीज जाके प्लॉट खरीद ले, इसके दाम बढ़ जाएंगे, 2-3 साल बाद तू कार भी खरीद लेगा और ये तेरा प्लॉट भी बढ़ जाएगा, अभी तू अपना बैंक बैलेंस खराब मत कर। मैं ये बोलती हूँ धरातल की बातें। अब मैं इसकी बात में आती हूँ, डेविड हेडली एक आंख उसकी अलग एक आंख अलग, वो एक वहां के पूर्व प्रधानमंत्री थे इधर के ये पाकिस्तान के, उनका वो उनके उनका बेटा था वो, ठीक है ना, उनका बेटा था, तो उसकी माँ उसको लेकर जब डिवोर्स हुआ तो वहां चली गई थी, इंग्लैंड या अमेरिका कहीं चली गई थी, अमेरिका शायद चली गई थी, तो वो जब वहां पला, वो क्रिश्चियन माहौल में पला, देखो इनकी कैसी जहर, ये जहर होते हैं जो दूसरों को बोलते हैं, जब वो उसके बाद वो आया वहां पर थोड़ा बड़े होके, बीच में चक्कर लगाता था लेकिन इतना नहीं रहता था, जब वो आया बाद में तो उसकी बकायदा ट्रेनिंग हुई, उसने इस्लाम को जाना, फिर दोबारा आया प्रॉपर ट्रेनिंग ली, एक मोरक्को की लड़की से, मोरक्को की लड़की से उसका निकाह करवाया गया, पैसे देकर निकाह करवाया गया, उसको लाया यहाँ पर, उनका उनका जो भी वो, तो लड़की तो साइड किक थी, लड़की का कुछ नहीं था, इस बहाने से कि हनीमून कपल है यहाँ आया इंडिया देखने के लिए, पूरी रैकी करी, उसके बाद ये कांड हुआ है बाद में। और इसका बेटा राहुल भट्ट जो है, जो आप अंडरग्राउंड है, जो किसी को नजर नहीं आता, जिसके खिलाफ, जिसको जेल में होना चाहिए था, जिस हराम खोर को जेल में होना चाहिए था, वो अभी भी खुला घूम रहा है, और मैं कह रही हूँ वो भी कहीं लश्कर तोयबा की ट्रेनिंग लिए होगा, स्टेरॉइड लगा के उसकी भी जिंदगी बर्बाद करके उसकी भी शादी नहीं करी इन लोगों ने, वो भी ऐसे ही नशरुद्दीन शाह भी ऐसे ही, उसको बड़ा डर लगता है, उसकी 60 साल की बेटी है और वो इतनी दिखने में ऐसी कि रात को कोई कुत्ता भी डर जाए उससे, और उसको भी अपने बच्चों के लिए डर लगता है, सबसे बड़ा बच्चा उसका, 40 साल का हो रहा है, वो खुद इतना बड़ा हो रहा है। मैं तो उससे बोलना चाहती हूँ, दादाजी आपके बच्चे इतने बड़े हो रहे हैं, आप ये बताओ कि आप किस एंगल से आपके बच्चों को देख के हमें डर लगता है, और उसने अपनी पत्नी को कहेगा कि मेरी पत्नी तो हिंदू है, तेरी हिंदू पत्नी शादी के बाद निकाह नामे के बाद तू इतना कट्टर, तेरी पत्नी ना एक उल्लू बनाते हैं, उसका निकाह नामा पढ़ा जाता है, तो ये पॉसिबल है कि निकाह नामा किसी हिंदू से पढ़ा जाए? हिंदू वो तो मुसलमान हो गई अब क्या, ऐसे ये दीना पाठक, दीना पाठक, मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा ना कर वो आता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तैमूर नाम और जहांगीर नाम रख ले, ये सबसे ज्यादा गुस्सा आता है मेरे को, मैं तो अब इन लोगों की शक्ल भी नहीं देख सकती, मेरे यहाँ तो इतना डिश वो है, सारे जितने भी देश है उनके सब टीवी चैनल्स और मूवीज फ्री आती हैं, तो पर मैं इनकी शक्ल भी नहीं देख सकती, तो मुझे मैं कोई मूवी देख ही नहीं पाती, क्योंकि इन सारी मूवीज जो है वो इन लोगों की आती है, कोई बहुत या कोई और आ गई, मैं तो साउथ इंडियन, आपको मैं अपनी हिंदी डब मूवी भेजूंगी आप वो देख, हाँ हाँ बिल्कुल मैं जरूर देखूंगी, तो मैं ये कह रही हूँ कि ये इनकी हिम्मत कैसे हुई कि अपने बच्चों का नाम जो है वो इंडिया में रहकर इंडिया के आक्रांताओं के ऊपर अपने बच्चों के नाम रख लिए। आंसर मेरे पास है, गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं है, कोई आपको कुत्ते का खिला रहा है, आप खा रहे हैं और वो आपके मुंह में थूके जा रहा है, फिर आप कह रहे भाई भाई, इससे अच्छे तो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कुछ कुछ जो कट्टर है वो सीधे बोलते हैं तुम हमारे भाई नहीं हो, काफिर कौन सा भाई, भाई बनना है तो पहले इस्लाम में आओ, दीन में आओ, सीधी सी बात करते हैं, मुझे ज्यादा पसंद आता है। देखो एक बात बताऊं, नहीं देखिए उदारता पहली बात है, जब जब आप गीता पढ़ते हैं तो पहले अध्याय से बाहर निकलो, अभी शांति का वक्त नहीं है, और शांति कभी भी बल भिखारी और दबा कुचला इंसान नहीं लाता, जो बलवान है बलिष्ठ है वो लाता है। मैं गीता पढ़ी हुई हूँ, मैं गीता पढ़ती हूँ, और मैंने जैसे कि कहा गुरु पिता मेरे नरसिम्हानंद जी हैं, तो उनसे कम नहीं है हम लोग, उन्हीं का ही
जैसे एक होता ना कि आध्यात्मिक ब्लड चल रहा है हमारे अंदर, आध्यात्मिक जो शक्ति है उनकी हम पे चल रही है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने अंदर का पुरुषार्थ नहीं जगाते, जब आप उनकी पिक्चरें, अरे आपके, अभी मैं बताती हूँ, कुछ एक मूवमेंट होता है कि किसी ने बोल दिया, कोई कहता है मैं एक्स मुस्लिम हूँ, ठीक है, जब वो सनातन में नहीं है, मैं तो कट्टरवाद के खिलाफ हूँ, तू है कौन, पहले अपने कट्टरवादी संभाल है, और हिंदू उसको भर भर के पैसा देंगे, भर भर के पैसा देंगे। तो अपनी जो भी एक गोली इंडिया में पड़ती है किसी हिंदू को, उसका जिम्मेदार हिंदू है, क्योंकि वो, मैंने देखा $1,000 का सुपर चैट दे रहे एक मुस्लिम व्यक्ति को, और वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं सनातनी नहीं हूँ, मैंने सनातन नहीं अपनाया है, तो तुम किस लिए दे रहे हो? एक्चुअली हिंदुओं की गलती है। अच्छा अब्दुल बुरा अब्दुल, एक अब्दुल मारता है, दूसरा अब्दुल आके अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे गलत है वो अल तक किया, फिर तीसरा वाला मैं एनजीओ से हूँ नारा लगाऊंगी, चौथा वाला कभी इन्होंने आईसीएस के खिलाफ नारा लगाया, कभी इन्होंने बोको हराम के खिलाफ नारा लगाया, कभी फुलानी नेटवर्क अफ्रीका का नारा लगाया, ये क्या जानते हैं, ये अनपढ़ है, गंवार है, ये कोई बाल काटने का काम कर रहा है, कोई किसी का काम कर रहा है, यहाँ आके इनको 9 to 5 जॉब करनी नहीं है, इनको भर भर के पैसा चाहिए। और दूसरी बात, मेरी क्लोजेट देखो, 2 जोड़ी कपड़े, अरे मेरी काम करने वाली को भी जितनी सैलरी मिलती है उसके पास भी 10 साड़ियां होंगी, चाहे सस्ती होंगी, अपने अपने लाइफ, जो 5,000 कमाता है, जो 10,000 कमाता है, जो 20,000 कमाता है, सबके पास अपने अपने स्टैंडर्ड का होता है, ठेले से ले आता है। तुम्हारे पास 5-10 लाख रुपया यूट्यूब से आके तुम्हें गरीब हिंदुओं को लूटते हो, और हिंदू मैं कहती हूँ इतने बेशरम कौम है, बेशरम, कि ये इनके लोग, हमारी सदियों से लड़ाई किससे हो रही है, किससे हो रही है हमारी सदियों से लड़ाई, मुगलों से, आक्रांताओं से, कौन है, मुगल कहने से, खिलजी कहने से, लोधी कहने से। अगर आपको आपको अगर इस्लाम की गुलामी को समझना है तो आप, एक डायलॉग है गू खा तस्ले में, गौ से गुलाम वंश, ख से खिलजी, त से तुगलक, सौ से भी कुछ वंश आता है इनका, मुसलमानों का ही कुछ वंश आता है, सौ से आता है, लॉ से तो लोधी हो गए, तो एक सौ से भी था, सौ से भी कोई वंश आता है। वो जो वर्ड बनाए गए ना गू खा तस्ले में, वो गू से गुलाम है, त से तुगलक है। अगर आपको हिस्ट्री समझनी है, मेरी जैसी हिस्ट्री कोई नहीं समझाएगा आपको, बिकॉज हिस्ट्री हैज बीन माय फेवरेट सब्जेक्ट। इस पे तो एक और स्ट्रीम करेंगे, अभी सारा डिस्क्लोज मत करो, मैं तो इतनी सारी स्ट्रीम्स हो चुकी हूँ आपके साथ, कटिंग कर लेना, कटिंग एक स्ट्रीम इसी पे करेंगे, कटिंग कर लेना, एक स्ट्रीम इसी पे करूंगी, कटिंग कर लेना। तो इसलिए मैं बस इतना कहूंगी जाते जाते आप लोगों को, पहले तो भैया अगर किसी को भी अपने इस्लाम से प्रॉब्लम है, अगर एक महिला है उसको कोई, मतलब एक जनरल बात कर रही हूँ, अगर उसको घर में थप्पड़ थुप्पड़ ना पड़े तो वो यहाँ पर जैसे कहते हैं घर वापसी हो गई, उसको घर में थप्पड़ पड़े, उसने घर वापसी करी, क्या उसको सनातन से प्रेम था? उसको अगर थप्पड़ नहीं पड़े होते वो सनातन में नहीं आती। लेकिन एक एक, एक लड़की जो सनातन में पैदा हुई है और खरी खरी बात करती है, नहीं नहीं ईगो है इसमें, घमंड है इसमें, तो मतलब तुम तो चाहते हो कि तुम्हारी जो लड़की है वो मुसलमान आए तो पिट जाए, ऐसे लेट जाए। अगर कोई लड़की कहती है चल हराम जाते बाहर निकल, तो वो लड़की तुम्हें पसंद नहीं है, कोई बात मत करो, मेरा चैनल जो है ना वो हो जाए, नहीं नहीं कुछ नहीं नहीं नहीं, ये जो देखिए मैं नहीं करती, प्लीज मत करना। हाँ हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ क्या है साइडल, खिलजीता तुगलक सैयदन लोधी में, हाँ हाँ राइट राइट राइट, बिल्कुल सही प्रिंसेस, बिल्कुल सही है। देखिए ये जो है ना, अगर हिंदू इस तरह से बांटते रहे अपना पैसा, बगल में एक हिंदू है, मैं ये बोलती हूँ बगल में आपके एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में जरा देख कर आओ उस हिंदू के पास कुछ खाने को है कि नहीं, उसके बर्तन चेक करो, उसका खाना चेक करो, 500 रुपए देने में उसको जान जाती है, अरे वाह देखो भाई एक्स मुस्लिम, हाँ पैसा भाई, भैया मैंने आपको 2,000 रुपए भेजे, सैलरी मिली है, फिर उसके बाद हेलो हाँ रमेश तूने यार भैया को पैसे भेज, और मेरे पास तो यार है ही नहीं बच्चों की फीस देनी, अरे बच्चे गए वाड़ो, वो देख मुसलमानों से हमारी लड़ाई होगी ना तो वही लड़ेंगे भैया हमारे लिए, इसलिए जरूर इनको मजबूत बनाओ, ऐसे नाटक कर करके ये लोग पूरा पैसा इनको देते हैं। मैं ये बोल रही हूँ आप जो हिंदू बन जाए प्रॉपर उसकी मदद करिए, लेकिन जब चैनल बड़ा हो जाए तब मदद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको उतना यूट्यूब से आता है क्यों कर सके। मैं हूं
अगर मैं सक्षम हूँ तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो सक्षम हिंदू है, जो मदद करना चाहता है, उसको मैं सनातन के कार्य में लगाऊं। मुझे किसी ने चेयर डोनेट करी, मैंने उस पैसे की चेयर ही ली, मैंने ये जाके अपना अपने कपड़े अपना कुछ नहीं लिया। ये हिंदुओं को समझना होगा, प्लीज आप जकात देना बंद करो। आप ये जो मर रहे हैं ना, अब गवर्नमेंट कहती है कि पैसा, गवर्नमेंट कहती है कहाँ से फंड आ रहा है, गवर्नमेंट कहती है कहाँ से फंड आ रहा है, कहाँ से फंड आ रहा है, हिंदू दे रहे हैं भैया, हिंदू फंड दे रहे हैं, हिंदू जकात दे रहे हैं। आपको पता है ये हिंदू बहुत पैसा है इनके पास, वैसे इनके पास एक हिंदू को देने के लिए, अरे यार भिखारी साली झूठ बोलती है, ऐसे बोलेंगे। पता है वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स भी हलाल सर्टिफाइड होते हैं। मैं तो नहीं लेती, मैंने फोन करके बोला कि ये आपका, मैं आपके वहां से अभी मुझे 20-30 हजार का कुछ सामान लेना था, एक वेबसाइट थी, क्योंकि मैं एक साथ लेती हूँ खूब सारा। तो मैंने उसे कहा, मैं उनको मालूम है मैं बहुत अच्छी कस्टमर हूँ, और अमेजन उस साइट का नाम है। मैंने कहा सॉरी इसमें तो हलाल है, मैं तो हिंदू हूँ। तो बोले मैम वो तो हलाल है। तो मैंने कहा हिंदू हूँ ना तो मैं नहीं लेती हूँ, तो मैंने कैंसिल करा। तो उन्होंने बोला कि हम आपको नॉन हलाल प्रोडक्ट मुहैया करवाएंगे। तो अपने ऐसा नहीं, आप कंप्लेन करिए, आप बोलिए हम नहीं लेते, और इसमें उर्दू में क्यों लिखा है। अगर इंटरनेशनल प्रोडक्ट है तो अलग बात है, लेकिन ये हमारे इंडिया का प्रोडक्ट है तो इसमें क्यों लिखा हुआ है। तमिल में लिखिए, तेलुगु में लिखिए, नो प्रॉब्लम। लोगों को लिखा था वहां पर वेबसाइट पे, इन्होंने क्या किया था, गणेश जी की और वो जो मैट्स होते हैं ना जिन पे पैर रखते हैं वो वाले, उस तरह का वो बनाया था कि गणेश जी की चप्पल पे गणेश जी। और ये आज की बात नहीं है, ये आज की बात नहीं है। मैंने बहुत पहले इनका वो करा था, अमेजोन को लिखा था, और जर्मन ने अमेजोन को लिखा था, और एक यहाँ के कैनेडियन वाले को। तो इस तरह से करनी पड़ती है शिकायत। और आप सब लोगों से, चूंकि आप लोग अभी इस समय 68 लोग देख रहे हैं, प्लीज आप जाइए और गूगल पे ना जाके और सर्च करिए मैप्स में, और उसमें ज्ञानवापी मस्जिद सर्च करके और उस पर एडिट लिख दीजिए ज्ञानवापी, क्या बोलते हैं, मंदिर, और कैटेगरी में हिंदू टेम्पल डाल दीजिए, और फिर दूसरा सर्च मारिए कुतुब मीनार पर, और वहां पे एडिट मारकर और विष्णु स्तंभ एडिट कर दीजिए। ये दो काम आज आपका होमवर्क है, मैं हर रोज होमवर्क देती हूँ इनको, ये इनका होमवर्क है, ये दो काम कर लें। तो नेक्स्ट वीक आप ट्यूसडे को आएंगी हमारे यहाँ, ट्यूसडे नहीं सॉरी वेंसडे को या मंडे को, वी विल टॉक ओवर फोन। ठीक है। अच्छा चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मुझे तो बहुत ही मजा आया। मेरे को तो मालूम ही नहीं था आप इतनी इंटरेस्टिंग है, मैंने बहुत समय से चाहती थी आप मेरे चैनल पे आओ, पर आप हमेशा इधर उधर चैनल्स पे थी तो आप बिजी रहती थी, तो इसलिए नहीं। देखिए क्या होता है, दिन का वक्त जो होता है वो मुझे अचानक से अगर स्टूडियो जाना है, क्योंकि मैं अभी पुराना काम निपटा रही हूँ, तो क्रोमा में शूट कर रहे हैं, मैं धूप में बिल्कुल शूट नहीं करूंगी, क्योंकि धूप में पता चला जितना पैसा हमें शूट में नहीं है उतना सारा टैन हटाने में लग जाएगा, तो इसलिए हाँ सही सोचा। हाँ तो इसलिए मैं जो है बहुत, क्योंकि मैंने अब सोच लिया है कि मुझे ज्यादा नहीं करना है। तो मैं अमित पटेल जी का बहुत धन्यवाद करूंगी, इन्होंने कैनेडियन डॉलर्स भेजे हैं $10, और प्राची जी थैंक यू सो मच। अमित पटेल जी मेरा चैनल भी ज्वाइन करिए, हमें भी सहयोग करिए, हमारे साथ आप बने रहिए, और प्लीज हमारे भी चैनल के आप मेंबर बन जाइएगा परमानेंट वाले, ठीक है ना, उसमें आप रहिए हमारे चैनल में हमारे साथ, और जब भी आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे जी। और ऐसे प्रीति जी को भी सपोर्ट करिए, कि सब लड़कियां, प्राची जी मैं चाहता हूँ कि सब लड़कियां आप जैसी दिमाग रखें तो फिर हिंदू लोग जाग जाएंगे। हाँ मैं शादी करूंगी, मेरे जैसे बच्चे पैदा करूंगी, तो मेरे जैसे बच्चे होंगे, क्योंकि मैं समझा समझा के लोगों को पागल होगी, और कुछ बच्चे मैं गोद लूंगी तो ही मेरे जैसे होंगे अब बच्चे, मैंने देख लिया, क्योंकि लड़कियां तो भैया सुनने को तैयार नहीं है। मेरी दोस्तों ने बात करना बंद कर दिया मुझसे, कहती तेरी पॉलिटिक्स, मैंने बोला पॉलिटिक्स नहीं है, इट्स अबाउट धर्म। मैंने बोला ये जो पहन रही है ना अभी, मैंने बोला जो तू पहन रही है ना, पता है अभी पाकिस्तानी मूवीज देखी है, पाकिस्तानी मूवीज में ना बहुत ज्यादा देशभक्ति पाकिस्तान के प्रति दिखाई जाती है, और साथ में इंडिया को डाउन किया जाता है। मैंने अचानक से कुछ चीजें देख ली पाकिस्तानी मूवीज में, क्योंकि मेरे यहाँ पाकिस्तान का चैनल भी आता है, वैसे मैं ज्यादा देखना पसंद नहीं करती, क्योंकि वहाँ के एक्टर जो है मेरे LCD स्क्रीन से निकल के उनकी आत्माएं मेरे घर में घूमेंगी, इसलिए मैं ज्यादा देखती नहीं हूँ। इन लोगों को गंदी चीजें कभी नहीं देखनी चाहिए, तो मैं गंदी चीजें नहीं देखना चाहती हूँ। तो पर मैं ये कह रही हूँ कि वो लोग अपने में बहुत राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं, पर हम लोग नहीं, अपने नहीं, नहीं राष्ट्रभक्ति वहाँ बिल्कुल नहीं, राष्ट्रभक्ति होती है तो पहले तो वो राष्ट्र नहीं है प्रीति जी, वो राष्ट्र नहीं है, वो एक मुल्क है, देशभक्ति दिखाते हैं।
वो एक पहली बात, वो राष्ट्र नहीं है और वहां वो विचारधारा चल ही नहीं सकती, क्योंकि इस्लाम इज नॉट अबाउट राष्ट्रभक्ति, इट्स अबाउट जो जो जमीन पे हमने पैर रखा वो अल्लाह ताला की धरती है। कुछ देखी थी उसमें उन्होंने पाकिस्तान को झूठ है, झूठ पे तो इस्लाम, झूठ पे तो इस्लाम टिका है, झूठ पे तो इस्लाम टिका है। प्रदीप जी पूछ रहे हैं, हेलो मैडम हम एक बात बोलना चाहेंगे, आपसे बात करनी चाहिए, आपने जोरतियों को बढ़ाने चाले, मैं समझता हूँ आने वाले जनरेशन को अच्छी तरह से रहना चाहिए, लाइव शो मतलब ये कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि मतलब जो विमेन के लिए, तो वो आने वाली जनरेशन को भी उसी तरह से लाइव शो वगैरह करने चाहिए, ये कह रहे। देखिए मैं जहां तक मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगी ऐसा। कई बार मुझसे मेरे प्रोडक्शन वाले नाराज हो रहे हैं कि तुम इसमें अपेयर होना बंद करो, और अच्छा ठीक है तुम्हें अपना चलाना है चलाओ, लेकिन अब तुम ये सब करना बंद करो क्योंकि इससे नेगेटिव हो जाएगा। तो मैंने बोला भाई देखो मैं अपने दिल की बात करती हूँ और मुझे कोई तुम्हारे टुकड़ों पर पलने की तो जरूरत है नहीं, अच्छा काम हो मुझे फ्री में करवा लो। तो बोलते नहीं फ्री में तो अब करवाने का नहीं रहा क्योंकि हमें भी अपना टैक्सेस भरने पड़ते हैं, लेकिन आप इस तरह से मत करो इससे खुद होगी आप। तो मैंने बोला भाई मैं क्या गलत बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ जो हो रहा है। अब वो आंखें देखते हुए अंधे होने का नाटक करे और किसी को चोट लगे, खून बह रहा है, उसके खून को उसकी तकलीफ को नजरअंदाज करे, ये हो नहीं सकता। अगर मैं इस देश में एक एक्ट्रेस बनी हूँ या मैं सोशल एक्टिविज्म का काम कर रही हूँ और मैं ये सोचू कि भाई सब कुछ बिना बलिदान के हो जाएगा, तो बिना बलिदान के तो कुछ नहीं होता, क्योंकि ये धरा ये धर्म बिना बलिदान के नहीं टिका है। हमारे जितने भी पूर्वज हुए हैं और जिस समाज से मैं आती हूँ वहां छत्राणियों ने अपने अपने जौहर कराया, और जौहर इसलिए नहीं कि वो कायर थी, जैसे कि स्वरा भास्कर ने कहा था कि जौहर करने की क्या जरूरत थी, पिट जाती वो, क्या जाने दो कौड़ी की औरत की जौहर क्या होता है, अपने आत्मसम्मान को बचाना क्या होता है। ये लोग भी मरी हुई विमेन के साथ भी सेक्स करते थे इसलिए उनको जौहर करना पड़ता था। देखिए जब कोई औरत कि संजय लीला भंसाली आपको लेकर एक करियर प्रिंसेस की फिल्म बनाए, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। वो आदमी जो खुद वो राजपूतों से कितना चिढ़ता है पता है आपको, हिंदुओं से खास करके, उसकी मम्मी जो है नाचती थी एक इंदौर के राजा के वहां, उससे वो हुआ है, वो राजपूतों की औलाद है, लेकिन उसको सम्मान नहीं मिला इसलिए उसकी माँ गुजरात चले गई, फिर कहीं चले गई, इसलिए हमसे नफरत है उसको, इसलिए वो राजपूतों की लड़कियों को हमेशा मुसलमानों के साथ सोता हुआ दिखाता है कि भैया वो आ गया, खिलजी आ गया, ये हो गया, ये हो गया, उसने बहुत अच्छा कर दिया, इस तरह का कर दिया, हमेशा वो गलत नैरेटिव से मूवी बनाता है। वो कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं है, वो क्या लेगा मुझे, उसकी इतनी औकात ही कहाँ है, पैसा जरूर है उसके पास लेकिन औकात नहीं है। एंड आई डोंट फील पैसे से क्लास आती है, मनी डोंट बाय क्लास। हाँ वो तो जो है, होगा जो इनकी फैमिली वैल्यूज है वो तो पता ही चल जाती है, क्योंकि मैंने कल जो हीरा मंडी वाली के पास भी पैसा होता है, वो अपना अपने है तो हैदराबादी, अपने आप को बड़ा अरब का वंशज दिखा के वहां के कपड़े पहन के सुपीरियर दिखाता है, यहाँ के जो पसमानदा मुसलमान है उनसे अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, अपनी अरब की पैदाइश दिखाने के लिए वहां के कपड़े पहन के, और पूजा परवीन के उस पर कल था और इतना घटिया मतलब उसकी सोच थी, और वो कोई भी रेफरेंसेस दिखा के नहीं बताना चाहता था ना देना चाहता था, मतलब कि झूठ बोलने की हद है। देखिए पहली बात तो आप अगर संजय लीला भंसाली के बारे में बात कर रही हैं तो ही इज नथिंग बट अ इलिजिमेट चाइल्ड फ्रॉम अ राजपूत के राजा जो होते हैं रजवाड़े, उनका वो औलाद है, इसलिए वो चिड़ता रहता है, कुड़ता रहता है, और इसलिए वो अब क्या करता, बदला लेने के लिए अब कुछ कर तो सकता नहीं, वो ऐसे ही खुद ही खुद ऐसा ऐसा है तो वो क्या करेगा, उसकी बॉडी कोई मर्दों वाली तो है नहीं, तो जब खुद नचैया से पैदा हुआ है खुद वैसा ही है तो वो क्या कर सकता है, वो एक ही काम कर सकता है, वो हमको गलत दिखा सकता है, हमारे पूर्वजों को गलत दिखा सकता है। और दूसरी बात, जौहर केवल छत्राणियों ने नहीं, जो उनके साथ दूसरी महिलाएं थी जो सोल्जर्स थे उनकी वाइफ थी उन्होंने भी करा था, और वो उनको भी मैं वही मानती हूँ, जो ट्राइब्स थे हमारे
जो भील वगैरह थे महाराणा प्रताप के साथ जो रहते थे, महाराणा प्रताप हमारे जैसे जातिवाद भी करते हैं, तो जातिवाद में भी क्या हमारे वहां ऐसा था नहीं, क्योंकि महाराणा प्रताप इन्हीं भीलों के साथ सोते थे। आप बताइए, जहां प्रजा वहां राजा, जंगलों में सो रहे तो कहां जातिवाद है, उन्हीं के हाथ का बना हुआ खाना खा रहे। पर ये दिखाएंगे, ये संजय लीला भंसाली दिखाएगा कि ठाकुर किसी का, हाँ रास्ते से हटाओगे क्योंकि वो इंटेलिजेंट है, इन्हें इंटेलिजेंट लोग पसंद नहीं आते। मैं आपको बताती हूँ कुछ कुछ नकली बाबा, बिल्कुल सही बोली ये बात, इंटेलिजेंट मैं बताती हूँ कुछ कुछ नकली बाबा, मैं जानती हूँ कुछ कुछ नकली बाबा है, वो आपको बड़ा सम्मान देंगे देंगे, द मोमेंट उनको पता चलेगा कि आपको सब कुछ पता है तो वो क्या करेंगे, वो तो आ रहे हैं धंधा करने के लिए ऑनलाइन में, तो उनको जैसे पता चलेगा अरे ये तो सब कुछ जानती है इंटेलिजेंट है, तो वो क्या करेंगे धीरे से आपको साइड करना शुरू कर देंगे। और उनकी हैसियत नहीं होगी कि वो आपसे वन टू वन करें, लेकिन वो यही करेंगे कि मुस्लिम महिलाएं हमारे साथ आ गई, हिंदू औरतों को ही मुस्लिम महिलाओं के कपड़े पहना देंगे, और मतलब हिंदू जो है उसमें भी पैसा पैसा पैसा। मैं ये बोलती हूँ तुम्हें पैसा देना है डासना जाके देकर आओ यति बाबा को, वो आदमी असली काम कर रहा है, असली काम कर रहे हैं। बहुत खुश हूँ, ये आज आपकी बेस्ट बात मुझे पूरे उसमें यही लगी कि अगर पैसा देना है तो आप ये हिंदू साधुओं को दो, डासना देकर, डासना देवी, डासना देवी यति बाबा को उनके पास देकर आओ, उनको वो असली काम करते हैं। वो जो आदमी अपनी जान की परवाह नहीं करता, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मेरे गुरु पिता हैं, मैं खुद जानती हूँ कि यति बाबा का, यति बाबा जो जितने भी मैंने लोग देखे हैं सच्ची बता रही हूँ, वो बिल्कुल बिल्कुल सही आदमी है, सही व्यक्ति हैं। और जब ना वो कमजोर पड़ते हैं ना, उनको परसों कुछ देख रही थी, मुझे इतना रोना आ गया, मैंने बोला मेरे यति बाबा ऐसी नहीं सोचते कि वो कह रहे कि मैं गीता को ही बांटूंगा, मुझे इतना बुरा लगा। मैंने कहा यार धिक्कार है हिंदुओं पर, सच्ची कह रही हूँ धिक्कार है हिंदुओं पर कि तुम्हारे होते हुए तुम खड़े होते उनके साथ, कहते बाबा जी हम आपके साथ है, जान दे देंगे, जान दे देंगे, आपको निराश नहीं होने देंगे, इतने मतलब सच्ची कह रही हूँ, सच्ची आप मैं बता रही हूँ, इतना बुरा लगा मुझे। वो भी बहुत कार्य कर रहे हैं, जितेंद्रानंद स्वामी सरस्वती, जितेंद्रानंद सरस्वती अलग है, और जितेंद्रानंद स्वामी जी जो महिलाओं की वापसी कर रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं की वापसी, वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये सब कर्मयोगी हैं, ये वैदिक ब्राह्मण नहीं है, ये जो मुसलमान है इनको बुला के सनातन स्क्रिप्चर्स के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो वो गलत है, क्योंकि वो कर्मयोगी हैं, वो मतलब स्वामी है कर्म के, वो वेद पाठी नहीं है, वो कर्म वाले हैं। देखिए देखिए जो यति बाबा है ना, वो उनकी बस इतनी गलती रही कि उन्होंने हिंदुओं को सच बताया, उन्होंने हिंदुओं को सच बताया। एक आदमी आपके घर का आदमी है, आपके पिता है, वो क्या बताएंगे कि बेटा अगर तुम पे कोई आक्रमण करे तो तुम्हें क्या करना चाहिए, कोई मेरी तरफ को कोई AK-47 लेकर आए तो मैं क्या करूं, तलवार से धीरे धीरे डंडे से लड़ूं, या मैं अपने कहूं अरे लो मार दो मुझे, जी नहीं, आपको क्या करना है, ईंट का जवाब पत्थर से देना है। उस व्यक्ति ने क्या गलत कहा, अपनी अपनी महिलाओं की रक्षा करो, अपने सनातन की रक्षा करो, क्योंकि जब सनातनी राष्ट्र का मूलभूत तत्व नहीं रहेगा, जो मूलभूत तत्व सनातन है, जिस दिन ये खत्म, जिस दिन हिंदू खत्म, तो ये फ्री की रेवड़ियां है ना, इनको बट रही है, जो 50-50 हजार रुपए इनकी बेटियों को मिल रहा है शादियों के लिए, जो गवर्नमेंट दे रही है इनकी, मतलब 10 बच्चे इनके, 10 बेटियां इनकी, 4 शादियों से 50 बच्चे हो जाएंगे, और उसके बाद वो 50-50 हजार, वो तो कहेंगे वलीमा, वो तो वलीमा 5 हजार में वलीमा कर देंगे, 2-3 हजार में आ जाएगा मौलवी पढ़ देगा, बाकी पैसा हमारे लिए मारने काटने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आप हमारे हिंदुओं को क्या बता रहे हैं, वो हमारे हिंदुओं को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ो, जिस दिन हिंदू खत्म उस दिन फ्री की रेवड़ियां मिलना खत्म। पहले पाकिस्तान क्यों अच्छा था, क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू थे, दान दक्षिणा अच्छा माहौल चलता था। 1920 की फोटो आप देखिए शिवरात्रि की, क्या माहौल है, और 100 सालों में आज क्या माहौल है। आज उसी इस्लामाबाद में जो शिवरात्रि का पर्व था, मतलब बप्पा रावल ने रावलपिंडी बचाया, लाहौर लवकुश वगैरह जो भी है, आप ये देखिए कि क्या हो गए, अफगानिस्तान, आर्यव्रत की धरती, हम जिस समूह में रहते हैं जम्बू द्वीप का हिस्सा, आज हम क्या हो गए। और जो ये आईसिस कहता है खुरासान, खुरासान भी एक हिंदू शब्द है, मैं इसको मुसलमान शब्द मानती थी, इसको मानती थी, संस्कृत का शब्द है, इनको ये इन्होंने जड़ें तो काट दी अपनी, जहां से ये क्या करते कि अंदर से जड़ों को खत्म कर देते, जड़ों को खत्म करके क्या करते हैं, सब कुछ को अपना अपना लेते हैं, और हिंदू जो है इनके बहकावे में आते हैं। पहली बात, जो हिंदू नहीं है, और जो सबसे बड़ी बात, हिंदू बन के एहसान नहीं कर रहे हो तुम,
तुम्हारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि सनातन तुम्हें इक्वल राइट देता है। ठीक है, तुम अपनी मर्जी से कोई सर्च करके उसके बारे में आया है, चलो कोई क्रिश्चियन बना उसके बाद हिंदू बना, मैं उसकी इज्जत कर रही हूँ। लेकिन जो आ रहा है कह रहा है अब मैं नाम चेंज कर दूंगा, अब मैं ये हो जाऊंगा, अब ये जाऊंगा, बहकावे में क्यों आ रहे हो? नहीं मैं सनातनी नहीं हूँ। अरे तुम सनातनी नहीं हो तो सनातनी के पैसे क्यों लेते हो? क्यों ले रहे हो तुम हमसे पैसे? हम क्या जाने तुम घर के अंदर मुझे ऐसा मतलब बीफ खा रहे हो तुम, मैं क्यों मानूं तुमको हमारे हो तुम? अरे जो सनातनी नहीं हो बीफ खा रहा होगा, मतलब कोई कोई बाइबल को कोट कर देता, बाइबल को कोट करके एक महिला है जो बैठी है किसी बड़े चैनल में जाके बोल रही है कि हाँ टेम्पल डिस्ट्रॉय नहीं होने चाहिए थे, लेकिन एक और वो लिख रही है प्राइवेट चैट में कि टेम्पल तो बनने नहीं चाहिए, टेम्पल तो डिस्ट्रॉय होने चाहिए क्योंकि टेम्पल तो हमारा बॉडी है। तो किसी ने लिखा उनको, अरे ये तो बाइबल का कोट है, तो जवाब नहीं दिया उन्होंने। मतलब वहां वो उसी टाइम पे, अभी जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ और यहाँ मैं लिखू नहीं नहीं हिंदू, हम सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, और यहाँ बोलू कि नहीं हम इक्वल है, तो ऐसे मैंने एक लेडी को पकड़ा है और उनके हिंदू इतने भक्त हाय हाय अपने नाम चेंज, आप ऐसे हो गए, आप ये हो गए, ये हिंदू हैं, ये सिर्फ इनके पैसे खाने के लिए लोग इनका उल्लू काट रहे, क्योंकि उनके वाइन के खर्चे, उनके शराब के खर्चे, जो ऑनलाइन में बैठ के शराब पीते हैं, मैं चाय पी रही हूँ यहाँ पर, वो ऑनलाइन में बैठ के अपने कैन में शराब डाल के पीते हैं, इनके इनके पैसों से पी रहे हूँ, इंजॉय ठीक है तुम करो, तुम ऐसे इंजॉय करवाओ। तो मेरी बातें इनको इसलिए बुरी लगती है क्योंकि आप ना ऐसा क्यों कर रही है जो एक्स मुस्लिम होते पोल खोल रहे हैं। अरे भैया एक बात बताओ, कुरान में क्या है? सेक्स, लड़की, गधा, घोड़ा, जो भी चीजें हैं सारी एक ही हैं, ठीक है ना? तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अब तुमने जान लिया तुम्हारा शत्रु है, तुम काफिर हो, बस इतना काफी है ना। बिहार से लेकिन कहाँ कहाँ तक तुम्हारी लड़कियां क्या क्या हो रहा है, इतनी चीजें तुमने जान ली, अब उसके बाद तुम्हें एक्स्ट्रा क्या जानना है? तुम अपने आप को बचाने का भागवत गीता का दूसरा अध्याय पढ़ो, जहां पर लिखा है कि जब भाई बेटा या बेटा माँ का के साथ दुस्साहस करने लगे या उसका निरादर करने लगे, तो उस वक्त अगर उसको भी मारना पड़े, उसके खिलाफ भी तलवार उठानी पड़े तो करो। अब ये लोग गले को करते हैं, श्री कृष्ण जी के हाथ में सुदर्शन रहता है, तो सबसे पहले तो हमने करा है वो, तो आप लोगों को अपनी देवी देवताओं को पहचानते रहो, अपनी शक्ति को पहचानते रहो, गांधी का दिया हुआ झुंझुना बजाए जा रहे हैं, तो वैष्णव भजन तो वैष्णव भजन तो यू हैव टू बी बंसाली लिखते हैं, नो मोर जी कहते हैं, संजय लीला बंसाली कहते हैं मुझको मैं दीवानी हो गई, हम पे ये किसने हरा रंग डाला। हाँ हरा रंग ही डाला जाता है उनपे, उनकी माँ पे, उनकी माँ पे भगवा चल गया था, उनकी माँ पे भगवा चल गया था, तो उनकी माँ हरा करने गई गई थी दूसरे चकले में जी। Oh my God, you have to be blunt, you don't have to please anyone। ये लोग कहते हैं, मैंने ऐसा सुनने में आया, मैंने कहीं से पढ़ा था कि ये करण जौहर वगैरह ये जो बॉलीवुड वाले हैं ये कह रहे हैं कि हम साउथ इंडिया जो साउथ मूवीज वाले हैं, साउथ बॉलीवुड नहीं मतलब क्या बोलते हैं साउथवुड वाले जो हैं मूवीज वाले, इनको भी हम बदल देंगे अपने रंग में ढाल देंगे। तो आप नहीं बदलने वाले, बात में कोई सच्चाई है? देखिए अभी मेरा एक पैन गिरेगा ना, मेरा एक पैन गिरेगा मैं उठा लूंगी, और कभी कभी अगर मैं बिजी हूं मेरी टाइट ड्रेस है तो मैं यूं देखूंगी तो वो उठा देगा, लेकिन इनके वहां क्या है, इनके वहां नीचे से लेके ऊपर तक का शोषण है। आपने सुना होगा कि रणबीर ने किसी को किस करा था अपनी मेकअप आर्टिस्ट को, यहाँ सोच भी नहीं सकते, और कैटरीना ने छोड़ दिया था। तो ये इनका कल्चर, इनका कल्चर अलग अलग है। साउथ में लोग पूजा करते हैं और खाते हैं, सब बैठ के सारे सब लोग एक साथ बैठ के खाते हैं। मैंने हाथ से आके खाना यहाँ सीखा, जो मैंने हाथ से आके खाना साउथ में सीखा ये चीजें। तो ये यहाँ पर बहुत सिंपल लोग हैं, इनको मतलब नहीं है, खूब पैसा है लोगों के पास लेकिन सिंपल रहते हैं और दिखावा नहीं है। साउथ में ऐसा कुछ नहीं है कि ये छोटा है ये बड़ा है, इस तरह की चीजें हमारे वहां नहीं है। तो ये इनकी सोच है, ये इनकी सोच, इन्हीं को मुबारक। अगर कोई लड़की धार्मिक मूवीज बनाते हैं, मैंने देखा है साउथ इंडियंस हमेशा धार्मिक मूवीज बनाते हैं। देखिए जब हमारा मुहूर्त होता है, जब हमारा मुहूर्त होता है, हिंदू संस्कृति को जो है प्रिजर्व्ड रखा है एक्चुअली देखा जाए तो, जब हमारा मुहूर्त होता है तो मुझसे कहते हैं प्राची गारू आप आइए नारियल फोड़िए, तो नारियल फोड़ते हैं, पूजा होती है, और जिस दिन मूवी खत्म, जिस दिन शूटिंग खत्म होती है, तो एक चीज मुझे वो पसंद नहीं आती, क्या वो बड़ा सा कद्दू लेके उसकी बलि देते हैं, वो कद्दू इधर उधर फेंक देते, तो मैं बोलती क्यों फेंकते हो यार ये सब्जी बर्बाद करते हो, गरीब करे मैडम नजर फुट्टू है, नजर फुट्टू है, तो ये सब करते हैं। हाँ लेकिन यह है कि धर्म को काफी हमारे वहां मैंने देखा कि साउथ में धर्म
को माना जाता है, ये चीज संस्कार है। और मैं पूजा करती हूँ कैमरे की ऐसे से लेकर, आपको मैं वीडियोस दिखाऊंगी ऐसे ऐसे करके पूजा करती हूँ, और फिर हम ऐसे छूते हैं कैमरे को, डायरेक्ट नहीं देखते। मैं कभी भी देखूंगी तो कैमरे को इधर देखूंगी, तो वो कैमरा जो है एक लड़का है, तो उसके चेयर में नहीं बैठते हम, तो उसको सम्मान दिया जाता है। एक कैमरामैन डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी नहीं, प्रोड्यूसर का काम है मूवी बनवाना, लेकिन कैमरामैन, कैमरा, प्रोड्यूस, डायरेक्टर, ये मेन चीज है, और एक मेकअप वाला भी, क्योंकि वो आपको दिखाता है। तो ये साउथ के कल्चर को क्या, इनको क्या है, तो हर लड़की को इनके वहाँ एक अलग अलग टाइप के चकले घर है। डाटा सेंटर में मेरे साथ कई सारे साउथ इंडियन आईटी वो भी थे, कंसल्टेंट थे, तो वो लोग क्या करते थे, साउथ इंडियन दिमाग, कंप्यूटर पे तिलक लगाते थे, कंप्यूटर की पूजा करते थे। तो उस समय मैं, मेरी बहुत साल पहले की बात है, तो मुझे लगता था मेरी आदत भी हो गई है, पर ये उसको भी वो करते थे, मतलब ये मेरी आदत भी हो गई है कि यहाँ पर अगर माता का चित्र रहता है, हाँ, ये माता का चित्र रहेगा, एक मिनट चला गया वो मेन उसमें आता है जब बंद होता है फोन, एक मिनट दिखाऊं अभी, ये सॉरी दूसरा आ रहा है, वो माता का चित्र रहता है, मैं यूं करती हूँ तो लोग सोचते क्या कर रही है, फिर मैं यूं करती हूँ, फिर मैं पूरे फोन में घुमाती हूँ ताकि गन्नू उसको आशीर्वाद दे दे, तो लोग सोचते, लोग पता है एयरपोर्ट में जब मेरी वो होता है ना सामान निकालते, तो मैं भागवत गीता निकालती हूँ जान मुझ के छोटी, ताकि लड़कियों को पता चले कि यार बूट्स पहने हैं, शॉर्ट्स या टी शर्ट्स पहने हैं, और ये लड़की के पास भागवत गीता है, तो वो जब नॉवल पढ़ती है, वो नॉवल वगैरह पढ़ रही होती, हाईटेक नॉवल पढ़ रही होती, सिडनी शेल्डन वगैरह का लव्स बियॉन्ड डिजायर, तो मैं गीता का श्लोक पढ़ती हूँ और उसके बाद हिंदी में उसको पढ़ती हूँ। अच्छा ठीक है, अभी ये याद, ये तो मैं इसमें ताली बजाऊंगी, आपने इतना एक एग्जांपल सेट किया है, मतलब कि ऐसा तो बहुत कम लोग करते हैं, ये क्योंकि हमें नहीं, मैं करती हूँ, प्रशंसनीय कार्य है ये जो आप कर रही है, इससे लड़कियों में ना ये चीज जो फैशन वाली, ये कि गीता जो है वो पुराने लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, हमारा फैशन गीता होना चाहिए, हमारी जड़ें हमारा फैशन होना चाहिए। ये रुद्राक्ष जो है ना, अभी मुझे नया यति बाबा देने वाले हैं, उनका दिया हुआ है, तो टूट फूट गया फिर भी पहनती हूँ, क्योंकि बिल्कुल विश्वास है मुझसे, कई बार बोलते हैं लोग उतार दो, तो मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है, मैं ऐसे से कहीं लपेट रख लेती हूँ, या फिर इनर गारमेंट्स में छुपा लेती हूँ, या फिर असिस्टेंट को बोलती हूँ यहाँ लेकर खड़ा रहना, किसी के हाथ में मत देना, या मेरे बैग में डालती हूँ उस टाइम के लिए, लेकिन जनरली मैं पहन लेती हूँ, मतलब मुझको फर्क नहीं पड़ता। मिस बेग कह रही है, और हम लोग सूरा यासीन फोंकते हैं और लाल मिर्च फहरा देते हैं। ये तो हिंदुओं का वो है, अब उसमें आपने सूरा लगा लिया बात अलग है, चिराग जले नजर भागे। मैं ट्रेडिशनल फैमिली, जी, मैं ट्रेडिशनल फैमिली से आती हूँ, तो मुझे पता है ट्रेडिशनल मतलब वेस्टर्न है, मतलब हम लोग वेस्टर्न नहीं है, हम लोग आज के जमाने से चलते हैं। जैसे मेरे पापा मुझे सारी चीजें पहनाते थे, और कोई ऐसा नहीं था मुझे लात मार के उठाएंगे, बोलेंगे जल जा, दूध के पैकेट लेकर आ, बजाज चेतक का स्कूटर देंगे, कि तुझे मैं बाइक दूंगा खरीद के, मुझे लड़कों जैसा बनाया था। तो आप जो बोल रही हैं, वहां मेरी, मैंने देखा है मेरी माँ ऐसे लगी जैसे पता नहीं मैं कितना बड़ा 6 फीट का लड़का बनने वाली हूँ, तो ऐसे कहेंगी चार मिर्चे डाल के, राई डाल के जलाएंगी, चिराग जले नजर भागे, मेरा बेटा अच्छा रहे चिराग, उसके बाद मुंह लेके उसके जमीन में बाहर फेंकाएंगी। तो ये मुझे भी, ये मुझे पता है कि एटलीस्ट उससे ये होता है कि अगर मान लो मुझे कोई सर्दी जुकाम हो रहा है, तो उसके जो गर्माहट होती है, मुझे स्मेल होती है, साइंटिफिकली मैं समझ सकती हूँ। और जो चिराग है, यानी कि जो अग्नि है, जो अग्नि मेरे और घूमी, तो मेरा एक वो बन गया ना ऑरा, वैसा गर्माहट वाला, जिससे क्या बोलते हैं वो, जैसे वो होता है यार सैनिटाइजर, तो मेरी बॉडी सैनिटाइज हो गई। तो ये मैं सब साइंटिफिकली देख सकती हूँ। तो आपने उसे सूरा पूरा जोड़ दिया, हम कहते काली माता नजर उतारो, तो आपने उसको सूरा बोल दिया। नहीं, ये वो उनका कमेंट था। नो मोर कह रहे हैं, कार्तिक आर्यन ने गाड़ी पे स्वास्तिक बनाया तो करण जौहर ने गुस्सा हुआ था, कुछ महीने पहले की खबर है। मुझे बड़ा डर लगता है कार्तिक के लिए, मुझे लगता है कि कहीं वो दूसरा सुशांत ना बने, इसलिए लोगों ने उसका सपोर्ट करा, मैंने मुहिम चलाई, लोगों ने सपोर्ट करा। सुशांत नहीं है, उसकी तो बहुत बैकिंग है, दाऊद की बैकिंग है, सारे मुसलमानों पे दाऊद की बैकिंग है। नहीं, कार्तिक आर्यन हिंदू है, उसको दूसरा सुशांत ना बनाए, मेरे को डर था, क्योंकि सारा जहाँ सारा अली खान से समझ गई, मैं तो आर्यन खान से मिक्स हो गई। नहीं, अरे आर्यन खान कहाँ, उसको तो वो उसकी नाक, भले ही उसकी नाक इधर को टेढ़ी हो, फिर भी उसको शाहरुख खान का बेटा है। मतलब एक बार बताओ, तुम्हें दोनों जने एक से क्यों देखने, वो डुप्लीकेट अपने बाप का, तुम्हें नया चेहरा नहीं देखना,
नया देखो ना, नया कुछ नया हो। अब सैफ अली का बेटा है वो नया नहीं लगता, कोई फ्रेश फेस नहीं लगता, वही लगता है कि उसका बाप जैसे जवानी में वैसे लगता है। हमें क्या देखना उसको, कोई ऐसे 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 लुक वाले को हमको क्या देखना, हमारे अगल बगल में देख लेंगे, उनको पैसे दे देंगे। महाकाल की दीवानी ओके, मतलब इसकी फैमिली मुझे बहुत फेवरेट है, इसकी फैमिली मेरे को बहुत फेवरेट है। आप भी अपना एक आराध्य को जो सेट कर लो, उनके पीछे पड़ जाओ, तो इससे बड़ी ताकत आएगी। जब कोई नहीं आपके साथ, आपको लगेगा, लोग बोलेंगे आप अकेले हो, आप कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि भगवान आपके साथ हैं। और दूसरा, पैरेलल वर्ल्ड चल रहा है, जैसे मैं बैठी हूँ अभी, तो ना जाने कितनी आत्माएं मेरे बगल में बैठी होंगी, क्योंकि वो ये कोई, ये जो भूमि है मेरे पिता की नहीं है, भले ही मैंने इसे खरीद लिया, सांसारिक जीवन में खरीद लिया है, बट आप मुझे बताइए, जब धरती बनी होगी तो क्या यहाँ पर प्लॉटिंग हुई होगी, क्या देश की बाउंड्रीज होंगी? आज हमें राक्षसों से बचने के लिए वो बाउंड्रीज करनी पड़ी है, लेकिन ये जो मैं मानती हूँ कि जितना हक मुझे मेरा है, उतना छिपकली का है, उतना सांप का। एक सांप मैंने कल देखा, तो मैंने उससे बोल रखा है, भैया तू मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, मैं तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगी, पर मैंने अंदर अपने डॉग्स को अंदर रख लिया, तो बस मैं, ये मेरे जो डॉग्स है मेरे बच्चे जैसे हैं, तो मैं इनसे जब बात करती हूँ, मैं बोलती चलो ब्लेसिंग लेनी है, तो वो ब्लेसिंग लेके जाते हैं मंदिर में, उनको पता है ब्लेसिंग लेनी है, फिर ये बाहर जाने देगी। उसके बाद मैं उनको देखती हूँ, तो वो आते हैं वापस मेरे कहने पर। और जब मैं, अगर मैं जिम विम कर रही हूँ, तो वापस वो कमरे में चले जाते हैं, उनको पता है कि हमारी माँ ने जिम कर लिया है, अब हमें अंदर कमरे में सो जाना है, कि यहाँ हमारा जो भी चलेगा, फैन एसी जो भी चलेगा, हम इसके साथ सोएंगे। तो जब मैं उठूंगी तो वो उठूंगी। बोल रहे हैं कि भगवद गीता को ही फैशन बना देना। यस यस, इट्स वेरी कूल। जब मैं अपनी बैग एक चीज कहती हूँ कि आप ये मत करो लड़कियों को, अरे आपने ये पहन लिया, आप डांस कर रहे हो, आप हिंदू नहीं हो, अरे ऐसे गमार बनोगे। मतलब वो जो गौर खान है, जो चड्डी पहनकर एक दिन जुम्मे की नमाज कर रही है, तो सारे मुसलमानों ने वाह 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 देखो जो भी है, वो कपड़े पहनने पड़ते हैं, लेकिन देखो जुम्मे की नमाज करी, उसे जिता दिया। लेकिन आपकी लड़की कपड़े पहन रही है, कोई मुसलमान से चक्कर नहीं कर रही है, अरे भाई मैं क्या करूँ, क्या मंदिर, मतलब मंदिर में हर वक्त घंटा थोड़ा बजाते रहूंगी, मुझे काम भी करना जरूरी है। मैं ये कह रही हूँ कि संन्यास ले लूँ और मंदिर में घंटा बजाऊँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मंदिर जाऊँ, मेरा मंदिर यहाँ पर है, मैं इसमें पूजा करती हूँ, जितनी मैं पूजा करती हूँ ना, इतना कोई मतलब सन्यासी भी नहीं करते होंगे जितना मैं मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरा जीवन अलग चलता है। तो मैं, मेरा सिर्फ इतना कसूर है कि मेरे को किसी दिन सुर चढ़ता है, अच्छा आज मुझे इंस्टाग्राम में जाके अपने भड़ास निकालनी है, अपने मन की एक्टिंग करनी है, तो उसमें मैं लाइट मूवमेंट्स देकर आती हूँ, डांस भी करती हूँ, मेरा मन करता है। और जब मैं कहीं घर से बाहर निकलती हूँ, तो मेरे बैग में भगवद गीता होती है और ये लड़का मेरे साथ जाता है। तो अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो होते रहे, क्योंकि मुझे तो किसी को प्रूफ नहीं करना, मैं जितना भगवान को मानती हूँ उतना तो भगवान को भी लगता होगा, साली घड़ी घड़ी याद करती है इस, तू बेटा छोड़ दे हमको, इतना भी मत कर तंग। तो मैंने दो दो श्लोक बना रखे, और मैं लड़कियों से ये कहती हूँ कि तुम्हारे बच्चे चाहे कहीं भी पढ़े, तुम इनको एक घंटा पुरोहित के पास भेजो जो गली का मंदिर हो, और सब लोग मिलके इनको पैसे दो, महीने की सैलरी में रख दो, और उससे अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी जोड़ो, अगर कोई आक्रमण करता है तो सब उसके साथ खड़े हो, वीडियो रील बनाना छोड़ के डंडे वंडे लेकर जाओ और लड़ो, तो कम से कम दो चार को पीट दोगे, गिरा दोगे जमीन पे, तो तीसरी बार हिम्मत नहीं करेंगे, उनको पता रहेगा कि तुम मरना ही है तो मार के मरो ना यार, क्या ऐसे कायरों की तरह मरते हैं, मतलब वो तो मारने आए, उनको तो पता ही है तुम्हें मारना है, उनको कोई बेल करा देगा, उनके फंड्स आ जाएंगे, तुम आखिर कर क्या रहे हो अपने लिए, ये देखो। तो अपने बच्चों को जब तुम दो दो घंटे, एक घंटा एटलीस्ट या आधा घंटा पंडित के पास रेगुलर भेज रहे हो, जैसे कुरान खाने के लिए या कुरान के लिए या उसके लिए कुरान के लिए रोज उनके वहां मौलवी आता है, और वो चाहे बड़ा लड़का भी उसको भी सिखाते हैं, तो तुम एक घंटा आधा घंटा एक 500 रुपए में या 1000 रुपए में पर मंथ का रख लो, और ऐसे कई लोग कर लो, कई लोग मिलके, तो बच्चे वहां जाए, जैसे गुरुकुल में होता है वैसे अंग्रेजी पढ़ के आ रहे हैं, मैथ्स पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन वहां पर जाके ये भी पढ़ें। तो ये चीज है, मुझे लगता है कि अब जो पैसे वाले हिंदू हैं उन्होंने हाईटेक गुरुकुल बनाने चाहिए, उसमें फंडिंग करनी चाहिए सबको, बजाय इसके की फीस ले, हिंदू अपना अपना योगदान दे, कि भैया तुमने एटलीस्ट 10,000 का तो देना ही है, तो 10,000 कोई बाहर रह रहा है उसके लिए $200 से भी कम है, इतनी इतनी ज़कात देते हैं, इतनी ज़कात देते हैं, तो हिंदू कुछ थोड़ा भी नहीं कर सकते यार। हिंदुओं के पास इतना पैसा है ना, मैं कह रही हूँ इतना पैसा है, एक अगर आप अमेरिकन से पूछो कि एक साथ $10,000 दिखाए तो नहीं दिखा पाएगा, मेरी काम करने वाली भी दिखा देगी, पैसा जमा करके रखते हैं वो, इनके पास कितने भी अमीर होंगे एक साथ कैश नहीं होगा, हमारे हिंदू भी निकाल देंगे,
तो इनको ये समझ में नहीं आता कि भैया तुम अगर ये पैसे को छाती में लेके बैठे रहोगे तो ये पैसा चला जाएगा, ये कहीं नहीं होगा। इनको ये इतना ज्यादा मतलब एक्स मुस्लिम्स के पीछे ऐसे दीवाने हैं, इतने दीवाने हैं, ये जो जो कन्वर्ट भी नहीं हो रहे या तो घर वापसी करें। भाई उनका मुसलमानों को सही है कि आप अगर कन्वर्ट नहीं होते तो हम कैसे यकीन करें। वो कन्वर्ट अगर आप हिंदू हो मुसलमान नहीं हो तो आप चाहे कितना भी चाट लो, लेकिन वो यकीन नहीं मानेंगे। रवीश कुमार को ही रिजेक्ट कर देते हैं, तो रवीश कुमार हो चाहे कुछ हो, है वो काफिरी, चाहे वो कितना कर ले। और रवीश कुमार ये तो हिंदू नाम रख रहे हैं ना। मुझे तो किसी ने ये भी बताया इंडस्ट्री में कि मैडम आप जिनको हिंदू समझती हैं वो हिंदू नामों से रह रहे हैं। आदित्य पंचोली का एग्जांपल दिया, इनकी फेक आईडी, आदित्य पंचोली का एग्जांपल दिया ना। आदित्य पंचोली ब्राह्मण बनता है, कहाँ है वो, कहाँ है? जरीना वहाब से शादी करके बैठा है और उसकी शक्ल देख लो आप। धीरे धीरे आयुष, वो कौन है, आयुष शर्मा जो सलमान का जीजा है, क्या है, आप उसकी शक्ल देखो, पूरी चेंज हो गई, सुन्नत के हिसाब से हो गई है। अब वो राइन, अब उसका करियर भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, वो जस्ट चीजें फ्लॉप हो जाए, उसको उन्होंने बिल्कुल अपने जैसा कर लिया। आपकी मेरी बातें खत्म नहीं होने वाली। हाँ, हम तो टॉपिक बहुत सारा मुंह पे हमने आज बात कर ली, मतलब पर मतलब कटिंग कर लीजिए, कटिंग कटिंग नहीं, क्योंकि जेनुइन लगी और बहुत आपके उच्च विचार हैं और ये जान के मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। आपने कई कार्य किए हैं, मैं तो आपके इतना बैकग्राउंड जानती भी नहीं थी, मतलब जी नहीं, मैंने केरला तक में काम करा हिंदुओं के लिए और वहां पर दूसरे लोगों को पसीने छूट रहे थे, लेकिन मैंने वहां टूटी फूटी, क्योंकि जो लोग थे, केरला में वैसे अंग्रेजी आती है लेकिन वहां पर जो लोग थे, जो साधु संत थे, उनको कुछ कुछ वर्ड्स आते थे और वो मलयालम में बात करते थे, तो मैंने थोड़ा हल्के फुल्के मलयालम वर्ड्स और टूटी फूटी इंग्लिश और मतलब ठीक ठाक बोल लेती हूँ, इतनी भी अच्छी अंग्रेजी नहीं लेकिन ठीक ठाक बोल लेती हूँ, इतना तो सभी बोलते हैं, लेकिन उनके साथ वो जैसा था, तो मैंने उनको बोला व्हेन यू हैव वुंड हियर वी हैव पेन इन डेंस नॉर्थ, हमें नॉर्थ में भी पेन होता है। तो बाद में मुझे लगा समझेगी नहीं, तो लास्ट में ताली बजाई, तो तालियां बजाई, तो मैं नीचे आई तो बुड्ढे बुड्ढे हिंदू थे संत, ऐसे हाथ पकड़ के डोंट गो बोल रहे, मुझे कह रहे हम फंड करेंगे, आप इलेक्शन लड़ोगी बोल रहे, मेरे को इतना बुरा लगा। मैंने कहा पावर होने से जरूर, आप अच्छे विचार रखती हो और आपका सियासी बैकग्राउंड तो दिमाग में आया ही नहीं, मतलब हमें हिंदू पार्टी के लोग चाहिए, ये बात आइडिया बुरा नहीं है, मतलब नहीं तो इनको तो मेरा इनको तो मैं महंगी पड़ जाऊंगी। मैं तो कहती हूँ इनको तो महंगी इनको मैं महंगी पड़ जाऊंगी, योगी जी की मैं आपको वोट दिलवाऊंगी बहुत सारे, इनको ना बहुत महंगी इनको बहुत महंगी पड़ूंगी, मैं दो योगी के बराबर हो जाऊंगी, क्योंकि योगी जी मेरी जगह से आते हैं, इनको पता नहीं हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते देश में, आपको लग रहा है मैं बड़ी फैशनेबल हूँ, ये हूँ, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, मैं इनको दिल्ली से खड़ी हो, लेकिन मतलब क्योंकि हमारे पास यूपी में तो योगी है ही, तो आप ऐसे स्टेट को ले लो जहाँ पर मतलब उत्तराखंड को भी जरूरत है, आपको पता है उत्तराखंड को भी जरूरत है, पर वो तो उत्तराखंड यूपी में ही आता है ना। नहीं, पहले यूपी में था, फिर माया मौसी ने, माया जी जो है उन्होंने कर दिया उसको बना दिया। देश के खंड खंड करते हैं उनके, देश के खंड खंड करना इतना बुरा लगता है, दो आदमियों को बनना होता है मुख्यमंत्री और देश के खंड करते हैं। खड़ी हो जाओ उत्तराखंड, मैं वोट दिलवाऊंगी, देखेंगे पहले तो अभी जनता का प्यार मिलना बाकी है, अभी तो देखेंगे। अरे इतनी गंदी पॉलिटिक्स है, आपको पता है, आपको पता है किसी पार्टी से नहीं खड़ी हो सकती हूँ मैं, आपको पता है किसी पार्टी से मैं नहीं खड़ी हो सकती, क्योंकि जो चीजें हो रही हैं वो शॉर्टकट मेरे लिए नहीं है। जब मैं फिल्मों में शॉर्टकट नहीं करा, सही अच्छी खासी शक्ल होते हुए भी, देखिए होना, अगर कभी करूंगी तो निर्दलीय करूंगी, लेकिन और वो भी जनता करेगी मेरे लिए, मैं खुद नहीं कर सकती, क्योंकि पापा सपोर्ट नहीं करेंगे और ये दूसरा जो पार्टी है, यहाँ पर जो चीजें होती है महिलाओं की, यति बाबा ने एक बार बोला था, बहुत हद तक सच था, तो मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि एक बार मुझे किसी बहुत बड़े व्यक्ति के मुख्य सचिव ने बुलाया और मैं जैसे बाहर निकली, जबकि मैं सूट वूट पूरा पहन के गई हूँ, तो मेरा हाथ टच हुआ चलते वक्त, तो मुझे लगा गलती से हुआ, फिर मैं आगे को गई तो मेरा गाल हल्का सा ऐसे यूं हुआ, तो मैंने यूं देखा तो बोला अरे नहीं गलती से हो गया। मैं जो बाहर निकली मैं कभी पलट के नहीं गई, और वो पार्टी का मुख्यालय था, तो मैं इसलिए मैं समझ गई भैया ये मेरे लिए नहीं है, तो फिल्मों से भी ज्यादा गंदा है, तो
मेरे को अगर करना है तो मैं निर्दलीय कर सकती हूँ, और या फिर एक काम कर सकती हूँ कि कोई किसी मिनिस्टर का लड़का उससे शादी वादी कर लूँ और फिर गरीबों के लिए काम करूँ, तब तो ठीक है। नहीं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मेरे लिए शॉर्टकट नहीं है। मैं कपड़े पहन सकती हूँ फिल्मों में, लेकिन मेरा दायरा है कि भैया ठीक है पोस्टर के लिए आपने खींच लिया फोटो, पोस्टर के लिए एक्टर भी है तो यूं करके मैंने मुंह बना के खींच लिया, ये जज कर लेंगे, हिंदू जज करेंगे क्योंकि देखो ये है तुम्हारी सनातनी। मैंने बोला भैया मैं डांस करने से सनात, मैंने ब्रेक डांस करा होगा थोड़ा सा, वो जो बॉलीवुड के बजाय ना आप ये कर लो, उत्तराखंड से खड़ी हो जाओ एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट और हम आपको सब वोट देंगे, मैं दिलवाऊंगी वोट आपको, खड़ी हो जाओ। थैंक यू, देखेंगे करते हैं क्योंकि बस देखो मेरा जरूरत है, और वो भी आप जैसी जिसके इतने उच्च विचार। देखो हमें 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 वो लोग चाहिए जिनको पैसा चाहिए नहीं, मतलब जो जरूरत है हमारे पास पार्टी का फंड, हमारे पास पार्टी का फंड है, हमारे पास एक सांसद निधि है। अगर हमें मुझे अगर कोई सड़क बनाने का मन है जो मेरे गांव में बनती है, मैं पूरी दुनिया की तो मालिक बन नहीं सकती। अगर मुझे उतने एरिया में ही मैं काम कर लूं, उतने एरिया में भी नहीं, गडकरी जी करेंगे, गडकरी क्यों करेगा, तेरे पैसे कहां, क्या 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 कर रहे तेरे पैसों का, तेरे पैसों का तू क्या कर रहा। अभी तक इतने बार हमारे उत्तराखंड में इतनी सरकारें आई, चेहरे वही रहे, कोई कांग्रेस में चला जाता कोई बीजेपी में चला, कोई वही कांग्रेस में वही बीजेपी में। अरे भैया तुम उन्हीं को, पब्लिक की गलती है कि वो अगर वो किसी पार्टी को लाइक करती तो बोलना चाहिए देखिए हम आपको बहुत लाइक करते हैं, हम नोटा भी नहीं दबाएंगे, हम ये कह रहे हैं कि ये कैंडिडेट ना खड़ा हो, क्योंकि जब इसे कांग्रेस में काम नहीं करा, इतने सालों से विधायक है ये काम नहीं करते, हमें हमारी आज भी रोड कच्ची गंदी है तो हमारे लिए क्या रहा है, क्या इसमें कोई ऐसा इंजीनियरिंग, क्योंकि हम पढ़े लिखे हमारा दिमाग चलता है भाई कि अगर कोई रोड में लैंडस्लाइड होती है तो आपको उसमें क्या करना है। अभी जो मैं जो बोलने जा रही हूँ ये अभी तक किसी ने नहीं बोला होगा, तो आप उसे नीचे से कम उसको 50-60 फीट आपको काम करना पड़ेगा, लोहे के डंडे लगा के वहां कंक्रीट भरना पड़ेगा क्योंकि वहां लैंडस्लाइड होती है। ये तो इनका इंजीनियर भी नहीं बताएगा इसको जो मैं बता रही हूँ, वहां पर लैंडस्लाइड होती है, अंग्रेजों की बनाई हुई आज तक वहां पर नहीं हो रही, लेकिन उन्होंने जब अंग्रेज गए तो उन्होंने ये कह के गए कि जब आप उत्तराखंड में घर बनाए तो हम घर हमारे लंदन के तर्ज पे होने चाहिए, वैसे लकड़ियों के घर, हल्के फुल्के घर, यहाँ पर कंक्रीट के घर बना रहे हैं। अगर कोई गुजरात से आके घर बनाए तो बाहरी व्यक्ति है अच्छा, और कोई शुएब भाई आके रामपुर से घर बनाए और पूरा खरीद ले वहां पर, तुम्हारे लोगों को पलायन करवा दे, हमारा जमीन नहीं जागता, भू कानून नहीं लाते, मतलब क्या हो गया है, सारा वहां मुसलमानों ने कब्जा कर लिया, लड़कियों को छोटी बच्चियों को गायब कर दे रहे हैं, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। आप ये बताइए क्या उत्तराखंड में आजकल ये अपनी छोटी लड़कियों को बहुत ज्यादा हिजाब पहना रहे हैं, इसका मतलब ये हिंदू बच्चियों पर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी जो हो सकता है बच्ची हिंदू की हो, आपको पता नहीं है। एक वहां पर एक डॉक्टर था उत्तराखंड में, मेरे पास आए थे पोखरिया जी, वीएचपी के थे, तो वो हमारे रणदीप पुखर्जा जी हैं वहाँ के मुख्य हैं वो, तो उन्होंने मेरे को बताया कि एक वहां पर एक पिथौरागढ़ वगैरह में एक ये था मुसलमान डॉक्टर था, इसने क्या करा गरीब हिंदुओं के प्रसव कराता था, गायनोकोलॉजिस्ट था, पहले तो ऐसे लोगों को गायनोकोलॉजिस्ट को एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए जो मुसलमान हो आदमी हो, तो उसने क्या करा, सुनिए मजे की बात सुनिए, हिंदू जो है वो ऐसा ही नहीं कि उत्तराखंड में हुआ है और जगह भी होता होगा, सुन लीजिए कान खोल के आप लोग, मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ, जो ये चीज मैं आपको बताऊंगी कोई नहीं बताएगा। उस बंदे ने जिसका एक लड़की हो गई है, अब दूसरी लड़की हो रही है, गरीब महिला, अरे क्या करेगी इसको, पाल कर किसी को दे दे, अच्छा भविष्य हो जाएगा, और 10-20 साल पाल लेंगे, तेरे को वापस दे देंगे कुछ बना के, ऐसा ऐसा बोल के उससे पेपर में साइन करा के बच्ची को पैदा होते ही गायब, रामपुर की मुरादाबाद की किसी फैमिली को दे दिया। अब क्या होगा, वो बच्ची को पाला जाएगा, उसका शौहर ही उससे निकाह करेगा या उसको धंधे में डाला जाएगा, जो आप एक वो कह रहे थे कि जो आप ये देखते हैं ना गुलफाम लड़की, कोई गुलफाम पकड़ी गई है, कोई सानिया पकड़ी गई है, ये जो धंधे की लड़कियां होती है, इन लड़कियों के जब आप आधार कार्ड चेक करेंगे तो ये लड़कियां हिंदुओं की होती है, कोई रीना कुमारी रही है, कोई रीना पांडे रही है, ये लड़कियां, हाँ यस जी, ये इंटरेस्टिंग न्यूज है आप लोगों के लिए। तो आप बताइए वो बच्चे का आधार कार्ड, वो पैदा हुआ उसका आधार कार्ड बन गया, सब कुछ बन गया, उसके बाद वो गोद लिया जा, वो मतलब खाली पेपर में ऐसे गोद लिया जा रहा है, क्योंकि पेपर तो नकली है बता नहीं सकता, अब वो फैमिली धंधा करवाती है, और ये नहीं है ये इनकी महिलाएं मिलके धंधा करवाती है, जो हिंदू लड़कियां बताती ना आके कि मेरा जब बलात्कार हुआ, इनकी महिलाएं मेरा जब, ये तो और भी ज्यादा कट्टर है इनसे भी, ये नाड़े खोलती है लड़कियों के, ये नाड़े खोलती है अपने बेटों से करवाती है, ऐसी कौन सी माएं होंगी बताइए आप जो उनका बेटे को करते हुए देखें, जो उस लड़की के साथ ये सब होते हुए देखें, एक महिला होके आप इनको सोचिए ना, जब लड़कियां हिंदू लड़कियां कहती है ना कि इसकी माँ ने मेरा ऐसा करवाया, लड़के कहते हैं हो ही नहीं सकता ये झूठ बोल रही है,
हिंदू लोग कहते क्यों गई थी, अरे भैया वो तो राहुल पता था। लेकिन लड़कियों को मैं ये बोलती हूँ, भैया जब तुम ये चैट करती हो एक ही बार में जो मर जाती हो, पहले उससे बोलो 12 बजे उसको कॉल करके बोलो बेबी जरा एक बार बैकग्राउंड दिखाओ ना तुम्हारी मम्मी कहाँ है। वो हो सकता है किसी हिंदू को पैसे देकर, क्योंकि हमारे हिंदू तो पैसों में बिक जाते हैं, हिंदू को पैसे देकर वो आंटी मैं बस हाँ मेरा बेटा है ऐसे बोल दे। हिंदू तो फ्री की चीजों पे मरते हैं, जमीर बेचते हैं। सुनिए सुनिए, अब वो लड़की को क्या करना चाहिए, ऑकवर्ड टाइम में फोन करके अपना कमरा दिखाओ ना प्लीज। कमरे में ऐसे कितने चिन्ह होते हैं, वो इतने गंदे होते हैं ना कि वो कमरे का कलर भी पीला कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, वो आपके उसके पूरे घर वाले मिल जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो पकड़े जाते हैं उनकी जब लिखने का जो लिखावट होती है, मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगी समझ के, नहीं तो बहुत सारे जो वो हैं वो विधर्मी जो है सतर्क हो जाएंगे। मेरे पास ऐसा ये खोपड़ा चलता है, मैंने एक दिन किसी से कहा मैं यार पाकिस्तानी, तो बोलता है नो नो आई एम फ्रॉम इंडिया रामपुर। मैंने कहा नो 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 यार पाकिस्तानी, मैंने कहा चाहे कितना एक्टिंग करो या पाकिस्तानी हो तुम। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो पाकिस्तानी निकला, उसके 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 लिखने की एक लाइन से ही कुछ कैसे पता चलता है लिखने की उसके कुछ वर्ड्स जो होते हैं जो लिखते हैं, जो हम जैसे स्पेलिंग लिखते हैं उनकी कुछ स्पेलिंग्स अलग होती हैं। और दूसरी चीज इंडिया में भी कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं। सोच लिया आपके साथ क्या क्या करूं, मुझे तो बहुत कुछ सीखना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है आपसे। एक तो ये लोगों का पता करना कि वो कैसा है, उसका मतलब असली चरित्र क्या है उसका असली। वाह ऐसा है, मुझे बृहस्पति भगवान की कथा, मुझे बृहस्पति भगवान की कथा मुंह जबानी याद है, मैं बृहस्पति की कथा भी कर सकती हूँ मुंह जबानी। तो इसलिए जब आप भगवान इलेक्शन में खड़े हो जाओ बस, ये आपका मिशन, ये आपकी कॉलिंग है, ये ना जो जीवन में कॉलिंग होती है ना, ये आपकी कॉलिंग है, ये समझ लो। अगर आपको इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, तो उसमें आपकी जैसी चाहिए हमें वीरांगनाएं जो उच्च विचार रखती हो, ऐसे लोगों की जरूरत है। इनको इनको आदमियों से भारी पड़ूंगी मैं, इनको जो योगी जी का देख रहे हैं मैं ये मैं बता दी, ये इतना पछताएंगे। टैलेंट मत वेस्ट करो प्लीज, ये जो ना साउथ इंडियन मूवीज या बॉलीवुड इनमें अपना टैलेंट मत वेस्ट करो, राष्ट्र को जरूरत है उसका इस्तेमाल उसमें करो। मैं तो सच में कह रही हूँ, मैंने आपका टैलेंट पहचान लिया अभी, आप तो वो इलेक्शन मटेरियल हो, सही में कह रही हूँ। देखते अब कुछ तो मेरा बस ये है कि सीरियसली सोचो, देखिए मैं सत्ता और से है जो इनको हेल्प कर सकता है जो उत्तराखंड में हो और इनकी पार्टी बनवाए, कोई ऐसा हो तो प्लीज मुझे कांटेक्ट करें। देखिए मैं सत्ता की तो भूखी नहीं हूँ, बस मुझे ये है कि कुछ काम अगर भारत में करना है तो पावर होनी जरूरी होती है। पावर अगर नहीं है आपके पास तो कितना भी आप करना चाहो आप नहीं कर सकते हो, ये बस है। राघव झा जी आपने 40 रुपए जो भेजे हैं उसके लिए धन्यवाद। ओहुद गजवा में खुद नबी ने की और अलतकिया, हाँ तो अलतकिया तो ये करते ही है, अलतकिया करना ये सब करना ये इनका है। ये तो खैर हम करेंगे आपके लिए फंडिंग और हेल्प करेंगे, और राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को आपकी जरूरत है तो ये आप करिए, मैं तो यही कहूंगी। मेरा दिमाग जो है इसमें चलना शुरू हो गया है, आप इलेक्शन में खड़े हो किसी तरह, आपके बस मेरा ये सपना है कि हिंदू इतना पहचाने कि अगर आपके, मैं जो मैसेज दे रही हूँ ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके दो बड़े बच्चे हैं तो आप दो और बच्चे गोद लेकर लाइए, वो बच्चे आपको एक तो युवा बनाएंगे और दूसरा वो बच्चों को आप पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो कम से कम जो आपके जमीन जायदाद है ना, जो बच्चे अमेरिका चले गए जो जमीन में खेत नहीं जोत सकते वो उसमें जोतेंगे। और आपको ये भी बता दूं 5 बच्चे 20,000 रुपए साल में सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ सकते हैं, तो आप उन्हें 20,000 रुपए क्या है आप साल का, आप ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़वा दीजिए और ये बोलिए कि हमारे हमारे कम्युनिटी के बच्चे होने चाहिए, हमारे ही हिंदू होने चाहिए, उन बच्चों को आप पढ़ा दीजिए, उनमें संस्कार होंगे और उनमें वो बात होगी जो देश के लिए आगे। गुरुकुल है कितने सारे, सरस्वती शिशु मंदिर भी वही है, संघ संचालित है, मैं स्वयं सेविका हूँ आपको पता ही होगा, मैं स्वयं सेविका भी हूँ, मैंने वर्ग करा हुआ है और
लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मैं वर्क कर लूंगी, लेकिन जब दरी, एक दिन तो 5 स्टार में सो रही थी, दूसरे दिन सरकारी स्कूल की दरी में, गंदी सी दरी में सोई तो मच्छर काटने लग गए, मैं बीमार पड़ गई। लोगों ने कहा अरे जो लड़कियां थी हीरोइन है, इसका तो फूड पॉइजनिंग होगी, चले जाएगी। मैंने कहा बेटा हार नहीं मानूंगी, बस उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि दीदी जी मैं सब कुछ खा पी लूंगी, बस ये है कि थोड़ा सा मुझे पानी चेंज कर दीजिए। पानी मेरे लिए 5 लीटर, एक महिला थी वहीं की जो दीदी थी, वहां दीदी बोलते सबको बड़े बूढ़े जो है, तो जबकि वहां मेरे को रिश्तेदार भी थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम आके बड़ी दीदियों के साथ, बड़ी दीदी मतलब जो बड़ी होती है महिलाएं, उनके साथ आकर कूलर में एसी में सो जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं जब सब एक साथ सो रहे तो जमीन में ही सोएंगे। तो मुझे मुझे इतना हैरानी हुई अपने आप को चैलेंज देकर, मैं 10 बजे उठने वाली, मतलब वैसे शूट में तो 5 बजे भी उठ जाते हैं लेकिन मैं थोड़ा लेट सोती हूँ। वहां पर सीटी बजती थी मिलिट्री की तरह, और मैं उसके बाद बिल्कुल बिल्कुल, तो अगर मैं तो वहां पर मैं सीटी से उठती थी सुबह सुबह 1 2 3 4 और लठ और ध्वज प्रणाम, तो मेरे को कुछ नया अनुभव हुआ और मेरे चैलेंज था। तो कुछ चलाना सीखा है आपने? हाँ हाँ, यस यस यस, इक्विवेलेंट टू ब्लैक बेल्ट कुंफू। वाह वाह, पापा ने बिल्कुल लड़कों की तरह पाला है ना, तो ये तो कुछ 12 साल तक तो पता है। पापा है क्या? जी 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 जी, वो आपके हैं? पापा ही हैं, पापा ही हैं, पापा ही हैं, मम्मी नहीं है। तो इलेक्शन में हेल्प करेंगे आपके खड़े होने के लिए? पापा कहते हैं, पापा कहते जो तू कर रही है ये बहुत गलत है, कहते हैं पापा, कहते बेटा तेरा दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग। निकल जाओ मूवी से, मैं कह रही हूँ इलेक्शन में अपने पापा से पूछो। मूवी मूवी देखिए, मूवी मूवी देखिए कैसा है ना, देखिए एक बात बताती हूँ, जैसे हेमा मालिनी है वो मूवीज कर रही है लेकिन उनका प्रोफेशन है, मेरा शौक है। अगर अगर मूवीज में अगर हमारे पास सही फंडिंग होती तो मैं कह रही हूँ 30-40 लाख में मैं बंदे को 2 करोड़ कमा के दे दूं। लेकिन क्या है कि वो इतनी बेकार, जैसे अभी एक मूवी आई, मैं साफ साफ बोलूं कन्वर्जन, उस मूवी को ये लोग इतना अच्छा बना सकते थे लेकिन उस मूवी में ला 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 सॉन्ग डाल दिए। अरे भाई तुम एक लव जिहाद के ऊपर मूवी बना रहे हो, जनता को कनेक्ट होनी चाहिए, उसमें तुम एक एक्ट्रेस रख रहे हो जो 12 साल, वो एक्ट्रेस 12 साल से काम कर रही है, उसमें आपको चाहिए था कि आप अगर किसी एक्सपीरियंस को भी रख रहे हैं, हम भी काम कर सकते थे, लेकिन उसमें आपको चाहिए था जैसे कश्मीर फाइल्स आपने डॉक्यूमेंट्री लेवल की बनाई, उसको आप बनाते डॉक्यूमेंट्री लेवल में, आपने उसमें किरदार जो थे सही नहीं करे, मुझे उसमें एक्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। दूसरा, किसी भी फिल्म को आप मुद्दे पे बना रहे हैं तो वो होनी चाहिए ऐसे तथ्यों पर, और दूसरा उसका पिक्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें वॉइस मॉड्यूलेशन, आपको हम चाहते हैं, ये कोई कॉमर्शियल मूवी थोड़ी ना है, नॉर्मल बात करी ना, आपको मैं चाहते, आपको मैं प्रेम, आपको मैं प्यार करती हूँ, इस तरह से तुमको मैं प्यार करती हूँ जैसे नॉर्मल होता है, तुमको मैं प्यार करती हूँ, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, अब यही कॉमर्शियल मूवी होगी तो आपको मैं चाहती हूँ, आपने मुझे धोखा दिया, ये अलग हो जाता है। तो आपने जब मूवी बनाई है तो आप ऐसी बनाओ जो रियलिस्टिक लगे और जिसमें गाने ना हो, क्योंकि आप बताइए आप अपने पति से या अपने घर में किसी से भी बात करेंगी तो आप क्या गाना गा के बात करेंगी, ला 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 ऐसे करेंगी, तो वो जनता को कनेक्ट कैसे होगा? हाँ मतलब ये लोग और बेहतर कोशिश नहीं करते, अरे सब पैसा खाने के लिए क्या करते हैं कि रिलीज नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, और क्यों नहीं होती? मैंने बोला क्यों नहीं हो रही रिलीज भैया, मैंने बोला ये इंडिया में जो टीम होगी इसमें से ही लोग गड़बड़ कर रहे होंगे, उस वो बेचारे जो वहां बाहर बैठे होंगे पैसा लगा रहे होंगे उनसे बोलेंगे तुम और पैसा लाओ, तुम और पैसा लाओ। इवन निकिता ने भी मुझे एक बात बताई, निकिता जो लड़की थी, निकिता सैनी, उसने कहा मैडम मुझे किसी समाज सेविका, सो कॉल्ड समाज सेविका का फोन आया, वो अपना मुझे किसी पार्टी का बता रही थी, मैंने कहा पार्टी की वो नहीं है और ना वो कुछ स्वयं सेविका है, वो झूठ बोल रही है। तो उसने मुझे कहा कि मुझे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी तो और तुम अपनी FIR मुझे दो। तो मैंने कहा कि मैडम आप हेल्प कर रही हैं ठीक है, लेकिन मैं ऐसे कोई बेइज्जती थोड़ी ना FIR करी, नहीं हमें जरूरत है, हमें प्रूफ दिखाना है कि कोई लव जिहाद का केस है। मैंने कहा सेंसर बोर्ड में केस, तब मुझे, और थोड़ी देर के बाद उसने फिर फोन करा, इसको गालियां दी कि तुम जैसी औरतें क्या बोलते धंधा करती हो, तुम लोग FIR बेचने का धंधा करती हो, एक तो औरत ने वैसी मानसिक कष्ट झेले हैं आप उसे ऐसे बोल रहे हो। तब मुझे कहानी पता चली, मैंने अंदाज लगाया, जो मेरे पापा का वकील वाला ब्रेन है उसने पहले वहां के जो फॉरेन से फंडिंग हो रही है उन लोगों को लाइन पे रखा होगा, निकिता से बात कराई होगी कि देखो निकिता को पैसे देने हैं,
और जैसे उसने फोन रखा होगा तो दोबारा कॉल करके तू पैसे मांगती है, तू ये करती है, तो उसने कहा मैडम मैंने कब मांगे, आपने ऑफर करे, समझे? ये है, इसलिए कहते हैं ना कि आप किसी ना इतना बुरा मत करो। एक तो निकिता वैसे ही सताई हुई हालात की, आप उसके साथ और वो कर रहे हो, मतलब और आपने अपनी पब्लिक इमेज बनाई हुई है कि आप नाटक करते हो, और सबको मालूम है आप नाटक कर रहे हो, क्योंकि ये खरीदे हुए लाइक, खरीदे हुए ये, पार्टी भी जानती है सारी चीजें। मैं लोगों को जानती हूँ बहुत अच्छे से, इसलिए मुझे पहले दिन से ही कुछ औरतें पसंद नहीं थी, कुछ महिलाएं, और मैं अब कहती हूँ कि भगवान ने मुझे एक शक्ति दी है कि मैं कहती हूँ अगर ये महिला अच्छी नहीं लगती तो मुझे नहीं लगती। लोग कहेंगे आप चिड़ रहे हो, मैं बोली किस लिए चिड़ूंगी भैया, इतनी बड़ी औरत जो मुझसे इतनी बड़ी है उससे मैं क्यों चिड़ूंगी। लेकिन चरित्र, चरित्र एक ऐसी चीज है, चरित्र इज नॉट समथिंग कि कोई किसी से चक्कर चला रहा है, चरित्र मतलब कौन किसके बारे में क्या सोचता है, कैसी भावनाएं हैं, वो चरित्र होता है। चरित्र का मतलब ये नहीं है व्यापक तौर पे आप देखिए कि किसी से चक्कर है, चार जनों से चक्कर है तो चरित्र खराब है, नहीं, चरित्र आप व्यापक तौर पर देखिए किसके मन में कैसी कुंठा है, कौन क्या सोचता है। अगर आप सच बोलते हैं अरे तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम चिढ़ती हो, ईगो है, भैया छोड़ो ना, मुझे क्या करना है, ना मुझे कुछ पाना ना खोना है, मेरे पास ये है, इसको मुझे खिला, इसको लगता है मैं इसकी हूं तो मुझे खिला देगा, इसको लगता है कि मुझे भूखा रहना चाहिए तो ठीक है, मेरे कोई बुरे कर्म करेंगे सजा मिलेगी, जब मैं चलती हूं मुझे ठोकर लगती है तो मैं याद करती हूं किसी की मैंने बुराई करी क्या, छोटी मोटी सजा उसी वक्त भगवान दे देता है। जैसे आप चलेंगी ना तो आपको ठोकर लगेगी, तो छोटी सजा भगवान पनिशमेंट देता है, मैं याद करती हूँ कि मैंने आज किसी की बुराई करी मुझे पनिशमेंट मिला। मैं क्या कहती हूँ, तो अपना कर्म अपना ही हो जाता है। लोग कहते हैं आलू जो है ना वो चरित्रहीन है, क्योंकि आलू बैंगन के साथ भी जाता है और आलू शिमला मिर्च के साथ भी जाता है और आलू गोभी के साथ भी जाता है। ये तो लोगों की अगर उसी को अलग ढंग से देखें तो आलू कितना देने वाला है, मतलब वो कितना पवित्र है। आलू मेरा फेवरेट भी है, अगर मैं कभी मतलब वैसे मैं कच्चा खाना खाती हूँ लेकिन अगर कभी पका हुआ खाऊं तो हर चीज में आलू चाहिए, वो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ एक चीज है समोसा, वो बहुत पसंद है लेकिन वो सलाद डाइटिंग की वजह से नहीं खा सकती, कभी कभी खाती हूँ। और तो इसलिए आलू को ये बोलना इट्स नॉट गुड, बिकॉज है तो भोजन, हमारा पेट भर रहा है और उससे हमें मतलब जो भी है, जो भी है, एक टाइम पे तो गरीबों का एक मनपसंद, चाहे गरीब हो या अमीर, वो पेट भरता है। अगर आप एक बॉइल्ड आलू भी खा लीजिए आपका पेट भरेगा। राघव झा जी धन्यवाद, 40 रुपए का दिया है कंट्रीब्यूशन, और अपोस्टेट इमाम के साथ किताब अल जहाद पे सेशन। अपोस्टेट इमाम अच्छा है, वो अच्छा बात करते हैं, उसको बहुत सारे जो है वो, उसको बहुत ज्ञानी है वो, उनको बहुत सारे हाँ। जो है आए थे और मैंने उससे बात करी तो कहता है कि पहली बार ऐसा लग रहा है कोई लेडी मैं हूँ कह रहा है, कोई लेडी को मैं अपने में देख रहा हूँ। तो मेरी बहुत बात हुई इससे, बहुत ज्यादा बात हुई, एक ही बार हुई मुझे याद आ रहा है, एक ही बार हुई लेकिन अच्छी बात हुई उससे मेरी। अच्छा लड़का है, बुरा नहीं है, और वो मुझे वाकई में लगा, वो जैसे मैं चेक करती हूँ ना वो वाकई में मुझे लगा। वो जाकिर नायक का चेला था और उसका काम था लोगों को फंसा के और हिंद मतलब इस्लाम में लाना। नहीं तो वाकई में वो ही करता था, पर धीरे धीरे जब बहुत सारी ये लोग ना सबको सारी किताबें नहीं रिवील करते, तो मौलवी लोग झूठी कहानियां सुना देते हैं, कभी किताबें हर अरबी में तो वो लोग नहीं समझते हैं, तो खाली जो मौलवी सिखा देते हैं बचपन से झूठी कहानियां मोहम्मद की, रहमत की और ये वो, तो वो ये लोग याद कर लेते हैं, पर जब ये बड़े हो जाते हैं तब इनको जो है अगर ये इस लाइन में जाना चाहते हैं मौलवी इमाम बनने की, तब इनको रियल बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, तब ये उसका समझते हैं सार। जब ये उनको पढ़ते हैं तो कुछ लोग जो हैं वो तब तक इतने वो हो चुके होते हैं कि वो नहीं छोड़ते इस्लाम, लेकिन कुछ लोगों को वो असलियत पता चल जाती है तो वो छोड़ देते हैं। बिल्कुल 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 ऐसा ही है। आज आपकी मेरी बहुत अच्छी और लंबी बात हुई है, और प्लीज मैं दर्शकों से फिर से बोलना चाहूंगी, आप प्रीति निगम को तो सपोर्ट कर ही रहे, प्रीति जी को आप मुझे भी अपना सहयोग दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा राष्ट्र धर्म को, और याद रखिएगा क्योंकि मैंने ये कहा है कि मैं अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं कुछ काम करने की, लेकिन आपका दिया हुआ कुछ भी सहयोग कभी वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि अभी मुझे हर्ष रावत जी पूछे तो मैं दिखा सकती हूँ कि मैंने आपके आपके पैसों से ये लिया है ऑफिस का सामान लिया है। मुझे अब रजिस्ट्रेशन करवाना है एक ऐसे संगठन का जो मैं बाद में मतलब यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ, बाद में आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जब मेरा आप राष्ट्र धर्म ज्वाइन करेंगे तो टेलीग्राम का वहां पर वो होगा टेलीग्राम का लिंक होगा, तो मेरे ग्रुप में आप आ जाइएगा
और मेरे YouTube को भी ज्वाइन करिएगा, मैं आपको अपनी प्लानिंग बताऊंगी क्योंकि वो बड़ी जरूरत है, क्योंकि बहुत पत्थर खा लिया आप लोगों ने, अब वो थोड़ा कम करने की जरूरत है। थोड़ा ये है ना, पत्थर खा के थोड़ा अपनी खुद मतलब पत्थर आ रहे हैं, तो पत्थर तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो थोड़ा सा तुमको इंटेलिजेंट बनाने के लिए करना है काम। राघव झा जी ने फिर 40 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया। जिहादी सैफ वाली आयत नंबर 9:5 का हवाला देता है। हाँ, 9:5 वही है कि मुशरिकों को जहाँ पाओ मार डालो, मतलब काफिरों को जहाँ भी पाओ मार डालो, वाजिबुल कत्ल, वाजिबुल कत्ल, वाजिबुल कत्ल। तो हाँ, तो आपको जो है प्राची जी, मैं आपको फिर से बुलाऊंगी क्योंकि आप तो बहुत ही मजा लगा देती हैं और आपको बहुत ज्यादा डाइवर्स टॉपिक्स पे बहुत सारा इंटरेस्ट भी है। और अब मैं क्या करूँ ना, मैं देखिए मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ, एमबीए भी हूँ, यहाँ आने के बाद एमबीए भी करा है, और न्यूजीलैंड में मेरा नर्सिंग में भी सिलेक्शन हो गया था। अब मैं कोई एक्स मुस्लिम तो हूँ नहीं जो अपने नाम बदल के मैं ओहो मैं यहाँ हो गई, मैं वो हो गई, और दूसरा फिर मैं सनातनी भी नहीं हूँ, तो ऐसा तो है नहीं, मैं तो सनातनी हूँ। और दूसरा मैं हिंदुओं के लिए जो कर पाऊंगी वो कोई और करेगा नहीं, ठीक है ना, वो और इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मैं दिल से मानती हूँ चीजें। या बिल्कुल बिल्कुल फायर नहीं, वो अग्नि, हम सब आपके पीछे खड़े हैं, आप इलेक्शन में खड़े। हाँ, तो बस मैं ये कहती हूँ कि अपने और परायों को पहचानो, नाटक जरा कम देखो, और एक रुपया भी किसी हिंदू का कहीं जाता है ना जो तुम्हारे धर्म में नहीं है और तुम्हें झूठ बोल रहा है, अगर किसी को घर वापसी करनी है तो उसको देखिए, अगर मैं कहूँ मैंने घर वापसी कर ली और मैं मुस्लिम बाप के साथ रह रही हूँ, क्या ये पॉसिबल है? ये झूठ है। घर में मेरे बीफ बनेगा, सब कुछ बनेगा, मैं खाऊंगी, ये झूठ है। अगर जैसे 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 मुसलमान क्या कहते हैं, एक अतुल अग्रवाल था लड़का, उसको वो बोलता नहीं था, मुखबिर था, अभी का केस कुछ 2-4 महीने पहले का टीवी में आया था, जी टीवी वालों ने दिखाया था, मुखबिर बच्चों को कन्वर्ट करा था, उससे बोला था कि अपने माँ बाप का इस्तेमाल करो इन काफिर माँ बापों का, जब पढ़ लिख जाओ तो वहां से भाग जाना। तो लड़का भाग गया वहां से, उसकी शादी भी करा दी गई, अभी वो सबको धर्म का प्रचार कर रहा है, ऐसा करके करता है प्रचार, ठीक है, मैं मजाक नहीं उड़ा रही मुखबिर का, वो बता रही हुआ ऐसे साइन लैंग्वेज में करता है, यूं यूं करके करता है। तो आप याद रखिए, अगर आप सनातनी बने हैं तो आपको सब कुछ छोड़कर आना पड़ेगा, क्योंकि सनातन के लिए आपको बलिदान देना पड़ेगा, लेकिन आप बलिदान नहीं देते और उन्हीं 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 के साथ रहते हैं जो मुसलमान हैं, तो आप झूठ बोल रहे हैं, और ऐसे झूठ को पहचानो। मैं कुछ लोगों को, जब मैं कुछ लोगों से बात करती हूँ तो जनता वाह 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 करती है, अरे वाह 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 बाद में करो, तुम ये देखो वो जो शब्द बोल रहे हैं उसमें उनकी चोरी पकड़ी गई है, जो इतनी बकवास कर रहे थे उन्होंने अपने आपको एक्सपोज कर दिया, और ये इतने मूर्ख की पहचानते भी नहीं, वो साफ साफ इंसान कह रहा है कि मैं नहीं मानता, मैं हुई नहीं, उसके बाद में उनसे पैसा भी ले रहा है। बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स हैं जो कि सनातन के ऊपर भी गंदा गंदा बोलते हैं अपने चैनल में, न केवल इस्लाम के ऊपर। तीन टाइप के हैं, तीन चार टाइप के हैं। एक तो जो असली में बन गए, एक तो जो असली में सनातनी बन गए, सनातन के लिए कार्य करने में ऐसे लोगों भी जानती हूँ, अच्छे भी हैं, ठीक है। एक है नाटक, सनातनी हो गई है, और जय देवी बिल्कुल सच मैं बता रही हूँ, जय देवी बिल्कुल मैं बता रही हूँ आपको, सनातनी है हो गई है, नहीं नहीं अमीना सनातनी नहीं है, नहीं है सनातनी, नहीं है सनातनी, उस नहीं है सनातनी, आप गलत, नहीं नहीं नाम रखने से क्या है, नाम राम रखने से क्या है, उसने कहा कि मैं सनातनी नहीं हूँ, वो सनातनी नहीं है, घर वापसी नहीं हुई है उनकी, बिल्कुल नहीं, ये बात झूठ है। नहीं, कालीदासी जी, यस कालीदासी, वो कालीदासी इज प्योर, कालीदासी इज प्योर, मैं आपको आई एम टेलिंग यू शी इज गुड। ये जय देवी और ये जो जय देवी और कालीदासी जो हैं, ये मेरे को अभी तक बहुत प्योर लगी, कुछ लोगों के बारे में मेरे को कुछ गलत फहमी है वो मिट गई मेरी, लेकिन लेकिन ये है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो सनातनी है, पूजा परवीन जी, वो भी है, जी 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 वो भी है, जी वो भी है, वो भी है, वो भी है। और यहाँ पर देखिए जैसे अमित तलवार है, एक अमित तिवारी करके है, वो बैठा रहता है एक्स मुस्लिम चैनल पे और हिंदुओं की बुराइयां होती है तो उसमें सपोर्ट करता है। नहीं नहीं देखिए देखिए आप नाम पे मत जाइए, नाम देखिए, इस्लाम ये होता ना, ये एक नया तरीका है, आप लोग को पता ही नहीं, आप लोग बाहर रहते हो, मन से इस्लाम बाहर से हिंदू नाम, मन से इस्लाम बाहर से हिंदू नाम, पढ़ेंगे हम नमाज, नाम हमारा प्राची अधिकारी रहेगा, ठीक है, ये होगा। शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कंगना जी पे
पे क्या आप कहती हैं? कंगना रावत तो बहुत राष्ट्रभक्त की पिक्चरें कर रही थी, अब आजकल वो कुछ ट्रोल हो रही हैं किसी चीजों में। देखिए मैं ये मानती हूँ कि कंगना पे मेरे, देखिए मैं ये मान, देखिए एक बात है, मैं तो ये मानती हूँ कि मैं कभी किसी की अंधभक्त नहीं हूँ, ठीक है। अगर कोई चीज गलत होगी तो मैं उसका विरोध करूंगी, लेकिन कभी कभी ये होता है खून के घूंट पी के रहना पड़ता है, क्योंकि क्योंकि हमारा बंदा है तो हम विरोध, देखिए क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसे माहौल में है, अब उनका शोषण जो हुआ है, पर उस शोषण को मैं एक चीज मानती हूँ कि वो अगर कहती है कि मैं शूटिंग पे जाती थी और ये आदित्य पंचोली ऐसा करता तो भाग भी सकती थी, छोड़ भी सकती थी सब कुछ, वापस घर भी जा सकती थी, चलो कोई बात नहीं। फिर कुछ बातें जो हो गई उसके बारे में बोलना कि मेरे साथ कार में ये हुआ था, अब यार तुम्हारी प्रतिष्ठा इतनी है, जो हो गया मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन तुम अब कुछ बनकर उनकी ऐसी तैसी कर दो ना, वहां उनका भांडा जो फोड़ना है वो तुम सीक्रेटिव एजेंसीज को बताओ, जो एजेंसी है उनको बताओ और काम करवा दो, लेकिन अब तुम सब कुछ पब्लिकली बोलोगी और तुम्हारी तुम्हारी इज्जत क्या, तुम्हारे पेरेंट्स की इज्जत खराब होगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बातें या तो उसी समय निर्णय लिया जाए, लेकिन कुछ वक्त बाद आई थिंक नॉट गुड, और से अच्छा नहीं होता, और इसलिए पार्टी भी दूरी बना लेती है, बैकिंग करती है लेकिन पार्टी भी दूरी बना लेती है। और उसके बाद आप जिनका खाते हो उनके बारे में बोलते हो, ये भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि मुझे महेश भट्ट की, महेश ये सॉरी क्या नाम है, अनुपम खेर की एक बात बहुत अच्छी लगी, उसने कहा मैं जानता जरूर हूँ पर मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैंने महेश भट्ट साहब का नमक खाया, तो वो भी एक टिपिकल पाइसन, क्योंकि हम लोग लॉयल डॉग्स जैसे होते हैं ना, 7 नंबर है वो भी 7 मार्च, तो आप देखिए मुझे बहुत मुझे बुरा लगा, महेश भट्ट तो 1 नंबर का बुरा आदमी है, उसने बहुत सारे बुरे, हाँ बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है, अरे सारे सुनिए सुनिए सुनिए, सारे जो काम हुए उसके कहने का आप मतलब समझिए अब इसका, कि पहला ब्रेक उसने दिया था, कह रहा मैं जानता सब हूं लेकिन मैंने महेश भट्ट का नमक खाया इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन ये थोड़ी ना कि वो पब्लिकली नहीं बोल रहा, बाहर तो उसने सारी बातें बताई होंगी ना। और देखिए महेश भट्ट का देखिए करियर, देखिए इसने कितना कितना चलाक आदमी है, कौन थी वो जो मर गई थी, परवीन बाबी, परवीन बाबी की जायदाद कहाँ है, परवीन बाबी की जायदाद कहाँ है, किसने क्लेम करी, वो उनको नग्न अवस्था में दौड़ी ये सारे केस, और हाँ जब जब जो नंगी अवस्था में जब जब वो दिशा पटानी, विनोद खन्ना नेकेड होके, और वो जो जिया जिया खान है वो भी तो विनोद खन्ना, विनोद खन्ना का करियर बहुत अच्छा था, वो अमिताभ बच्चन से बहुत ऊंचे चल रहे थे, बहुत चॉकलेटी और बहुत ही क्रीमी एक्टर माने जाते थे, लेकिन उनको उनको कहा गया तुम्हें आश्रम ले जाएंगे, ओशो के आश्रम ले जाया जाता है, वहां सुट्टे पिलाए जाते हैं, वहां उनको विभिन्न स्त्रियों के साथ रखा जाता है, उसके बाद एक बंदा अमिताभ बच्चन जी चुपचाप से निकल जाते हैं, उनको भेज दिया जाता है, वो कहते हैं मेरी छूट है, वापस चले जाते करियर दोबारा से, अब वो जो उनकी फिल्में थी वो छूट जाती हैं और इनको मिल जाती है, और जो उनकी आधी हुई फिल्म थी उसमें मरावा दिखा देते हैं, कुछ ऐसा ऐसा हुआ, फिर यहाँ ये आ जाते हैं, उसके बाद महेश भट्ट पतली गली से निकल जाते हैं, उनको वहीं छोड़ दिया जाता है, और किसी को फिर वो भिखारी जैसे वहां मिले अमेरिका में, तो वो कहते नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, हरे राम हरे कृष्ण इस तरह से करते हैं, तो ये जो है ना एक गैंग है, इनके पास साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपको पागल घोषित करेंगे, फिर ये कुछ ऐसे केमिकल देंगे, मैंने ये चाय का कप यहाँ रखा है, हमें चाय की शौकीन हॉस्पिटल में ले जाते हैं आपको, ऊपर हॉस्पिटल जिंदाबाद, अरे क्या क्या केस है, सुसाइड का बना देंगे अलाउ, हाँ। अब ये है ये, कोई जिंदा भी होगा तो उसको भी मार देंगे, अब ये जो है ना ये मेरे हाथ पास कप है, अब आप और मैं बैठे हैं, मैंने आप पे भरोसा कर, मैंने एक कप यहाँ रख दिया, अब मैं अंदर गई वॉशरूम, आपने तब तक उसमें रेप टैबलेट मिला दी, अब रेप टैबलेट उसका नाम ही आप देख लीजिए, उसका कोई वो नहीं है, खुद का टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो भाई वो हो गया ना, खत्म हो गया ना आदमी, वो आएगा वो जब मैं पीऊंगी तो मैं ऐसे ही रहूंगी, तो आप मेरे साथ कुछ करिए, मेरे कपड़े उतार के मेरा वीडियो कर लीजिए, मेरी तो गलती नहीं है ना, मैं लड़कियों से हमेशा एक बात कहती हूँ, भैया तुम्हारे साथ जो हुआ है जिसने करा है उसकी माँ का उसकी बहन का शरीर भी वैसा ही है, अब कोई लोग इतने दकियानुसी तो रहे नहीं, तो आप अपने ऐसा मत करो कि एक गलत को सही करने के चक्कर में पूरी वैश्याई बन जाओगे, आप पूरा आपको खराबी कर दे, इसलिए बी वेरी वेरी केयरफुल, जो हुआ हुआ, अपने माँ बाप के 4 जूते खा लीजिए, लेकिन आप इस तरह से बिल्कुल पिच मत जाओ कि प्लीज याकूब मेरे फोटो मत वायरल करना, अरे ठीक है तू करना वायरल कर, चल वायरल कर, तू भी है ना उस फोटो में, चल कर, मैंने तो तुझे ये समझ के कर कर जा कर, तो आप देखना वो उस, आप बोलोगे वो छुरा भोंक देगा, इसलिए कुछ मत बोलो, चुपचाप रहो, अपना पता वता बदल दो,
वहां से गायब हो जाओ, वो करने दो उसको, एक एक चेहरे की 10 लड़कियां होती, करने दो, मरने दो उसको, जो करता है करता रहे, कर करके थक जाएगा तो, और उसके बाद पुलिस को उसका कंप्लेन कर दो, किसी और जगह से करो, करनी है तो उसके बारे में कहीं वायरल कर दो रिपोर्ट। और दूसरी बात, वीडियो, वीडियो में वो खुद भी होगा ना तो दिखाए अपना फोटो को, उससे बोलोगे भैया तू जो भी वीडियो डालेगा तू भी क्लियर दिखना चाहिए, मेरे पास भी एक वीडियो है जिसमें तू क्लियर है, अगर वो एक फोन से बना रहा तुम भी बनाओ। पहली बात तो शादी से पहले करो मत, ठीक है ना, क्योंकि जो लड़का तुमसे शादी करना चाहेगा वो तुम्हारे बिना करियर के करेगा नहीं। पहले एक बात बोलो उसको भी, मेरे को अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, 5 साल जॉब करनी है, मेरे माँ बाप को भी मुझे देखना है, तो अभी ये नहीं हो सकता, तो देखना वो 6 महीने के बाद ही तुमसे, मतलब 6 महीने क्या, 6 दिन में वो तुमसे सेक्स की डिमांड करेगा, तो समझ जाओ वो प्यार नहीं करता। क्योंकि अगर देखो आजकल लड़कियां 25 साल के बाद ही शादी कर रही हैं, ठीक है, जनरली, तो कोई आदमी अगर खुद मैच्योर है, कोई लड़का 30 साल का 35 साल का है, तो वो तुमसे आके 18 साल की लड़की से क्यों करेगा, जो स्कूल में पढ़ी है कॉलेज में पढ़ी हो क्यों करेगा, वो अपने से 4-5 साल छोटी या 4-5 साल बड़ी से करेगा। तो भाई जब वो करेगा तो उसको वो किसी, मैं अगर किसी से मिली, मुझे पसंद आया, मेरे स्टैंडर्ड का है या मुझसे अच्छा है, तो मैं उसके साथ जाके चुम्मा चाटी करने से अच्छा उससे शादी कर लूंगी, वो जो पैसा हम रेस्टोरेंट में बर्बाद करेंगे अपने भविष्य के लिए लगाएंगे। तो क्यों ऐसा होगा कि मुझे होटल में ले जाएगा, पार्क में ले जाएगा, जो उस आदमी की इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें किसी अच्छे घर में ले जा सके, तुम्हारे माँ बाप से मिला सके, फट्टू आदमी वो तुम्हें ले जाके पार्क में करो, तुम नाचने वाली की तरह तुम जाके वहां पर सड़क में सो रही हो। ये सबसे पहले लड़कियों की भी गलती है, और लड़कियों को इतना समझना चाहिए अगर गलती हो गई हो गई, अब वो एक बार सोने के बाद तुम 10 लोगों के साथ कभी कोई तुम्हारा हलाला जलाला सब कर जाए, इसलिए बहुत सतर्क हो जाओ। वो हर हिंदू को ना, जो फादर्स होते हैं उनको अपनी बेटी को बहुत प्यार दिखाना पड़ेगा, मतलब खाली करना ही नहीं बल्कि दिखाना बहुत आवश्यक है। अगर ऐसा ना हो तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि लड़कियां जो घर में पिता से प्यार नहीं पाती है वो घर के बाहर प्यार ढूंढती है, तो ऐसी ही लड़कियां फंसती है। तो अगर आप बहुत मैं अपने पापा से झूठ बोलती हूँ, आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं, जब मैं अपने पापा से कहती हूँ आप मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, कहते हाँ हाँ तुझे बुढ़ापे में पैदा करके तुझे प्यार ही नहीं करो, तभी तो तू इतनी बड़ी होगी। मैंने कहा अरे जाओ आप प्यार करते, उसको मेरी बहन को अगर आम भी खिलाते ना, तो मतलब वो आई थी ऑस्ट्रेलिया से, उसको आम खिला रहे थे, तो मैं इतना रो गई, मैं इतना चिढ़ गई, मतलब मुझे उनको मनाना पड़ा। और वो अब क्या करते हैं, उनको पॉलिटिक्स क्या होती है, वो मुझे पसंद नहीं करती और मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ, तो मुझे फोन पे बताएंगे, क्योंकि 3 मिलके 1 हो गए और मैं थोड़ी अलग जनरेशन की हूँ, तो अब क्या हो जाता है कि फोन पे मुझे कहेंगे तुझे कुछ चाहिए, मुझे छुप छुप के क्यों बोल रहे हो, तो मेरे आपने चुड़ैल बेटियों को प्यार कर लो आप, तो अभी भी मैं इस तरह से करती हूँ। और मुझसे एक दिन मेरा इंटरव्यू चल रहा है किधर पे, चैनल आया हुआ है, तो कह रहे क्या मेरे पापा कहते हैं बेटा बेटा ये जो लोग हैं तेरा फायदा उठा रहे हैं, ये मेरे को पापा मैं कुछ हूं तभी तो इंटरव्यू ले रहे, कह रहे उल्लू बनाते हैं तेरे को, मैंने कहा अच्छा मैं टीवी में आ गई इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा, ये उल्लू बनाना होता है लोग, ये एक्स मुस्लिम एक बार टीवी में आ जाते हैं तो ये अपने आप को सेलिब्रिटी समझते हैं, हम 8 साल से आ रहे हैं और 10 साल से मैं काम कर रही हूँ, 10-12 साल से, तो अच्छा। हम भी नहीं इतना सोचते, मतलब कोई ऐसा मैंने गुजरात पोर्टल के लिए भी दिया है, गुजराती में बोला है मैंने उसमें, गुजराती मुझे बड़ी अच्छी लगी, और दूसरा तमिल तेलुगु और कन्नड़ मलयालम, इवन जयपुर में फोन पे मेरा वो लेते थे क्या, ये मूवीज के लिए रेडियो FM में कि मैडम 2 मिनट का भेज दीजिए रिव्यू, तो रिव्यू देती थी मैं, तो इस तरह से मैंने बहुत काम करे हैं। और कुछ मेरे पास सम्माननीय पद हैं अभी, वो पद ऐसे हैं कि उसमें पैसा नहीं लेकिन बड़ी इज्जत है, जैसे हिंदू महासभा है या फिर हिंदू संसद है, राष्ट्रवादी युवा वाहिनी है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मिशन एक NGO है, इसकी मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे पास पद अच्छे हैं, एकल विद्यालय समिति उत्तराखंड की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो मुझे पद है, पैसा नहीं है पद है, पैसा मतलब मैंने कमाया लेकिन वो मेरे अपने लिए है। डेफिनेटली आऊंगी ठीक है, आज आपके साथ बहुत अच्छा लगा और काफी वक्त भी हो गया, मैं जाती हूँ, आप इसे कटिंग करके लगाइएगा क्योंकि विभिन्न हमारे मुद्दे हैं ना, तो अच्छा रहेगा, बहुत जानकारी रखती है मेरी, तो बहुत सारी स्ट्रीम्स हो सकती हैं, तो मैं उसको यूज करूंगी आपको, डेफिनेटली ओके, जय श्री राम, हर हर महादेव। और जो भी दर्शक हैं प्लीज मेरा चैनल भी ज्वाइन करिएगा, इनको भी सपोर्ट करिए, हमको भी सपोर्ट करिए, और जो जो सच में हिंदू बन गए हैं, जैसे जय देवी है और ये कालीदासी हैं
और पूजा प्रवीण है, तो मतलब अभी पूजा जी का तो अच्छा ही चल रहा है, लेकिन अभी ये कालिदासी और इनको बहुत जरूरत है, किसको, ये जय देवी को। अब जय देवी का नया नाम मैंने संजना सिंह रख दिया है, तो इनको भी आप मदद करिए और मुझे भी करिए। ऐसा हम लोग के जो कि देखिए मैं ये बोलती हूँ, कभी कभी हमें किसी की बात पसंद नहीं आएगी, ऐसा जरूर नहीं कि हमें हर किसी की बात पसंद आए, लेकिन हमें अपने आप में एकजुटता बना के रखनी है कि कोई भी हो कुछ भी हो हम एक दूसरे के खड़े रहें, मतलब ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम आपके साथ खड़े हैं, आप भी हम सबके साथ खड़े हैं और खड़ी रहे और हम जो है आपको सपोर्ट करेंगे। आपका अपना आशीर्वाद दो, आप बड़े हो हमसे, अपना आशीर्वाद दो, जरूर आपके साथ है मेरा आशीर्वाद। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसा बना के रखिएगा, और ऐसी जाकी जैसी भावना होती है वैसा हो जाता है, भगवान कहते हैं श्री कृष्ण जी, कुछ भी जैसे कर्म करते रहो, आपके जैसे उत्कृष्ट विचार वाले आते रहे, तो ये भी मेरे चैनल की सफलता है। बस ये तो भगवान की कृपा है कि हमारा संजोग होगा मिलना, और लेकर आए मेरे चैनल पे यति जी को लेकर आए और स्वामियों को लेकर आए, तो मुझे बहुत ही आनंद है। यति महाराज से मेरा कांटेक्ट छूट गया था, तो इस बार मैं मुझे बहुत बुरा लग रहा था, तो अमृता नंद जी ने बात कराई तो बोलते हैं तू पगली है, बेटी है तू मेरी, तो मुझे इतना लगा हाय वो मेरे ही है बीबी, तो मैंने कहा आप स्वामी जी आप कहाँ चले गए, तो उन्होंने कहा बेटा मेरे नंबर बदल गए थे, तो उन्होंने फिर मुझे अपना नंबर दिया, फिर मैंने अपनी कंप्लेंट करी रुद्राक्ष से, उन्होंने मेरे पास पुराना नंबर था फिर नया उन्होंने चेंज कर दिया। हाँ मेरे पास जी देखिए सवाल रहता है, देखिए यति जी तो मेरे लिए ऐसे है की शायद मैं ऐसा बड़ी बात तो बोलूंगी नहीं, लेकिन मेरे पिता से ज्यादा मैं उनको थोड़ा सा ज्यादा सम्मान इसलिए देती हूँ क्योंकि देखिए हम एक जो हमने शारीरिक वस्त्र, जो ये शरीर है हमारा एक वस्त्र है, हमने जो इस धरती पे इस धरा पे जन्म लिया है और एक सनातनी बने हैं उसके लिए जो कार्य कर रहा है, तो उसके साथ हमें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम थोड़े से मोह माया में रहेंगे, मोह माया तब तक जरूरत है जब तक आवश्यकता है। अब मुझे कोई अच्छे ब्रांड के कपड़े पहनने, मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन जब मेरे देश को यानी कि मेरे राष्ट्र को, राष्ट्र का जब सनातन है, अब सनातन अगर सबसे पहले अगर मुझे कोई पूछे राष्ट्र पहले या सनातन, तो मैं कहूंगी सनातन, क्योंकि अगर कनाडा में सारे हिंदू हैं और वहां पर आपने सनातन स्थापित कर दिया तो कनाडा एक सनातन राष्ट्र हो जाएगा, तो ये हिंदुओं और सिखों की विफलता है कि वो एकजुट होकर वहां अभी तक सनातन राष्ट्र नहीं बना पाए, इसीलिए मैं यति बाबा को ज्यादा चुनूंगी कि यति बाबा एक मेरे लिए पवित्र आत्मा है और बस वो मुंहफट है, इसलिए लोगों को बुरे लगते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करता है उसको अगर कोई अभी आपको बताएगा ना आप ऐसे नहीं, अब जैसे मान लो आपके यहाँ पर एक वो लटक रहा है सांप और आप सोच रही हो कि नहीं मैंने एक वो लगाई हुई है, आपको वो एक क्लिप दिखाई दे रही है, तो मैं कहूँगी सांप लटक रहा है, आपको ये चिड़ है मुझे इसलिए बता रही है, ये कौन होती है बताने वाली, अब जब आगे आप जाएंगी आपको क्या कहते हो सांप सांप कोई, तब आपको एहसास होगा, तो तब आपको पता चलेगा प्राची ने सच बोला था, क्योंकि पहले आप उसे चिढ़ जाएंगे, तो इसलिए जो जैसे मेरा भाव क्या है कि जो जैसी बात हो जहां पर हो उसको बता दो, मन में कुछ मत रखो, अगर आपका मन साफ है अब मैं आराम से सो सकती हूँ कि आपने, अरे यार कोई बात नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है, अब मैं संजना सिंह और जय देवी को भी बता सकती हूँ कि नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा हुआ, चलो उनके भाव थे, हर किसी के अपने भाव है, हर किसी का सम्मान है, हमारे लिए कोई राग देश नहीं रख रहा है, वो आपके लिए भी नहीं रख रही है, तो ये बात अच्छी हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने भी आपकी तारीफ ही करी थी, उन्होंने कहा था काफी उनका जो हिंदी है वो काफी अच्छी रहती है, अगर मुझे मौका मिलता तो अच्छी हिंदी बोलती हैं वो, उनके साथ मतलब उनका कॉन्वर्सेशन देखने में मजा आता, उन्होंने भी बोला था मुझे आपके लिए। चैनल को जो है वो समाप्त करके हम बैक में बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हर हर महादेव, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर हर महादेव।